सो द वीडियो इज, पहले मैं वीडियो के बारे में थोड़ा बता दूं, ये पूरी लाइव वीडियो जो होगी उसमें क्या होगा। देखो स्पॉटिंग एरर तो मैं करा ही रहा हूं तुमको, ठीक है ना, पर आज के बाद जो मैं ग्रामर करा दूंगा उसके बाद तुम्हें दोबारा ग्रामर छूनी नहीं है, क्योंकि मैं नाउन से लेके टेंसेस तक वो सब कवर करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप अपनी एनर्जी कहीं और लगाएं, और मैं आपको वादा कर रहा हूं कि आपको इससे ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। और मेरा आपसे एक वादा है कि जब आप इस वीडियो को कर लेंगे और उसको अच्छे से कर लेंगे तो मैं आप लिटरली कॉपी पेस्ट क्वेश्चन देख पाएंगे, पर शर्त दो है। पहली शर्त क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसे दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा कम से कम एक या दो बार, क्लियर है, जिससे आपको सारे के सारे जो रूल्स हैं वो एकदम कंठस्थ हो जाए दिमाग में। सेकेंडली मैं क्या चाहता हूं, आप जो PYQ है पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर वो दो बार कर लो बस, मेरे कराने के बाद आपको बहुत आसान लगेगा। हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चन ना हो, उसका एक कारण ये होगा कि आपको ना वो रूल याद नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। कराया होगा मैंने, 200% मैंने वो क्वेश्चन आपको कराया होगा, गारंटी बोल रहा हूं मैं कि बिल्कुल कराया होगा, बट वो आपको याद नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ PYQ कम से कम दो बार कर लेना, और दो बार ही मेरी इस वीडियो को रिवाइज कर लेना, और आपको लिटरली कॉपी पेस्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। गिव मी द प्रॉमिस यू विल डू दैट, गिव मी द प्रॉमिस यू विल डू दैट, एंड फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो मेरा नाम है शुभम वाशने, एंड माई टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। और मैं आपको जब यहां पर वीडियो में करा रहा हूं तो मैं एक चीज का फॉर्मेट और बताना चाहता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, मैं आपको कोई भी रूल होगा उसका ना पूरा एक्सप्लेन करूंगा, वो रूल है क्या, उसका एक एग्जाम्पल दूंगा, और उस एग्जाम्पल देने के बाद ना दो क्वेश्चन दूंगा, उसमें से एक क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। गेटिंग अ पॉइंट, जरा मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये कंसेप्ट है, मैंने ये कंसेप्ट आपको पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई मैंने पढ़ाया आपको, पढ़ाने के बाद आपको मैंने समझा दिया और वे दो क्वेश्चन दिए, तो ऊपर वाला क्वेश्चन तो मैं खुद कराऊंगा, नीचे वाला आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। ये मैंने दिया ही इसी वजह से कि प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। सो याद रखो यार, मेरी मिठाई तुम्हें भूलनी नहीं है। मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आपको पता होनी चाहिए, गूगल कर लेना, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है सरकार की है। वहां पर मेरा ऑफिस है, उसके जस्ट सामने मेरा ऑफिस है, बहुत सारे बोर्ड्स आपको दिख जाएंगे वहां पर, आना जरूर मेरठ में, ठीक है। गूगल पे डालो, आना जरूर। देखो बहुत बच्चे मुझसे पूछ रहे सर क्लासेस का शेड्यूल क्या है जो यूट्यूब पे आ रही है, भाई ये रहा शेड्यूल, ठीक है। आज 11 फेब है, और मैं 11 फेब को क्या तुम्हें करा रहा हूँ, मैं ग्रामर करा रहा हूँ। बच्चों की बहुत डिमांड थी कि पहले ग्रामर करा दो फिर बाद में वोकैब करा देना, क्योंकि वोकैब रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा। तो ग्रामर पहले करा दे रहा हूँ मेरी जान, और ये जो वोकैब है ये आपकी 13 फेब को आ जाएगी, 13 फेब को, ठीक है। और वैलेंटाइन डे के दिन को हम एफकेट की स्टैटिक जीके करेंगे, ठीक। अभी बाकी पूरा का पूरा का पूरा शेड्यूल ये आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम को लेने का तरीका क्या है, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सिंपल एक काम करो, ये जो नंबर आपके सामने है उस पर टेलीग्राम लिखो, ना लिंक लिखो, ना बोलो कि मुझे क्लासेस का लिंक दे दो वगैरह वगैरह, सिंपल टेलीग्राम लिखो, तुमको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन करो, PDF भी वही मिलेगी। अब देखो तुमको एक बात बोल रहा हूँ, मेरा पढ़ाया हुआ तुम्हें दिखेगा एग्जाम में, और मुझे मिठाई खानी है, तुम्हें पता होना चाहिए मैं मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के सामने हूँ। और भाई साहब ये जो रेटिंग है ना, ये इसी बात की रेटिंग है कि भाई जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको कॉपी पेस्ट दिख रहा है, क्लियर है। तो मैं आपसे इस वादे को चाहता हूं कि आप आएंगे, मिठाई खिलाएंगे, पेटीएम करके काम मत चला देना, सर मैं आ नहीं पाऊंगा, SSB निकलेगा तब बात करेंगे, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी बात, अगर आपको पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो 6 PM to 9 PM मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है 2-4 दिन से नहीं उठ पा रहा हो, क्योंकि मैं खुद बीमार चल रहा था। सो मैं चाहूंगा कि आप ध्यान रखो, टाइमिंग का ध्यान रखो, सैटरडे संडे ऑफ रहता है और ये टाइमिंग है। दूसरी बात, ये यही नंबर पे आप ऑफलाइन क्लासेस के बारे में भी पता कर सकते हो और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में पता कर सकते हो। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक है तो मैंने अभी स्पेशली वीक सब्जेक्ट के लिए अपनी क्लासेस अपने जो ऐप है प्ले स्टोर पे, वहां पर मैंने चालू कर दिए, ठीक है। वो मात्र 500 रुपए की है, आप यहाँ पर 1000 रुपए देख रहे हो, 500 यहाँ पर डिस्काउंट लगाएगा, 500 रुपए का हो जाएगा, तो आप कंप्लीट कर सकते हो। और कोई दिक्कत आए फोन पे बात भी कर सकते हो मेरे से, ये टाइमिंग है आपको पता है, ठीक। दूसरी बात एक और, जो मेरे ऑफलाइन बैचेस हैं उसमें बेटा बहुत कम बच्चे ले रहा हूं मैं, 30 से 40, उसमें भी मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए हैं, एक जो फाइनेंशियली स्टेबल है और दूसरे जो फाइनेंशियली अनस्टेबल है। तो जो अनस्टेबल है उनके लिए मैंने क्या कर दिया है कि भैया ऑफलाइन क्लासेस में स्कॉलरशिप टेस्ट कर दिया है,
मेरा ऐसा मानना है कि 15 से लेके 20 के आसपास फाइनेंशियली स्टेबल आएंगे, तो करीबन 10 बच्चे कुछ ऐसे आ जाएं जो फाइनेंशियली अनस्टेबल है। तो उनकी दो स्टेजेस होंगी, एक उनका रिटन टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू होगा, और उसके अकॉर्डिंग उन्हें डिसाइड करा जाएगा उनको स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, सो अगर आपको चाहिए तो आप सिंपल एक जाओ सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पे, वहां पर आप अपना एग्जाम चूज करो, वहां पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दिखेगा और वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिल जाएगा। जिनको स्कॉलरशिप का नीड है तो बेटा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कुछ ही दिनों में वहां पर आपके सामने अपडेट दिखेगा। ठीक है, मैं आपसे अभी आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। पहला सवाल हमारे सामने, या हमारे सामने पहला कंसेप्ट है। अच्छा, टोटल कंसेप्ट कितने होंगे, एक बात और बोल दूं, टोटल कंसेप्ट जो हमारे पास है वो 100 है, 100 कंसेप्ट है, और 100 के 100 हमें करने हैं फटाफट, इसी आज की तारीख में ही खत्म करने हैं। ठीक है, चलो फटाफट से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। फटाफट फटाफट आप जवाब देते जाना, और जैसे जैसे समझ में आ जाए अपने आप ही, मैं बोलूंगा नहीं, आप रोजर लिख देना, आर टाइप करना, जैसे मुझे समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, पहला कंसेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। अगर दो या उससे ज्यादा कोई सब्जेक्ट हो तो उन्हें कनेक्ट करा जाता है किससे, यूजुअली टेक अ वर्ब, वर्ब से कनेक्ट करा जाता है। वो जो वर्ब होगी वो उसमें किस टाइप की वर्ब होगी ये हमें सीखना है, समझते हैं जरा। यहां पर देखिए हरि और राम की बात हो रही है, क्या दो लोग आपको समझ में आ रहे हैं, हरि और राम? हाँ सर आ रहे हैं। तो यहां पर दो लोग हैं, क्या इज आएगा आपको? नहीं आएगा। जब दो लोग हो रहे हैं तो यहाँ पर आर आएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल सा रूल है, कोई बड़ी बात। अब जरा इस रूल को थोड़ा और डिफाइन करके समझते हैं। मान लो मैं ऐसे कहूं, मी एंड माई सिस्टर इज गोइंग या आर गोइंग, जल्दी बताओ, मी एंड माई सिस्टर इज गोइंग और आर गोइंग? यस आर गोइंग, बात समझ रहे हैं? बट मान लो ध्यान सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूं। अगर मान लो इसमें एक पोजीशन लगा दूं, पोजीशन इन द सेंस में क्या कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं दा लगा दिया मैंने, सेंटेंस के आगे दा लगाया, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल, द डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल डैश कमिंग, डैश कमिंग, ध्यान सुनो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं? तो यहां पर इज आएगा कि आर आएगा? यहां पर इज आएगा कि आर आएगा? जनाब यहां पर आएगा आर, बात समझ में आ रही है क्या मैं बोल रहा हूं? चलो पहले दोबारा से करते हैं, मैंने क्या बोला है ध्यान सुनते हैं, सब कुछ रिपीट करता हूं मैंने क्या बोला है। ठीक है, आगे उसमें हम ज्यादा और अच्छे समझेंगे, ध्यान सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, एकदम पूरा रिवीजन दे रहा हूं, ध्यान सुनो मेरी बात। सवाल ये था, क्वेश्चन ये कंसेप्ट ये कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दोबारा बोल रहा हूं, दो सब्जेक्ट हैं तो प्लूरल वर्ब आएगी, हरी भी है राम भी है, दो लोगों के साथ प्लूरल वर्ब आती है, सिंपल सी बात है, ये तो हमने बचपन से लेके आज तक पढ़ा है। फटाफट से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जो मैं डीपर बातें बता रहा था अभी बोल रहा था, जो आपने शायद आपके सर के ऊपर से कही होंगी, दोबारा रिपीट करूंगा, पर पहले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सम डियर, कुछ डियर और कुछ काओ, ठीक है, कुछ हिरण और कुछ काओ वॉज रनिंग ड्यू टू इस लायंस अटैक इन द जंगल, जल्दी बताओ आंसर यहां पर कहां पर है, कौन सा पार्ट गलत है, जल्दी बताएंगे। जी बिल्कुल, वॉज गलत है सर, दो अलग अलग चीजें हैं तो यहां पर वर आएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, अब जरा हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो मैं बात बोली थी दूसरी, जो शायद हो सकता है आपको समझ नहीं है, वो ये वाली बात है। जब मान लो फॉर एग्जाम्पल सेम पोजिशन पे आदमी हो, मतलब मैं कंपनी का डायरेक्टर भी हूं और कंपनी का सीईओ भी हूं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक कंपनी में दो पोजीशन होल्ड कर रहा हूँ, डायरेक्टर वाली भी और सीईओ वाली भी, तो इसका मतलब है कि एक ही आदमी है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहूँ, द डायरेक्टर एंड सीईओ डैश कमिंग, तो कितने लोग आ रहे हैं, एक या दो? सर एक आदमी आ रहा है, तो दैट्स वाई वी यूज इज ओवर हियर, बात समझ में आ रही है? अब ये बात हमें पता कैसे लगी कि डायरेक्टर और सीईओ एक आदमी के दो आदमी, ये हमें पता लगी दास, अगर सेंटेंस के आगे एक ही जगह दा लगा हुआ है, एक ही जगह दा लगा हुआ है, इसका मतलब है ये दो आदमी नहीं एक ही आदमी है, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, क्योंकि यहाँ दा ये बता रहा है कि ये एक ही आदमी है, क्या मेरी बात समझ आ रही है? गिव मी द रॉज इन द कमेंट सेक्शन, बताते इसे बताएंगे तुम लोग, क्या मेरी बात एकदम क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही, जल्दी बताओ। गोली की स्पीड से, आज मैं पानी लेके बैठा हूँ, जानू थोड़ा थोड़ा पीता जाऊंगा मैं, बोलो मैं जान। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या ये वीडियो बात नहीं सकता, नहीं बेटा मैं 48 आवर्स बाद ये वीडियो डिलीट कर दूंगा, ये पेड बच्चों के लिए होती है और आप यहाँ गलती से आ गए हो, ठीक है ना, ये मिल रही है आपको ऑन डिमांड, क्योंकि काफी लोगों ने डिमांड की कि हमारा छूट रहा है ग्रामर, हमारी स्पॉटिंग में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो 24 घंटे के लिए अवेलेबल है ये, 24 to 48 आवर्स, उसके बाद वीडियो डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है ना, हो सके तो आप डाउनलोड करके रख लेना है वीडियो। चलो आगे देखते हैं जरा, आपके सामने कंसेप्ट है माई टीचर एंड फ्रेंड आर कमिंग टू माई हाउस टूडे, माई टीचर एंड फ्रेंड आर कमिंग टू माई हाउस टूडे। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर आर आएगा इज आएगा, जरा एक और कंसेप्ट में एक और तड़का मार, यहाँ पर जो माई है ना, ये माई ये इंडिकेट कर रहा है कि टीचर भी मेरा ही है और फ्रेंड भी मेरा ही है, दोनों एक ही आदमी है। जैसे मैं कहूँ
माई सिस्टर एंड माई बेस्ट फ्रेंड, माई सिस्टर एंड बेस्ट फ्रेंड, माई सिस्टर एंड बेस्ट फ्रेंड डैश कमिंग। इसका मतलब है कि जो सिस्टर ही है वो ही बेस्ट फ्रेंड है। दोबारा बोल रहा हूं, जो सिस्टर है वो ही बेस्ट फ्रेंड है। इसका मतलब यहां पर आर नहीं आएगा, यहां पर इज आएगा। दो लोग नहीं है, एक ही लोग। अब जरा समझते हैं, दोबारा ध्यान से देखते हैं, वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। यहां पर दा दो जगह लगा हुआ है, दा दो जगह लगा हुआ है, तो क्या होगा यहां पर? क्या यहाँ आर ही आएगा, इज आएगा, जल्दी बताएंगे। ये आपके लिए है, क्या इसमें नो एरर है, क्या है सिस्टम, ये आप बताएंगे। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए जरा। बिल्कुल, अब जरा मैं एक और बोलता हूँ, जरा मेरी बात ध्यान सुनिए। क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बोल रहा हूँ। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ कि अगर मैं बोल दू माई टीचर एंड माई फ्रेंड, दो चीजें लगा दू, माई टीचर एंड माई फ्रेंड, तो यहाँ पर आर आएगा, इज आएगा, जल्दी बताए। माई टीचर एंड फ्रेंड, जल्दी बताओ। यस यस, यहाँ पर आर ही आएगा। बिल्कुल सही जवाब, आपने सही कहा, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें अलग अलग डिनोट कर रहा है। अगर वो एक ही है तो एक ही जगह वो डिनोट करेगा यहाँ पर, कि भैया ये एक ही आदमी है। गेटिंग अ पॉइंट? तो ये सिंपल है, दो आपने बात बहुत ध्यान सुनी है, ध्यान सुनना। अगर द सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा है सिर्फ एक जगह, तो इसका मतलब ये दोनों एक ही आदमी है। और सेम वे अगर माई भी सेंटेंस में एक ही जगह लगा है, एक ही जगह लगा है, तो इसका मतलब है ये भी एक ही आदमी है। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बहुत ही प्यारा कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है, ये एग्जाम में आपके बहुत बार आया और आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो अगला देखते हैं, जरा अगला सवाल, अगला कंसेप्ट क्या है, जरा ध्यान सकते हैं। इफ अ सिंगल सब्जेक्ट, अगर एक सिंगल सब्जेक्ट है, आर प्रिसीड बाय ईच एंड एवरी, और उसमें ईच और एवरी आ रहा हो, पहले प्रिसीड मतलब पहले आ रहा हो। दोबारा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और उससे पहले ईच या एवरी आ रखा हो, तो वर्ब कौन सी लगेगी? वो लगेगी सिंगुलर। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं। यस, अगर मैं सेंटेंस से एवरी को हटा दूं, एवरी को हटा दूं, तो यहां पर वर्ब ही आएगा। दोबारा मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर मैं सेंटेंस से क्या हटा दूं, मैं सेंटेंस से एवरी को हटा दूं, तो इसमें क्या आएगा? वर ही आएगा। वही 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 वही, अगर मैं सेंटेंस में एवरी या ईच को लगा दूं, तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी। ये नियम है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, क्या कंसेप्ट है सर, ये तो पता ही नहीं था मेरे को, यही तो मेरा बात थी। और अगर आप देख लो, अगर आप स्पॉटिंग एरर को देख लो, हर दूसरे साल में आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, और ये वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 समझ में आ रही है। क्लियर है? जल्दी बताओ, मैं जाना, मेरी बैटरी डाउन होने वाली है, बता दो। फोन की तुम्हारे लिए मैं सेक्रीफाइस करके ना अपने हाथ को लंबा करके चार्जर लेकर आ रहा हूँ, और अभी भी आया अब आगे। चलो, मुझे लगा था नहीं आएगा, गिर जाएगा सब कुछ। ओके, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला कंसेप्ट आपके सामने, बेटा सबको समझ में आ रहा है ना? एक बच्चा जो लाइव वो कह रहा है, रिपीट कर दो, मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ लेट आया है, तो बेटा थोड़ा सा पीछे करके देख ले, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं है, दो दो तीन तीन बार रिपीट ना की। ठीक है, चलो फटाफट से आगे बोलते हैं। रोजो बता दो एक बार, टाइप द आर इन द कमेंट सेक्शन, जिससे मुझे पता लग जाए। ओके ग्रेट, अगला सवाल, अगला कंसेप्ट, ध्यान सुनेंगे मेरी बात। अगर दो और उससे ज्यादा सब्जेक्ट कनेक्टेड है, नॉर से, आइदर से, नाइदर से, नॉर से, नॉट ओनली से, बट ऑल्सो नन से, इनमें से किसी से भी दो चीजें एक साथ कनेक्टेड हैं, तो हम किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? ध्यान सुनो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जैसे नाइदर होता है, नाइदर नॉर, याद है ना, आइदर और सुना होगा आपने, और एक होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, सुना है आपने? हाँ सर, सुना होगा। अगर सेंटेंस में कभी भी इसका इस्तेमाल हो, तो इसको समझ लो कि वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करनी है। क्या करनी है? वर्ब को सिंगुलर इस्तेमाल करना है, सिंगुलर इस्तेमाल करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जरा एक क्वेश्चन देखते हैं। नाइदर माई फ्रेंड नॉर माई पेरेंट्स टोल्ड मी नथिंग अबाउट द पार्टी। यहाँ पर एक और ऑप्शन होना चाहिए, नो एरर लगाना रह गया। बोलो मेरी जान, क्या राइट आंसर होगा? नाइदर माई फ्रेंड नॉर माई पेरेंट्स टोल्ड मी नथिंग अबाउट द पार्टी। बिल्कुल सर, यहाँ पर नो एरर आएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस में चल रहा है, इसमें कौन सी वर्ब? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस, अगर मान लो यहाँ पर ये कंटिन्यूस में चलता, नाइदर माई फ्रेंड नॉर माई पेरेंट्स इज टेलिंग और आर टेलिंग, जल्दी बताओ। जी सर, अगर सर ये इस टेलिंग और आर टेलिंग वाली बात होती, तो इस टेलिंग ठीक होता, बट क्योंकि यहां पर आ रहा है सिंपल पास, तो सिंपल पास में हेल्पिंग वर्ब लगती नहीं है, तो ये पूरा का पूरा नो एरर है सर, और यहां पर नो एरर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 क्लियर है। राधिका ने कहा है कि सर ये वाली जो वीडियो आप कह रहे हैं, ये एंड्रॉइड स्टूडेंट को कहाँ मिलेगी? बेटा आपके ऐप में मिल जाएगी, ठीक है ना, डोंट वरी। पहले मुझे फटाफट से बताओ इसका आंसर, आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये बहुत बार एग्जाम में है। नाइदर नॉर पे हर साल सवाल आता है, दोबारा बोल रहा हूँ, नाइदर नॉर पे और आइदर और पे हर साल सवाल आता है, सो यू कांट स्किप। आपने बचपन से लेके आज तक इन पे सवाल देखे होंगे, और इस बार भी आएगा। चलो अगला कंसेप्ट फटाफट देखेंगे, फटाफट तेज से बेटा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो तेज से। अगला सवाल है यहाँ पर, व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइन बाय और नॉर, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना, ऑफ अ डिफरेंट नंबर देन द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। सर ये क्या चक्कर था, ये क्या चक्कर है, जरा देखते हैं। पहले वाला रूल एक बार फिर से पढ़, ठीक है, ध्यान सुनो मेरी बात। उसने क्या कहा है यहाँ पर, पहले वाले कंसेप्ट में अगर दो चीजें हैं, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय आइदर नॉर या जो भी था, ये था आइदर और
नाइदर नॉर, ठीक है ना, इनसे कनेक्टेड पर सिंगुलर है। क्या बोल रहा हूँ, सिंगुलर है। देखो ही सिंगुलर है, हाँ सा सिंगुलर है, आई भी सिंगुलर है, हाँ सा सिंगुलर है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो जरा, माई फ्रेंड भी सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, और माई पेरेंट भी सिंगल है। पेरेंट्स हमेशा, ये पेरेंट्स भले ही पेरेंट्स में एस लगा होता है, बट पेरेंट्स को हम प्लूरल में काउंट नहीं करते, सिंगुलर में काउंट करते हैं, ठीक है। फादर भी सिंगुलर है, ठीक है ना, और यहाँ पर हिज ब्रदर भी आ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर हिज ब्रदर वाले में तो आप खुद करोगे क्या है, अभी मैं आप जब बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपके सामने सवाल ये आता है कि जब आपके सामने सिंगुलर सब्जेक्ट हो दोनों जगह, ठीक है ना, दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, अगर दोनों जगह सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, सिंगल वर्ब आएगी, सिंगल वर्ब। बट वही 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 अगर ऐसा हो जाए आपके साथ कि जो सब्जेक्ट ज्वाइंट हो रखा है, जो सब्जेक्ट ज्वाइंट हो रखा है उसमें डिफरेंट नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द नाइदर द असिस्टेंट मास्टर्स, देखो एक नहीं है, एक से ज्यादा है, और द हेड मास्टर, ठीक है। यहाँ पर देखो एक जगह तो प्लूरल है, एक जगह सिंगुलर है, ध्यान देना जरा, एक जगह तो प्लूरल आ रखा है और एक जगह सिंगुलर आ रखा है, सिंगुलर आ रखा है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। अच्छा एक बात मैं गलत बोल गया हूँ, मैं इसे करेक्ट करना चाहूंगा, मुझे अभी याद आई, एक सेकंड जरा, मैं 1 मिनट तभी मैं आपको, हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स को भी हम सिंगुलर में नहीं काउंट करते हैं, प्लूरल में ही काउंट करते हैं, ठीक है ना। मैं गलत बोल गया था, अभी मेरे को क्लिक किया, मेरे दिमाग में सेंटेंस बना, ठीक है ना। हम बचपन से बोलते हैं योर पेरेंट्स आर कमिंग, राइट, योर पेरेंट्स आर कमिंग, तो मेरे दिमाग में क्लिक किया कि पेरेंट्स तो आर के साथ आता, ठीक है। सो यहाँ पर दोनों ही क्वेश्चन में कहाँ गलती है, यहाँ पर ही गलती है। अच्छा इसमें तो कोई गलती है ही नहीं, इसमें फिर भी टोल्ड ही आएगा ना, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर नो एरर ही है, ठीक है, इसी में गलती थी, भूल जाओ जो मैं कह रहा था, मेरी बात ध्यान सुन लो, बस मैं बता था। यहाँ पर देखो इसमें गलती है, पापा सिंगुलर है और ब्रदर बहुत सारे हैं, तो हैज कैसे आएगा, हैव आएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ध्यान सुन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पापा तो सिंगुलर है और भैया बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा। जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा, यहाँ पर ही तो सिंगुलर है, ही तो सिंगुलर है, पर जो यू होता है वो प्लूरल होता है, आपको पता होगा, हाँ सर होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आनी चाहिए, वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, तो हैव आना चाहिए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। राम तो एक ही है पर जो दे है वो प्लूरल है, तो यहाँ पर वर आना चाहिए, क्या मेरी बात समझ आ रही है। दोनों में से कोई एक अगर प्लूरल होगा, दोबारा बोल रहा हूं मैं, दोनों में से कोई एक अगर प्लूरल होगा तो वर ही आएगा, ध्यान सुनना मेरी बात। देखो असिस्टेंट मास्टर्स दिख रहा है, ऐसा रखा है, देख रहे हो आप, यहाँ पर हेडमास्टर आ रखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर प्लूरल वर्ब ही आएगी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताएं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताएं फटाफट, इतनी बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, जस्ट गिव मी द रॉज इन द कमेंट सेक्शन, एक बार फटाफट से 23 रॉजर देंगे बेटा, ये बहुत टिपिकल है, इसमें मुझे एक चीज और बतानी, ध्यान सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, जल्दी सब लोग फटाफट से रॉजर दे दें, 1:23 एकदम गोली की स्पीड से रॉजर आ जाए मुझे, सबको समझ में आ गया। मैं दोबारा रिपीट बोल दे रहा हूँ एक आखिरी बार, कि भैया अगर एक सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर एक सब्जेक्ट प्लूरल है और एक सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। अगर दोनों सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब ही आई, तो यहां पर नेक्स्ट वर्ब सिंगुलर ही आएगी, जैसे इज एम, ऐसे, क्लियर है। अब मैं एक आखिरी रूल बताने जा रहा हूं जो आपको पता होना चाहिए इसी सब्जेक्ट के अंदर, ध्यान सुनना, अगर मान लो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट प्लूरल है, तो जो प्लूरल होगा वो वर्ब के जस्ट इमीडिएट बाद आएगा, ध्यान से देखो, यहां पर रिप्लेस कर दिया है, हेडमास्टर पीछे आ गया, असिस्टेंट मास्टर आगे आ गया, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपको तीन मैंने ऐसी चीजें सिखाई जो आपको पता होनी चाहिए एग्जाम में देखने वाली, इसलिए मैंने कहा था कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कम से कम 2 बार रिवाइज कर लेना, आपको कॉपी पेस्ट दिखेंगी, इसी से आपको 3 एरर निकालने सीख गए हो आप। ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में असिस्टेंट मास्टर को उठा के यहाँ रख दे, बाकी वर्ब आप सारे ठीक कर रखी हो, ऐसा हो सकता है वर्ब गलत कर दे, गेटिंग माय पॉइंट, समझ लो मेरी बात, इस बात को ध्यान रखना बेटा, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी कीमत पे, एकदम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, क्लियर है, गिव मी द रॉजर, ओके ग्रेट 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 ग्रेट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ध्यान सुनेंगे जरा, व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंट, ध्यान सुनना, व्हेन द सब्जेक्ट जॉइंट बाय और नॉर और आर ऑफ डिफरेंट पर्सन द वर्ब एग्री इन द पर्सन विद द वर्ड नियरेस्ट टू, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे लिखा है आइदर ही और आई, भाई कायदे में दोनों सिंगुलर हैं, कायदे में दोनों सिंगुलर हैं, तो इज आना चाहिए, यस बिल्कुल बात सही है, मैं करेक्ट मान रहा हूं आपकी बात, बिल्कुल सही है, 200% ठीक है, 200% ठीक है, अगर ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, ये मैं मान रहा हूं, पर क्योंकि यहां पर आई वर्ब के पास है, आई वर्ब के पास है, तो आई के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी सिंगुलर में भी, तो एम आएगी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ही और आई। अगर मान लो ये ऐसे होता, उल्टा होता, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, मतलब मैं ऐसे कर दूं आइदर, अरे भैया चेंज करता हूं, एक मिनट, मेरी हैंडराइटिंग ज्यादा टट्टी हो, ही की जगह आई कर दूं और आई की जगह ही कर दूं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ इज ही आएगा, बात समझ आ रही मेरी बात, बिल्कुल सर, इसके लिए भी रोज लिख दो फटाफट से, गोली की स्पीड से फटाफट से रोज आ जाए, यार तुम लोग शेयर वेयर करते नहीं हो क्या, है जल्दी बताओ, पुनीत मेरे बच्चे समझ में आ गया, ओके।
अगला सवाल आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, आपके सामने ये है, आइदर यू और आई आर गोइंग, क्या यहाँ पर ऐसे ही होगा? क्या ये सही है सेंटेंस या कुछ गड़बड़ है इसमें? कहाँ गलती है? कमेंट सेक्शन में, वन में गलती है या टू में गलती है, जल्दी बताएंगे फटाफट। वन में गलती है, टू में गलती है, या मुझे तो वन में लग रहा है, पहले आई आना चाहिए और फिर यू आना चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। बात समझ रहे हो मेरी बात? जी सर जी, बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक, ओके, सभी को क्लियर हो गया है? हाँ जी। अगर यहाँ पर मैं यू की जगह ही कर देता तो यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग आता, यहाँ पर एम हो जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? जल्दी बताएं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बोलो क्लियर है यहाँ तक की बात? क्लियर है, चलो यहाँ तक की बात समझ में। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में। बेटा क्रिकेट बोल रहा है, हाउ? बेटा हाउ नहीं, सिंपल सी बात है, ध्यान सुन लीजिए, रिपीट करता हूँ। अगर रूल मैंने यही सिखाया था कि यू और आई आ रहा है तो जो इसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आनी चाहिए तो एम आना चाहिए कायदे में, बट मैंने एक रूल अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया था कि आपका जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो पहले आएगा और जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो बाद में आएगा, तो आना ऐसे चाहिए, आई और यू आर गोइंग, गेटिंग अ पॉइंट। तो वर्ब तो ठीक लगी हुई है, प्लेसमेंट गलत है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, कमेंट सेक्शन फटाफट तेज से। अभी समझ में आया मैंने क्या कहा? जल्दी बताएंगे फटाफट तेज से, अभी सबको समझ में आया होगा, बिल्कुल तेज से, गोली की स्पीड से, ठीक है ना? अभी सबको समझ में आया, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जरा आगे चलते हैं, ध्यान से देखेंगे, सेवन कंसेप्ट पे आ चुके हैं। अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज अ होल, अ प्लुरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल ऑफ विच इट इज कंपोज आर थॉट ऑफ। क्या बोला पता नहीं, समझा? मैं समझाता हूँ, बहुत ध्यान, बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत बार यूज हुआ है, बचपन से लेके आज तक यूज कर रहा हूँ। एक जो कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करता है, क्या कह रहा है? एक जो कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करता है व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज अ होल, जब पूरे कलेक्शन को एक की तरह देखा जाए, एक यूनिट की तरह देखा जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली, फैमिली में चार पांच मेंबर हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, पर फैमिली को सिंगुलर फॉर्म में लिया जाएगा। अगर मान लो मैं कहूं, ऐसे कहूं, जैसे फैमिली इज इनवाइटेड, फैमिली को बुलाया गया है, तो एज अ यूनिट उनको बुलाया गया है, एक इकट्ठा करके उनको बुलाया गया कि आप सब लोग इनवाइटेड हैं, आप सब लोग इनवाइटेड हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सर, बात तो आपकी एकदम सही है, फैमिली इज इनवाइटेड, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब जरा ऐसे ही देखते हैं, काउंसिल हैज चूजन द प्रेसिडेंट, काउंसिल ने क्या करा है? मिलके चूज करा है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब जरा यहां देखिए, मिलिट्री वर कॉल्ड आउट, अब यहां पर वर का इस्तेमाल क्यों हुआ है? ध्यान, जिस मैं एक बार फैमिली का एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान सुना, मैंने कहा था फैमिली इज इनवाइटेड, फैमिली इज इनवाइटेड। अब मैं कहूं फैमिली हैज टेकन देयर सीट और हैव टेकन देयर सीट, जब फैमिली के जो मेंबर हैं वो सीट जो ग्रहण करेंगे अलग अलग करेंगे ना, या एक के ऊपर एक बैठते चले जाएंगे, हाँ ये बात सच है, वो आएंगे साथ, पर जब सीट पे बैठेंगे तो अलग अलग सीट पे बैठेंगे ना, तो जब वो काम अलग अलग करते हैं, ठीक है ना, तो हम उसके आगे वर्ब लगाते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएं, तो यहाँ पर मिलिट्री को जब बुलाए जाएंगे, हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है, क्लियर है। अब जरा यहाँ पर देखिए, द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ ऑन द रोड, क्या सही है? द पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थीफ ऑन द रोड, जल्दी बताओ फटाफट से, क्या गलती है, क्या सही है, सब सब बताओ तेज से। द पुलिस इज रनिंग, बोलो 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 बोलो, क्या मानते हो? आ रहेगा, क्यों आएगा? बेटा मान लो ये चोर है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि पुलिस के पास एक गाड़ी है और उस एक गाड़ी के अंदर सारी पुलिस बैठ जाएगी दुनिया भर की और वो सब इसका पीछा करेंगी, ऐसा तो नहीं होगा। कोई पुलिस आएगी इधर की तरफ से, कोई पुलिस आएगी यहां से, कोई पुलिस यहां से आएगी, कोई पुलिस यहां से आएगी, अलग अलग टाइमिंग पे आएंगी, दैट्स व्हाई द पुलिस आर रनिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही होगी। अब जरा मैं एक ऐसे करता कहूं पुलिस स्टेशन, या मैं कहूं पुलिस यूनिट डैश सस्पेंडेड, तो क्या इज आएगा कि आर आएगा? जी हाँ इज आएगा, क्यों? क्योंकि वो एक इकट्ठा काम कर रहा है, क्लियर है। या मैं ऐसे कहूं यूपी पुलिस डैश सस्पेंडेड, तो बताइए क्या इज आएगा कि आर आएगा? जल्दी बताएं फटाफट तेज, अब आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा एकदम, बोल मेरी जान, बोलो बोलो, अभी क्लियर हुआ? अभी जरा यहाँ पे बताओ, यूपी पुलिस हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग और हैज बीन इन्वेस्टिगेटिंग, अभी क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो तो गिव मी द रोज इन द कमेंट सेक्शन, अगर सबको क्लियर हो तो गिव मी द रोज इन द कमेंट। बात समझ में आ रही है? अब एक बात सवाल आ सकती है बच्चों को, सर इन्वेस्टिगेशन में तो ऐसा हो सकता है ना कि सब इंस्पेक्टर आज इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, ठीक है ना, और जो इंस्पेक्टर हो कल इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो, और ऐसा ऐसा हो सकता है कि आज हवलदार आया हो खाली केस को इन्वेस्टिगेट करने, किसी के दिमाग में ऐसा सवाल आ रहा है? देखो ये बात मैं जानबूझ के यहाँ पर लेकर आऊँ जिससे आपको क्लियर हो, जब हम एफआईआर दर्ज करते हैं या हम कहते हैं इन्वेस्टिगेट करा जा रहा है, तो ये माना जाता है कि पुलिस ने एक्शन लिया है। आप अगर न्यूज में भी देखेंगे, आज यूपी पुलिस ने अपने कारनामों को सिद्ध किया कि उन्होंने क्या, या पुलिस ने अपने काम को सिद्ध किया कि उन्होंने काम क्या किया। तो जब इमेज की बात आ जाती है या उनके काम करने की बात आ जाती है तो वो एक पर्सनल टच वाली हो जाती है, या सिंपल मैं इस बारे में बोलूं इन्वेस्टिगेशन को वो एक एज अ यूनिट कलेक्ट करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी हाँ, जैसे मैं कहूं स्कूल हैज
सस्पेंडेड द बॉयज। तो स्कूल के अंदर प्यून भी आता है, प्रिंसिपल भी आता है, वाइस प्रिंसिपल भी आता है, कोऑर्डिनेटर भी आता है, सब आते हैं। तो स्कूल ने सस्पेंड किया था, प्रिंसिपल ने सस्पेंड किया था, करा तो प्रिंसिपल ने, बट जो एक्शन है वो यूनिट में काउंट होता है जब हम साथ में करते हैं। इन्वेस्टिगेशन, सस्पेंशन, ठीक है ना, जजमेंट, जैसे मैं कहूं जूरी ने जजमेंट लिया, जूरी हैज टेकन द जजमेंट, जूरी ने अपना जजमेंट लिया है। तो ये सारे वर्ड्स ये बताते हैं कि जो कोई भी यूनिट काम कर रही होगी या कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होगी तो मिलके काम कर रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? क्लियर है बेटा, रनिंग ही आएगा यहाँ पर, वो चेजिंग, आपका सेंटेंस फ्रेमिंग बदल जाएगी। पुलिस इज चेजिंग द थीफ, तो आफ्टर नहीं आएगा फिर, ठीक है ना, तो सेंटेंस ही बदल जाएगा। अभी हम इतना डीप में जाएंगे। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है? कमेंट सेक्शन। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, जब भी कोई प्लूरल नाउन एज अ यूनिट एक्ट करता है, जब भी एज अ प्लूरल नाउन एज अ यूनिट एक्ट करता है तो हेल्पिंग वर्ब आती है सिंगुलर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएं फटाफट, बहुत प्यारा तरीके से मैंने आपको बताया, आई थिंक आपको बहुत मजा आ रहा होगा इसे समझने। क्लियर है? बिल्कुल। चलो अगला सवाल देखते हैं। सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन द फॉर्म बट प्लूरल इन द मीनिंग टेक्स अ प्लूरल वर्ब। जरा ध्यान देखिए, मेरी बात ध्यान सुनेंगे। कई ऐसे नाउन होते हैं जिनके पीछे एस लगा होता है, पर उनकी खास बात क्या होती है, वो इज का इस्तेमाल करते हैं, मतलब सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जरा दो एग्जाम्पल देख, डार्ट्स, ठीक है ना, ये आपने खेला होगा डार्ट वाला गेम, जिसमें आप एरो मारते हो, ठीक है ना, डार्ट मारते हो, तो वहां पर एटॉमिक हैबिट, ठीक है ना, हैबिट एक ऐसा वर्ड है। तो यहाँ पर ऐसी, अब मुझे कोई ऐसा एक वर्ड बताओ जिसमें एस आता है पर उसे हम सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं, जल्दी बताओ। तुम जरा लॉजिक से बताओ, तुमने हजार बार पढ़ा है, हजारों बार ऐसे वर्ड पढ़े जिसमें एस आता होगा। हाँ बेटा, सारी क्लास कर लूं? कभी कभार मुझे लगता है सीडीएस की तैयारी में ना, मैं खुद ही सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, सारे। धीरे धीरे मैं कम करूंगा कि मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, धीरे धीरे मेरी जगह कुछ और टीचर आएंगे, बट अभी तो फिलहाल मैं ही हूँ। पर मैं मैथ्स नहीं कराऊंगा, मैथ्स कराने में जान निकल जाती है, क्योंकि एक क्वेश्चन से काम चल रहा नहीं, 50 क्वेश्चन कराने पड़ते हैं। वेरी गुड। अरेबियन नाइट्स, इकोनॉमिक्स बहुत बढ़िया है, फिजिक्स बहुत बढ़िया, फिजिक्स बच्चों ने एग्जाम्पल दिया, इकोनॉमिक्स बच्चों ने एग्जाम्पल दिया, बहुत बढ़िया, सिंगल्स बहुत बढ़िया, रशियंस नहीं, रशियंस तो बेटा रशियन वर्ड होता है, रशियंस तो बहुत सारे हो जाएंगे। सीजर्स, वेरी गुड वेरी गुड, आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया। जी हाँ, चलो आगे चलते हैं। हाँ, अगला कंसेप्ट, नोवा कंसेप्ट, द वर्ड ज्वाइन टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद और टुगेदर विद। ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। कोई वर्ड है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट को लेके चल रहा है और उसको हम विद से या टुगेदर विद से हम कनेक्ट करते हैं, या इन एडिशन एक वर्ड है यूज कर रखा है, या और से, या एज वेल एज से, अगर ऐसे हम यूज करते हैं तो क्या होता है, जरा समझ। द थीफ विद ऑल हिज मैन वॉज मैसेकर्ड। नो, समझो मेरी बात, जब भी आपका विद का इस्तेमाल होगा, या आपका टुगेदर विद का इस्तेमाल होगा, या आपका एज वेल एज का इस्तेमाल होगा, सबसे ज्यादा एग्जाम में एज वेल एज आता है, इसे लिख लो, इसे नोट कर लो, या मैं सिंपल कहूं, सिंपल मैं अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, एज वेल एज हजार बार यूज होगा, एज वेल एज आए तो बताओ वर्ब कौन सी आएगी। बेटा वर्ब आएगी सिंगल। एक और है जो बहुत बार एग्जाम में आता है, ध्यान सुनना मेरी बात, वो है और। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, आइदर और पढ़ा था, ध्यान सुनो मेरी बात, हमने आइदर और पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, खाली और। खाली और से सेंस क्या मेरा, मेरी बात बच्चे ध्यान सुनना मैं क्या बोलने आ रहा हूँ, जब मैं और बोलूँ, सुनो, और में क्या सीन है, मैं कहूँ राम और श्याम, तो अगर मैं और लगा रहा हूँ, कायदे में जब हम एंड का इस्तेमाल करते थे तो हम आर लगाते थे, पर जब हम और का ले रहे हैं, हम चॉइस की बात कर रहे हैं, तो इज आएगा। क्लियर है? सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है ये, अगर आप आज भी सीडीएस एनडीए का पेपर उठा के देख लोगे, हर दूसरे पेपर में मिलेगा एज वेल एज और सबसे ज्यादा यही आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगर ये सेंटेंस में यूज हो रहे हैं तो आपकी वर्ब जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जरा आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट से बताए, फटाफट से बताएंगे, जल्दी बताएंगे। पूनम मेरे बच्चे, इंग्लिश ग्रामर के 100 कंसेप्ट करा रहा हूँ, जिससे बाहर आपके स्पॉटिंग रहे, किसी का कुछ नहीं आएगा। फटाफट से बताओ कौन सा। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से, ठीक है। केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द वर्ब एग्री इन द नंबर एंड पर्सन विद द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव। क्या मतलब है इसका, ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनो। यहाँ पर बीच में हुआ रखा है, यहाँ पर आई आ रखा, हुआ रखा है आई आ रखा, यहाँ पर वर्ब तो सिंगुलर आएगी, ये बात तय है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको खुद ही फील पड़ते हुए आएगी कि एक सिंगुलर की बात है। आई हु इज योर फ्रेंड, मैं जो तुम्हारा दोस्त हूं, क्लियर है। यहाँ पर यस, यहाँ पर आपको इस बोलने में ज्यादा सही लग रहा होगा, बट जो यहाँ पर सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो यहाँ पर आई है तो यहाँ पर एम आएगा, ना कि इज आएगा, जबकि यस ये सिंगुलर का इस्तेमाल हो रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? जरा मैं ऐसे बोलूं, चलो तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन में तुम बताओ, ये देखो ये वाला बताओ, सेकंड वाला, इट इज यू हु वॉज स्लीपिंग ऑन माई शोल्डर ऑन द वे, बताओ क्या आएगा, वॉज के साथ वर आएगा, क्या आएगा, जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी बताओ, मेरी भूल मेरी जान भूल, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अगला कंसेप्ट जरा देखते हैं, यूज ऑफ पार्टिसिपल एंड इनफिनाइट, ध्यान सुनना, हम 11th रूल पे आ चुके हैं,
ध्यान से देखिए, जैसे आपके सामने वर्ड आया एडवाइज, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, एनकरेज, कंपेल, बैक, ऑर्डर वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें एक खास बात होती है, ध्यान सुनो मेरी बात, इन वर्ड के साथ, ये वर्ड आपको याद करने ही पड़ेंगे, इन वर्ड के साथ कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं होता है। एक हाँ ठीक है जी, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक है, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। यहाँ पर ना वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी, अभी थोड़ी सी गलती, दोबारा बोलता हूँ। जब भी आपके पास वर्ब आए, इतना सिंपल वे में समझो, जब भी आपके पास वर्ब आए, ठीक है ना, वर्ब आने के बाद, ठीक है, वर्ब आने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है उसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट लगाना होगा, जैसे मी, हिम, हर, ऐसा कुछ लगा हुआ, ठीक है। और उसके बाद आप लगाओ टू, और उसके बाद कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। देखते हैं, ही एडवाइज टू डू इट बाय मी, वही ये गलत होगा, ये गलत है, क्योंकि यहां पर वर्ब के बाद, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, नजर एकदम स्क्रीन पे, वर्ब के बाद टू लगा दिया है। रूल क्या कहता है, पहले कोई ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे मी, हिम, हर, ऐसा कुछ आएगा। और जरा यहां पर देखो, अगले सेंटेंस में ऐसा कुछ मैंने कर रखा है, ही एडवाइज मी टू डू इट, मी आ गया है वर्ब के बाद, उसके बाद इसने टू लिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। अब जरा आपके सामने क्वेश्चन है, मुझे बताइए क्या है सही है क्या है गलत है, सही है क्या गलत, क्वेश्चन नंबर वन बताओ, बोल मेरी जान, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बेटा। अगर समझ में आ रहा है ना, वहां पर तुम्हारे पास एक हार्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, उसे प्रेस कर, क्या बात है, बरसात हो रही, जल्दी बताओ मेरी जान, क्लियर है कंसेप्ट, समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, वर्ब है, वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आनी चाहिए, जैसे कि मी, हिम, हर, ठीक है, उसके बाद आपके पास टू आएगा, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या मेरी बात क्लियर है, जल्दी बोलो, मुझे तुम्हारे कमेंट्स हैंग हो गए हैं कि मुझे ही, सबको क्लियर है, बहुत ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, जरा ध्यान से देखिएगा, नो लर्न टीच, नो लर्न टीच इज फॉलोड बाय हाउ वर्ब एंड बाय, ध्यान सुन, ये एक सिंगल सा है, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान सुन, अगर नो वर्ड है या लर्न वर्ड है या आपके सामने टीच वर्ड है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, उनके बाद ये तीन लेटर आने जरूरी है, जैसे हाउ, वेयर, वेन एंड वाई, ये आएंगे, ये आने तय हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आप गड़बड़ कर रहे हो। यकीन मानो आप सोचोगे नहीं सर ऐसा तो है नहीं कि मैं तो इस्तेमाल नहीं करता, आप सोचो आप बचपन से लेके आज तक ये वाला सेंटेंस नहीं बोल रहे, आई नो हाउ टू राइट अ लेटर, बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, बोल लो सर, ठीक है, आई लर्न हाउ टू स्पीक चाइनीज, आपके बोलने में ही ऑटोमेटिकली करेक्शन होता है क्योंकि आप बचपन से बोल रहे हो। मैं तो बस आपको याद दिला रहा हूं कि जब भी नो लर्न टीच आएगा तो हाउ, वर, वेन या वाई में से चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन वर्ड जरूर आएगा, कंपलसरी है। आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, जल्दी से बताएं व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी बोले। अच्छा एक बात, और मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, क्या कंसेप्ट नंबर 11 सभी को समझ में आ गया है, क्या कंसेप्ट नंबर 11 सभी को समझ में आया, जस्ट गिव मी द रोज, जल्दी बताओ कंसेप्ट नंबर 11 सबको समझ में आ गया ना, जस्ट गिव मी द रोज, गोली की स्पीड से बोलो मैं जान, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, ओके 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 ओके, बेटा कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, 11th में कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर मान लो इनमें से कोई भी वर्ब आ रख, इनमें से कोई सी भी वर्ब आ रखी है, ठीक है, या कोई और वर्ब भी आ रखी है, 99% ज्यादा वर्ब के साथ ऐसा होता है, ध्यान सुनो मेरी बात, मैं क्या कह, अगर कोई आपके सामने वर्ब आ रखी है तो आप जबरदस्ती टू मत पुट करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब आई, उसके बाद आपने टू पुट कर दिया और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ये नहीं हो सकता। जैसे कि ही एडवाइज टू डू इट बाय मी, एडवाइज क्या है, एक वर्ब है, वर्ब के बाद लगा दिया टू और फिर से वर्ब लगा दी, भाई बचपन से लेके आपने आज तक क्या पढ़ा था, बचपन से लेके आज तक आपने क्या पढ़ा था कि पहले सब्जेक्ट आता है फिर हेल्पिंग वर्ब आती है फिर ऑब्जेक्ट आता है, ये पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ऑब्जेक्ट खा गए, निगल गए, सो गए, क्या हो गया उसके साथ, किडनैप कर लिया, क्या हो गया, तो वो लगाना पड़ेगा, पहले उसे लगाओ उसके बाद टू लगाओ, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगा सकते। क्या अभी मेरी बात क्लियर है, जल्दी बताओ बराबर तेजी से, क्लियर है, बोलो 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 बोलो, जल्दी जल्दी बोलो बोलो, अभी बोलो बराबर तेजी से, अभी आया कि नहीं आया समझ में, आया कि नहीं आया, आ गया, बड़े 10th वाला, 10th में भी कुछ नहीं था जान, मैंने सिंपल इतना कहा था ये हु है, मान ले हु लिखा है यहाँ पर और यहाँ लिखा है यू, तो बताओ यहाँ पर जो वर्ब लगेगी हु के बाद जो वर्ब लगेगी वो कौन सी वर्ब लगेगी, सिंपल है, यू के अकॉर्डिंग लगेगी, आर लगेगी, अगर मान लो आई लिखा होता और हु लिखा है यहाँ पर, तो बताओ हु के बाद वर्ब कौन सी लगेगी, आई के अकॉर्डिंग लगेगी, एम लगेगी, इतनी सी बात बोल रहा हूं मैं यार, इतनी सी बात, सिंपल, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई भी बंदा कुछ भी कहे जल्दी बताए। 13th, 13, 13, 13, आफ्टर लेट बिट बिहोल्ड वॉट सी फील में क्या लिखा पता है, देखो जरा मेरी बात, बहुत ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, आपने देखा है लेट, देखा है लेट, हाँ सर सेंटेंस में मैंने लेट देखा आता है एग्जाम, आपने सर वॉच भी देखा होगा,
हाँ सर वॉच भी देखा, सी देखा है, सी हाँ देखा, देखा है सर, फील देखा है, हाँ फील भी देखा सर, ये सेंटेंस में यूज तो होते हैं। जब भी ऐसा कुछ है ठीक है ना, जब भी ऐसा ऐसा कुछ हो तो हम बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है कि इसमें टू का इस्तेमाल नहीं होगा सेंटेंस, ये गिनती के चार पांच वर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना। जैसे आपके सामने ध्यान से देखिए, सेंटेंस करेक्ट करके दिखाया, देखिए ये बात तो सच है कि ऑब्जेक्ट आएगा, ये बात तो सच है कि ऑब्जेक्ट आएगा, पर ये मात्र तीन चार वर्ड हैं, इनको आप याद रखो, स्पेशली इसमें ये वाले याद रखो, ये वाले सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं ये वाले। इसके बाद ये बात सच है कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट भी आएगा, बट ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब दोबारा आ सकता है, क्लियर है? इसमें जरूरी नहीं है कि टू आए, और ये गिनती के सिर्फ तीन ही चार वर्ड है, वॉच सी फील मेक, वॉच सी फील मेक, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएं, वॉच सी फील मेक। हाँ सर बात तो समझ में आ रही है, एकदम क्लियर कर समझ में आ रही है सर, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी बच्चे को, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट बताया, जल्दी बताएंगे। आ गया सर, आ गया, आ गया, आ गया सर, बिल्कुल आ गया, क्लियर है, बोलो जरा जरा, अब आगे बढ़ते। अब वो जो हमने बात की थी ये क्या है, मेन वर्ब कहा जाए। अब एक चीज होती है मॉडल्स, पता है मॉडल्स, इन्हें कहते हैं मॉडल, कोई सी भी मॉडल, फर्क नहीं पड़ता कौन सी, कोई सी भी मॉडल, मे माइट शैल शुड कुछ भी, इनके बाद क्या होता है, टू का इस्तेमाल नहीं होता, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। द्वारा देखिए जरा मैं क्या कहना चाहूँ, जरा देखिए जरा, आई वुड रेदर डाई देन टू मैरी हर, ठीक है? अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या आएगा, ये यहाँ पर इस वाले में क्या आएगा, ये रेदर क्या होता है, एक मॉडल होती है, तो मॉडल के बाद क्या टू आ सकता है, नहीं आ सकता, सिंपल कंसल्ट, ठीक है ना? यहाँ पर रादर रादर है, इसके बाद यहाँ पर क्या डाई आ रखा है, क्या है? सही है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जी हाँ बोलो जल्दी से, बिल्कुल यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है, यहाँ पर टू नहीं आएगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बट इसके बाद जो दूसरी वर्ब आ रही है ना उसमें भी नहीं आएगा, ये बात नहीं बताओगी आप। अब बात समझ में आ गई, मॉडल को याद नहीं करना, मॉडल तो बचपन से लेकर आज तक हमने पढ़े होंगे ना बच्चे, आपने कभी कैन नहीं पढ़ा क्या, आपने कभी कुड नहीं पढ़ा क्या, आपने कभी मे नहीं पढ़ा क्या, आपने कभी माइट नहीं पढ़ा, जो रेयरेस्ट मॉडल था वो मैंने आपको रेदर खुद ही करा दिया, कि भैया रेदर तुमने नहीं सुना होगा, रेदर मैंने करा, बाकी सब तो मॉडल आपने पढ़े होंगे, जल्दी बताओ, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई आपत्ति किसी बच्चे को, सिंपल सा कंसेप्ट, ये तो रॉन्ग है ही, यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर क्यों नहीं आएगा, ये वाला समझ गए हो कि नहीं समझे हो, ये वाला टिपिकल था, क्लियर है? तो कहने के बाद सेंस है कि रेदर के बाद या किसी भी मॉडल के बाद कोई भी वर्ब आएगी तो उसके आगे टू नहीं लगे, उसके साथ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, क्लियर है? आई बात समझ में कि नहीं आई? हाँ सर आ गई, बहुत बढ़िया। अगला आपके सामने सवाल, ध्यान से देखिए, देखो ध्यान सुनो, ये आपके एग्जाम में 200% आता है और आप ही को नहीं पता है, ये भी एक मॉडल का ही भाई है, इसमें इन दोनों का ही सिर्फ इस्तेमाल होता है, ध्यान सुन लीजिए, हैड बेटर और हैड रेदर, हैड एज सून ये नहीं आते एग्जाम में, ठीक है, लिख दिया मैंने बट आते नहीं एग्जाम में, हैड बेटर और हैड रेदर, जब भी सेंटेंस में इसका इस्तेमाल हो तो इसके बाद टू नहीं आता है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, ध्यान सुन लीजिए, जरा आपके सामने क्वेश्चन है, जरा देखिए, ये एग्जाम में आपके सीडीएस में ही आया है क्वेश्चन, 2020 में आया है, और ये वाला क्वेश्चन आपका एनडीए में आया है, जरा फटाफट से बताएं कि आप इनके आंसर बता सकते हैं कि नहीं, सिंपल सिंपल कंसेप्ट है, कोई बड़ा भारी चीज, जल्दी बताएं, सेकंड में हेड आया है, कहाँ आया है? हाँ हेड तो आया, हेड तो मैं मान ही रहा हूँ हेड आया, पर मुझे ये बताओ कि यहाँ पर फिनिशिंग आएगा क्या, क्या यहाँ पर टू आना चाहिए क्या? वेरी गुड, जल्दी बताओ, क्लियर है, सबको समझ में आ गया है, जस्ट गिव मी द रोज इन द कमेंट सेक्शन फटाफट तेजी से, जस्ट गिव मी द रोज इन द कमेंट सेक्शन फटाफट तेजी से, जल्दी बताएं बेटा, फिनिशिंग नहीं आएगा, याद रखो मैं दोबारा बोल देता हूँ, इन्फिनेटिव आता है, इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, फिनिशिंग इज नॉट द फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, आईएनजी नहीं आएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा, मस्ट हैव, आगे पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, कोई दिक्कत समझ में आ गई बात, इसलिए मैंने बोला था बेटा दो बार रिवाइज करना पड़ेगा, दो बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्लियर है? ओके ग्रेट है, ग्रेट है, आगे चलते हैं जरा, अगला देखो, बहुत अच्छा सवाल है जरा, यहाँ पर देखो जरा, पट, याद रखो जो भी कंजक्शन होती है ना, जो भी कंजक्शन होती है उनके बाद तुरंत प्रीपोजिशन नहीं आता, पता है बात नहीं, पता कोई बात नहीं, याद नहीं होगा तो मैं आपको एक सिंपल बता, ये एग्जाम में बहुत बार आता है और आपने नोटिस नहीं किया होगा बट बहुत बार, ही डिड नथिंग बट टू वेंडर, ये गलत है कि बट के बाद कोई भी टू या आपका इफ या कुछ ऑफ आएगा, ऐसा कुछ नहीं आता, याद रखो एग्जाम में तुम्हें डराने के लिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए तुम्हें बट के बाद टू लगा देते, पर ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं आता है, सिंपल सा रूल है ये, एग्जैक्टली एग्जाम में आया, ये वाला एनडीए में आ रखा है और ये सीडीएस में आ रखा है, और ये मैं आपके 2007 से उठा के लेकर आया हूँ और ये मैं 2015 से उठा के लेकर आया हूँ, आप चेक कर सकते हैं दोनों के उधर, और आपने कई बार नोटिस किया होगा कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, जल्दी बताओ, अब क्या यहाँ पर सिंगिंग आएगा, क्या यहाँ पर आईएनजी आना चाहिए, नहीं आएगा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, बेयर इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जल्दी बताओ क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ मेरी जान, क्लियर है, समझ में आया, बिल्कुल, 3-3 इज द राइट आंसर, मतलब इसका 3 रॉन्ग है और इसका भी 3 रॉन्ग, क्लियर है, 2-3 तो किसी को डाउट नहीं हो रहा, जल्दी बताएं फटाफट, बोलो मेरी जान जल्दी बोलो, और जब बेटा ऐसा लगने लगे कि यार थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो आप मेरे को बता देना, अभी हमारे पास डेज हैं,
तो मैं 2 दिन में करा दूं, क्लियर है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि थकान महसूस हो रही है, क्योंकि मेरे को भी नींद आती है ना, हम 2 दिन में कर देंगे। अगला है, एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। आपके सामने दो हैं कि भैया इसमें क्या है, जरा देखिए। जरा पहला जरा कंसेप्ट देखिए, बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे होम। क्या ये गलत सही है? गलत है। हमेशा याद रखो, बहुत ही कड़ा नियम है, बहुत ही कड़ा नियम, कभी भी बीइंग खाली सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आता है। ये सीडीएस में आया है, नोटिस करना, सीडीएस एनडी दोनों में आया है, और ये एफकेट में भी आया है। एफकेट में तुम्हारे कितनी बार पूछ चुके हैं सवाल कि इट बीइंग आता है, सेंटेंस में कभी बीइंग नहीं लगेगा। जहां लगेगा मैं बताऊंगा, पर अभी आप ये याद करो कि 99.99% या 100% बीइंग को खाली सेंटेंस के आगे नहीं लगाना, उसके आगे इट बीइंग आता है। अब जरा बड़ा फनी कंसेप्ट है, जरा ध्यान सुनिए। जरा कायदे में हम सुनते हैं कि मान लो कोई सब्जेक्ट है और वर्ब प्लस आईएनजी लगा हुआ है, तो इसके आगे क्या आएगा, इज, आर, एम, ऐसा कुछ आता है। जैसे हम कहूं शी इज सिंगिंग, वो गाना गा रही है, तो आप देखो इज का इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। पर देखो यहाँ पर बीइंग आ रखा है, सब्जेक्ट आ रखा है, पर बीच में कोई वर्ब नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? जल्दी बताएं। ओके, जरा देखिए जरा क्या गलती है इसमें। बहुत ही सिंपल है ये, आपको देखते ही एकदम पकड़ लो, इससे ज्यादा सिंपल कंसेप्ट नहीं होगा। जल्दी बोलो फटाफट, जल्दी बताओ राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट जी सर, ये वाला गलत है, ये वाला गलत, इट बीइंग आना चाहिए, बहुत सिंपल है। ओके, आगे देखिए जरा, आफ्टर कंप्लीटेड द एक्शन हैविंग, मान लो सेंटेंस में अगर हैविंग आ रहा है तो प्लस वर्ब इज यूज इन द एक्टिव वॉइस। मतलब जरा समझते हैं, जरा जरा यहाँ पर देखिए, आफ्टर लीडर हैविंग, द लीडर हैविंग बीन किल्ड, बीन किल्ड मतलब समझ नहीं आई, मैं दिखा रहा हूँ, ध्यान सुना मेरी बात क्या कह रहा हूँ। वेयर एज हैविंग बीन प्लस वर्ब और बीइंग प्लस वर्ब इज यूज इन द पैसिव वॉइस, आफ्टर शुड नॉट बी यूज इन सच अ सेंटेंस। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना मैं बहुत कह रहा हूँ। दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक होते हैं एक्टिव वॉइस, एक होते हैं पैसिव वॉइस। ध्यान सुनना, एक होते हैं एक्टिव वॉइस, एक होते हैं पैसिव वॉइस। जब आप एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको एक्टिव वॉइस में, अगर आपने एक्टिव वॉइस को स्टार्टिंग में आफ्टर लीडर, आफ्टर वर्ड से स्टार्ट किया है, तो आप किसी भी हालत में बीन शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है। वहीं अगर आप पैसिव वॉइस में इस्तेमाल कर रहे हो, पैसिव वॉइस इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप आफ्टर मत लगाओ, फिर आप बीन का इस्तेमाल कर सकते। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। मैं आपको एक्टिव पैसिव समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, बस इतना समझ लो, अगर आफ्टर लगा हुआ है सेंटेंस में, तो आप हैविंग के बाद बीन वर्ड नहीं लगा सकते, ये बीन नहीं लगा सकते। अगर शुरुआत में आफ्टर नहीं है, शुरुआत में आफ्टर नहीं है, फिर आप हैविंग के बाद बीन लगा लो तो चल जाएगा। सिंपल सी बात है, मैं आपको कोई एक्टिव पैसिव में कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ कि एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ये एग्जाम में आया है, चेक कर लो। सीडीएस के पास्ट ईयर, एनडी के पास्ट ईयर, एफकेट के पास्ट ईयर, सीएपीएफ तो नहीं, सीएपीएफ नहीं, पर किसी और भी एग्जाम में आप चेक करोगे, आपको मिल जाएगा, गारंटी की बात है, आपको मिलना तय है, किसी का बाप नहीं रोक सकता। ओहो, मोहित ने 29 रुपए डाले हैं, क्या बात है मोहित। मोहित तेरा एक्स्ट्रा डाउट लूंगा मैं भाई, और बता, बाकी सब सारे कंजूस आदमी 2 रुपए भी नहीं डाले जाते इनसे, हैं? सुपर स्टीकर, सुपर चैट कोई नहीं ले रहा, पत्तमी, सब साले फ्री में पढ़ने आया, अमीर की औलाद है फिर भी ऐसी हरकत। जल्दी बताएं, क्या मेरा कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताएं। अब मुझे आप बताइए, क्या यहाँ पर हैविंग सेइंग आना चाहिए या हैविंग बीन आना चाहिए? जल्दी बताओ, क्लियर है? जल्दी बताओ। अब यहाँ पर आफ्टर तो आ गया है, यहाँ पर आफ्टर तो आ गया है, ठीक है, आफ्टर आ गया है, पर यहाँ पर हैविंग का इस्तेमाल करा ही नहीं। आफ्टर तो आ गया, पर हैविंग का कहाँ इस्तेमाल, आफ्टर डन माय वर्क, हैविंग तो गायब है यहाँ से। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ में आ गई है? जल्दी बोलेंगे सभी लोग गोली की स्पीड से, सबको क्लियर है? गिव मी द रोजर इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन भर दो मेरी जान, तभी मजा आएगा। आगे चलें, चलो आगे चलो, सबका रोजर है ना भाई, किसी का ऐसा तो नहीं है जिसको छूट क्लियर ना हुआ हो, सबका एक बार रोजर लिख दो फटाफट। ओके, ध्यान सुनेंगे जरा मेरी बात। आप यहाँ देख रहे हो, कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन, ये क्या चक्कर है? सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आप देख पा रहे हो कि एक वर्ब प्लस आईएनजी वाली चीज आई है, इसे नॉर्मली हम जीरण कहते हैं, इसे हम नॉर्मली जीरण कहते हैं, और ये आ सकता है सेंट, क्लियर है? जरा मैं आपको दो एक और, राइटिंग अ लेटर आई पोस्टेड इट ऑन अ संडे, व्हाइल कैचिंग द थीफ टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग। मुझे आपको बताना है कि इसमें क्या गड़बड़ है, क्या पहला वाला सेंटेंस तो मुझे लग रहा है आपको सही लग रहा होगा, दूसरे वाला सेंटेंस जल्दी बताओ, नहीं बता पाओगे, मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो। जब आप वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट रेफरेंस के लिए देना पड़ेगा कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ। कंसिडरिंग द केस, मैंने केस को कंसिडर किया और मैंने डिसीजन लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, राइटिंग अ लेटर कॉमा आई पोस्टेड ऑन संडे, ये ठीक है, पर यहाँ पर देखें व्हाइल कैचिंग द थीफ, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, आई टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग, या यहाँ पर टोल्ड की जगह थीफ आएगा, यहाँ आफ्टर कैचिंग द थीफ टोल्ड ईच एंड एवरीथिंग कॉमा लगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हर एक का एक सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी, क्लियर है? यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए,
ये तो ठीक है कि आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, पर एक सब्जेक्ट में जरा दोबारा देखें जरा, यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ध्यान से देखिए जरा। कंसिडरिंग तो आएगा ही आएगा, और उसके रेफरेंस में कोई सब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट जरूर आए। क्लियर है? जल्दी बताएं फटाफट, यहाँ तक की बात क्लियर हुई है कि नहीं? क्लियर है? बोलो मेरी जान, जल्दी से बोलो। युवराज कह रहे हैं कि सर आपसे LWS में मुलाकात हुई थी। क्या बात है भाई, युवराज कभी आओ मेरठ यार। ओ वीर प्रताप, अनन्या के धोखे में मत जी मेरी जान, तुम अपने धोखे को साइड में रख के अपनी यूनिफॉर्म पे फोकस। ओहो वीर प्रताप कह रहे हैं तुम डिसाइड करो, तुम्हें सर पसंद है कि हम उसे सर पसंद, क्या कर लेगा बस। चलो अब मैं आगे चले, यहाँ तक की बात समझ आ गई। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत सिंपल भाषा समझा रहे हैं। अब यूजेस ऑफ वर्ब समझते हैं जरा, देखिए जरा। वो कह रहा है व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट, जब यहाँ पर दो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे थ्री किल्ड वन वर्ब, ठीक है ना, ऐसा कुछ लिखा है इन अ सेंटेंस, एंड दे आर नॉट इन द सेम नंबर, मतलब उनकी संख्या सेम नहीं, यहाँ पर तीन लिखा है यहाँ पर एक लिखा है, देन वी मस्ट हैव टू यूज अ सेपरेट ऑक्सिलरी, हमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। इज आर एम वॉज वर हैज हैव, जो भी है, जरा समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है तीन मरे और एक इंजर्ड हुआ, तो यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है जो कि गलत है। थ्री वर किल्ड एंड वन वॉज इंजर्ड, दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा एक ही सेंटेंस के अंदर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे वीर प्रताप मेरी जान, तू क्यों गदर पार्ट थ्री बनवाना चाह रहा है? सनी देओल का रोल मैं छीनना नहीं चाह रहा, तू अनन्या के पीछे पड़ गया। चल अनन्या सिर्फ मेरी है बस, अब बता क्या करेगा। चलो फटाफट से सेंटेंस का आंसर बताएं, क्या ये सही है? क्या यहाँ पर आर ही आएगा या यहाँ पर इज आना चाहिए? जल्दी बता। अलग देखो, हाँ जी इसमें क्या गलती है ये भी बता दिया होगा आपने, बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी, रोज लिख दो फटाफट। क्या बात, चलिए आगे देखिए। क्षितिज बहुत टाइम बाद आप आ रहे हो, मतलब ना फोन पे बात ना कुछ, सब सही चल रहा है लाइफ में? चलो आगे चलते। अ सिंगल वर्ब, कोई जगह सिंगल वर्ब होती है, शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट, उसको दो सब्जेक्ट के लिए सर्व करना पड़ सकता है, ओनली वेन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम फॉर द बोथ सब्जेक्ट, अगर मात्र ऐसा हो कि दोनों के लिए सेम काइंड ऑफ हेल्पिंग वर्ब लग रही हो तो ही। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर 17 लिखा हुआ है, पर ये 17 अपने लिए भी है और उसकी बहन के लिए भी आ रखा है। जरा ध्यान से समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से। यहाँ पर क्या नंबर सब्जेक्ट है? क्या नंबर यहाँ पर सब्जेक्ट है? क्या मैं क्या पूछ रहा हूँ ध्यान से, क्या नंबर यहाँ पर सब्जेक्ट है? नहीं, यहाँ नंबर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ नंबर ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, समझो मेरी बात। क्लियर है? आई एम 17 ईयर ओल्ड, माई सिस्टर इज 14, गेटिंग अ पॉइंट? जरा ऐसे समझिए, ये आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, और फिर ये आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आप ऐसे समझो, अगर आप इस लाइन को समझोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, एक लाइन में दो सब्जेक्ट है, 17 भी सब्जेक्ट है, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी समझने में। सिंपल वे में समझो, माई देखो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इस क्या हो गया, वर्ब हो गई, और 14 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या मेरी बात क्लियर है? चलो अरे मेरी जान वीर प्रताप यार, तू क्यों आशिकी यहाँ पर? चलो वीर प्रताप थोड़ी देर के लिए आगे चलें। रूल नंबर 21 हो गया है, जरा देख के बताएं, यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ रही है। शी इज योर इंग्लिश टीचर एंड राम मैथ्स टीचर, क्या गड़बड़ है? क्या यहाँ पर इज या आर आना चाहिए था? चेक करके बताओ, पढ़ के भी बताओ। माई मदर इज 34 ईयर ओल्ड एंड माई फादर डैश, यहाँ पर क्या आएगा? इज आर जो भी लगाना लगा, जल्दी बताओ, गलती पकड़ में आ रही है? ओए होए आदर्श, अब तो शांत हो जा। ऐसा होता है कि यार तुम लोग जब बहुत सारे लोग एक साथ कमेंट करते हो ना, कोई इंपॉर्टेंट भी होता है ना, छूट जाता है मेरे यहाँ। अब मुझे क्षितिजा का कमेंट ही पता नहीं लगा, क्षितिजा ने हाँ की, क्या हुआ? अच्छा क्षितिजा ने कह दिया हाँ सर सही चल, फिर भी क्षितिजा कभी कभार बात कर ले रही टीचर से, है कहाँ मुंबई में बैठी हुई है, लाइफ में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता लग रहा था। चले आगे, ठीक है एक सेकंड बेटा एक सेकंड, लगता है इमरजेंसी आ गई, मैं एक्चुअली ऑफिस में बैठा। अच्छा ओके बेटा, पुलिस आ गई है जरा बिल्डिंग के नीचे, अब जरा समझ लेते हैं, हमें थोड़ा बंद करना पड़ सकता है, तो हम क्लास रात के 9 बजे नहीं कर सकते, मुझे इतनी देर से कॉल आई थी मैं इग्नोर कर रहा था। पुलिस आ गई है, रीजन क्या है कि उन्होंने सर नोटिस किया है कि पूरी बिल्डिंग में सिर्फ फोर्थ फ्लोर की लाइटें जली हुई हैं, तो उनको जानना है जी हम क्या कर रहे हैं। ठीक है सो आज हम यहीं पॉज लेते हैं, वैसे मैंने उम्मीद ये की थी मैं आज खत्म कर दूंगा, पर हम कल 6 PM पे मिलेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे मैं आपको शेड्यूल दे दूंगा, इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा, और शेड्यूल में थोड़ा चेंज होगा, ठीक है ना? क्लियर है? जो मैंने आपको ऐसा बोला था, जहां तक मुझे याद है कल मैंने ज्योग्राफी बोली थी और परसों मैंने इकोनॉमिक्स बोली थी, थोड़ा शेड्यूल में चेंज हो जाएगा आपका, कल आपकी ज्योग्राफी होगी, ज्योग्राफी नहीं होगा इंग्लिश ही होगी, जो बचे हुए रूल है पार्ट टू में कर देंगे 6 PM, ठीक है ना? जो व्हाट्सएप आया मेरी टीम का कि सर नीचे पुलिस खड़ी है, आप जरा जाके मिल, आपकी गाड़ी भी भारी खड़ी, पूरी ऑफिस में अंधेरा हो रखा, पूरी बिल्डिंग, ठीक है, नॉट वेस्ट टाइम ओवर हियर, ठीक है। मुझे डायरेक्टली अप्रोच करने के लिए ये वाला नंबर है, इस नंबर पे आप मीट रिप्लाई करें तो मैं आपको डायरेक्टली मिल जाऊँ, ठीक है ना? चलो ठीक है। और बेटा जो ऑफलाइन क्लासेस हैं इसके बारे में एक बात समझ लो, जो भी बच्चा ऑफलाइन क्लासेस लेने आ रहा है, SSB भी कराई जाएगी, इंग्लिश कम्युनिकेशन भी कराया जाएगा, स्टेज फियर और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कराया जाएगा, और रिटर्न की तैयारी तो आपकी हो ही रही। क्लियर है? एक बात और, जो जो रिटर्न की तैयारी करने जा रहा है,
जो भी बच्चा तैयारी करेगा उसको मुझे सच बताना पड़ेगा। सच इन द सेंस कि यार घर में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो मुझे पता होना चाहिए, अगर पढ़ाई नहीं हो पा रही तो मुझे पता होना चाहिए, अगर मान लो कहीं प्यार किसी से हो गया तो आंखें कहीं जा रही है किसी और की तरफ तो मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि बेटा इस एग्जाम को सीडीएस एनडीए को निकालना बड़ा ही सिंपल है, आपको सिर्फ रोज पढ़ना होता है। अगर आप रोज पढ़ पा रहे हो तो ये एग्जाम निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। रोज पढ़ पा रहे हो, 4 बार रिविजन, ये एग्जाम, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। चलो फिर हमारी कल कितने बजे मुलाकात होगी, जरा जल्दी बताओ। कल हमारी कितने बजे मुलाकात होगी, गिव मी द टाइम। हमने मैंने अभी कितने बजे टाइम बात करी थी हमने, कल कितने बजे मुलाकात होगी जल्दी बताओ, जिससे फिर एक कंफर्मेशन आ जाए एंड वी लीव। हाँ बेटा सीडीएस कोचिंग की बात कर रहा हूँ, एनडीए कोचिंग की बात। एक बात याद रखें, सीडीएस के साथ एफकैट फ्री रहेगा, एफकैट हम खुद ही कराएंगे। हमारा एम है कि 2 SSB जरूर आए, सीडीएस और एफ 6 बजे। बिल्कुल। बच्चे कह रहे हैं छत्तीसगढ़ से हूँ मैं, कैसे आऊँ? बेटा लोग तमिल से आ रहे हैं, तमिलनाडु से, त्रिपुरा से आ रहे हैं, असम से आ रहे हैं, ठीक है? लोग इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, तुम कह रहे हो कि कैसे आऊं मैं, ये तो भाई तुम्हें ही देखना। 6 बजे क्लास होगी बेटा, 6 PM पे कल क्लास हो, 6 बजे, ठीक है ना? फिर 6 से 9 आराम से हो जाएगी, ठीक है ना? कल खत्म कर देंगे। चलो टेक केयर, बाय बाय। 21st देखिए जरा, 21st क्वेश्चन देखेंगे जरा यहाँ पर फटाफट। अ सिंगल वर्ब, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अ सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट। एक जो सिंगल वर्ब होती है उससे दो सब्जेक्ट का काम चल सकता है, जरा मेरी बात ध्यान सुनिए, मैंने आपको कराया था एक बार, फटाफट से रिवाइज हो जाएगा। एक सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू सर्व टू सब्जेक्ट ओनली वेन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज सेम फॉर द बोथ ऑफ सब्जेक्ट। समझे मेरी बात, मैं कह रहा हूँ आई एम 17 ईयर ओल्ड एंड माई सिस्टर 14। जरा देखें यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ, एक जरा देख रहे हैं, आई एम 17 ईयर ओल्ड एंड माई सिस्टर इज 14। यहाँ पर देखिए दो अलग अलग हो रहे हैं, जो उसकी ध्यान से देखिएगा यहाँ पर सेंटेंस में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर दो अलग चीजें हो रही हैं। जो वो खुद है वो तो 17 साल का हो रहा है और वहीं उसकी बहन 14 साल की हो रही है, तो दो अलग काम करे जा रहे हैं। जब दो अलग काम कराए जाएं तो आप ये समझ लीजिए दो अलग वर्ब चलेगी। जरा मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। जरा यहाँ पर देखिए, जरा क्वेश्चन देखिए, शी इज योर इंग्लिश टीचर एंड राम मैथ टीचर। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं मान लो आपको सामने ऐसे कहूं, मैं ऐसे कहूं राम एंड श्याम, ध्यान सुनना, राम एंड श्याम डैश गोइंग, मैंने आपको कल भी एग्जाम्पल दिया था, तो ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं इसलिए इनके लिए एक सिंगल वर्ब है। वहीं यहाँ पर इन सेंटेंस में क्या हो रहा है, दो अलग अलग एक्शन हो रहे हैं, मैं 17 का हुआ हूं और मेरी बहन 14 की हुई है। तो जब दो डिफरेंट एक्शन हो रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, मैं कह रहा हूं जब दो डिफरेंट एक्शन हो रहे हो तो नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि भैया यहाँ पर दो वर्ब का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर 17 होने में एक वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है और जो उसकी बहन 14 साल की हो रही है तो उसमें एक वर्ब हुआ है। अब जरा आपके सामने क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, क्या कह रहा हूँ, शी इज योर इंग्लिश टीचर, वो तुम्हारी अंग्रेजी की टीचर है, राम मैथ टीचर है, तो राम इज अ मैथ टीचर आएगा या राम मैथ टीचर आएगा, सिर्फ इतना आएगा। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी 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 फटाफट से गोली की स्पीड से जल्दी बताएं, बोलो मेरी जान, जल्दी जल्दी बोलो, सबको समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ, कोई डाउट किसी को? बहुत बढ़िया, क्या बात है, सवाल आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अगला देखिए, टू ऑक्सिलरी कैन बी यूज, ध्यान सुना मैं कह रहा हूँ, टू ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी क्या होती है, इज आर एम वॉज वर, इन्हें कहते हैं ऑक्सिलरी, इनका इस्तेमाल होगा विद वन प्रिंसिपल वर्ब, एक प्रिंसिपल वर्ब के साथ। मतलब समझाता हूं, अभी तो ध्यान सुना, बस अभी जो हिंदी बोल रहा हूँ ध्यान सुनो मैं, ओनली वेन द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब इज अप्रोक्सीमेट टू द बोथ द ऑक्सिलरी। मतलब जरा देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं समझ में आएगा, ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच अ स्ट्रॉन्ग मेजर। अब जरा एक बात बताओ, यहाँ पर हैज क्या है, एक ऑक्सिलरी वर्ब है, विल क्या है, ये भी ऑक्सिलरी वर्ब है, तो दो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हो रही है, क्या ये ठीक है? जरा समझते हैं हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक सच अ स्ट्रॉन्ग मेजर। ध्यान सुनो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब आपका एक ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल हुआ, समझो, जब आपका एक इज आर एम वॉज वर इस्तेमाल हो रहा है और वो एक हेल्पिंग वर्ब ही है, तो उसके तुरंत बाद एक मेन वर्ब का आना कंपलसरी है, ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक। मानता हूं कि टेक विल के साथ भी सेम वर्ब यूज हो रही है और हैज को भी सेम वर्ब चाहिए, बट क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए तो उसको यहां पर टेकन लिखना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही, जल्दी बताएं फटाफट, गिव मी द रोजा। थोड़ा सा टिपिकल था, मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान सुनेंगे सब लोग मैंने क्या बोला है, ध्यान सुनना, ध्यान सुने मैं क्या कह रहा हूँ, हैज यहां पर एक मेन वर्ब लेगा और विल भी यहां पर एक मेन वर्ब लेगा, क्योंकि जब भी हेल्पिंग वर्ब आती है उसको एक मेन वर्ब चाहिए होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताएं, क्लियर है? तो यहां पर ही है, ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक, ये यहां पर इस तरह से अप्रोप्रिएट होंगे या राइट होंगे। जरा देखें यहां पर क्या सही है, जल्दी बताएं, दे हैव एंड विल ऑलवेज हेल्प। तो मुझे बताओ क्या यहां पर हेल्प होना है कि नहीं होना है, तुम बताओ जल्दी से फटाफट, तेजी से जल्दी बताओ। ओके जल्दी बताएंगे फटाफट से आंसर, गोली की स्पीड में क्या होगा, जल्दी बताओ, हेल्प होगा क्या होगा? यस बिल्कुल सही जवाब,
जब यहां पर एक वर्ब, यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है, उसकी यहां पर हेल्प वर्ब आ चुकी है मेन वर्ब, तो भैया हैव की भी तो आएगी। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? गिव मी द रोजर, राइट, गिव मी द रोजर, फटाफट 23 बच्चे गोली की स्पीड से रोजर देंगे सब, जल्दी हो दो बच्चे, जल्दी 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 जल्दी। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट, आपका अगला कंसेप्ट क्या है? किसी को डाउट तो नहीं है ना, सबको क्लियर है? हाँ बेटा, वो कैब के और करंट अफेयर के लेक्चर रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं, ग्रामर के बात करेंगे, ठीक है ना? ओके, अब आगे देखें जरा, जल्दी से देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फटाफट से देखो जरा। मैं एक बार लास्ट टाइम अपना कंसेप्ट पूरा बता देता हूँ, मैंने सिंपल सा कंसेप्ट बताया, मैंने कोई रॉकेट साइंस बताया, थोड़ा तेजी से सुनेंगे, दिन में मैं ऑलरेडी 3-4 बार बोल दे रहा हूँ तो आप मिस कर रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेन वर्ब आनी चाहिए। हिंट यहाँ पर है कि अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रखा है तो उसका मेन वर्ब ये रहा, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी एक मेन वर्ब लगाना पड़ेगा, जो जरूरत है वो लगा लो। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है। अगर आप सेंटेंस को यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो आप नोटिस ये कर पाएंगे कि यहाँ पर टेक का सेंस, टेक का सेंस यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब आती है तो यहां पर मेन वर्ब इसके साथ आएगी। यहां पर क्या हुआ, ही नेवर हैज टेकन, और यहां पर क्या हुआ, विल टेक। क्या मेरी बात समझ में आ गई? रेंजर बच्चे जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर है? ओके, यहां से हम आगे बढ़ते हैं जरा, रेंजर का भी अब रॉजर आ गया। आगे देखिए जरा, व्हेन देयर इज ओनली वन ऑक्सिलरी और टू प्रिंसिपल वर्ब, इट शुड बी करेक्टली एसोसिएट। जरा ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत ध्यान सुने। यहाँ पर लिखा है 10 कैंडिडेट है पास, 1 फेल। यहाँ पर 10 कैंडिडेट जो है वो पास हो चुके हैं, 1 फेल हो चुका है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर जो करेक्ट फॉर्मेट होगा इसका वो ये होगा, 10 कैंडिडेट है पास, कॉमा, 1 हैज फेल्ड। जब आप एक जगह हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करोगे तो जो उसका कॉमा लगा के सेकेंड फेज होगा, यहाँ कॉमा लगाना रह गया था, कॉमा लगा के जो सेकंड फेज होगा उसमें भी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल ना हो। मैं दोबारा बताता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात, मैं बहुत ध्यान, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपको समझना है। यहाँ पर कॉमा लगाना रह गया था तो मैं लगा देता हूँ, मैंने कुछ बच्चों को लगा कॉमा की गलती थी, नहीं भैया कॉमा की गलती नहीं थी। सुनिए मेरी बात ध्यान से, अगर मान लीजिए एक सेंटेंस में कॉमा लगा है, ध्यान सुनना मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेंटेंस में कॉमा लगा है, उसके पहले वाले हाफ में आप ये देख पा रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब का भी इस्तेमाल है और मेन वर्ब का भी इस्तेमाल है, और तुरंत कॉमा लग गया, वहां पर क्या होता है, दोबारा से एक सब्जेक्ट आता है और उसके बाद तुरंत मेन वर्ब आ जाती है, तो ये गलत है। यहाँ पर जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब लगाया, यहाँ पर भी आपको एक हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी, समझ रहे हो, और वो हेल्पिंग वर्ब सेम ही रहती है, तो यहाँ पर क्या हो गई, हैज हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, क्या बात है, इतना सारा रोजर जल्दी दो, बाकी सब लोग भी फटाफट से रोजर दें, जल्दी मेरी जान, चले आगे। ओके चलो, अब जरा क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, क्वेश्चन क्या कहता है, ही हैज कम बट शी गॉन टू मार्केट। वो आ गई है बट वो चली गई है, क्या बताओ इसमें गलती क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ, जल्दी 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 जल्दी, गलती क्या है? शी हैज गॉन आएगा, शी गॉन आएगा, शी विल गॉन आएगा, क्या आएगा जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। बेटा कुछ नहीं, पुलिस ने कहा कि आप रात में काम मत करो, आप दिन में ही काम करो। अच्छा आज तो मैं गदर मूवी देखने जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो फटाफट फटाफट खत्म कर लो, समझ रहे मेरी बात, टाइम नहीं है मेरे। चलो टिकट मिल रही है गदर की, देखिए चलो आगे चलते हैं। ओके, अगला सेंटेंस का फॉर्मेट क्या है, अ पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज। क्या कह रहा है, अ पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज, मेन क्लॉज क्या है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, मेन क्लॉज मतलब फर्स्ट पार्ट, शुड बी फॉलोड बाय अ पास्ट टेंस, उसके बाद जो भी चीज आएगी वो पास्ट टेंस में ही आएगी। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लो, झूठ नहीं बोल रहा, सच्ची बात बोल रहा हूँ, ऐसी बात बोल रहा हूँ, एग्जाम में देखेगी। क्या कह रहा हूं मैं कि अगर सेंटेंस के जो फर्स्ट हाफ है उसमें अगर पास्ट है तो जो उसका सेकेंड हाफ होगा ना तो उसमें फ्यूचर होगा ना प्रेजेंट होगा, होगा तो होगा सिर्फ पास्ट टेंस होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो, ही सक्सीडेड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, वर्कड आ गया है यहाँ पर, यहाँ पर सक्सीड पास्ट में है तो वर्कड भी पास्ट में है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, कोई दिक्कत कोई समस्या किसी बच्चे को? समझ में आ रही है मेरी बात? क्वेश्चन देखें एक फटाफट से, क्वेश्चन देखो जरा, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट ही पासेस द 10th क्लास। बताओ क्या गलती है, जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए यहां तक का क्या बात है, सबका आंसर सही है, बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते जरा, ध्यान सुनना, अ पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज, ध्यान सुनना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, हम अगले कंसेप्ट पे आ गए, जरा ध्यान से देखेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है, सबने सभी का, यार ये तो तुमने दिल जीत दिया, इतनी अच्छी तरह से समझ गए, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे कह रहा हूं मैं, ध्यान सुनना, एक पास्ट टेंस है मेन क्लॉज में, क्या कह रहा है, एक पास्ट टेंस है मेन क्लॉज में, दिख रहा है, देखो पास्ट टेंस दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ सर पास्ट टेंस दिख रहा है, ठीक है, मे बी फॉलोड बाय प्रेजेंट टेंस। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि वो प्रेजेंट टेंस के साथ फॉलो हो, कब फॉलो होगा, जब यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सन तो निकलता ही निकलता है, क्लियर है, बिल्कुल सही बात है, चिड़िया चहचहाती हैं, कुत्ता भौंकता है, ठीक है ना, तो ये सारी बातें क्या है, एक प्रेजेंट टेंस में आने वाली बातें हैं, इसमें लिखा गया है आर टीचर सेड दैट, तो देखो ये तो पास्ट में है, पर जब यहां पर हम देख रहे हैं अर्थ मूव राउंड द सन, तो मुझे बताओ क्या धरती घूमती थी पहले या अब भी घूमती है, तो ये क्या हो जाएगा, मूव्स हो जाएगा।
वैसे तो पास के साथ पास्ट ही आता है, बट यूनिवर्सल ट्रुथ के केस में पास की जगह प्रेजेंट हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे, आखिरी बार बोल रहा हूं, ध्यान से नजर एकदम स्क्रीन पे। क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि शुरुआत में पास से चलेगा, बाद में भी पास आना चाहिए, ये भी मैं मानता हूं, बट तब नहीं आएगा जब यहां पर यूनिवर्सल ट्रुथ होगा। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, अर्थ मूव होती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है? जल्दी बोलो मेरी जान, सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बोलो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग एक चीज एक खास बात कर रहे हैं, एक बच्चा अगर, कोई भी बच्चा, मैं इस बात को गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, आपको भी इस पे ध्यान देना चाहिए, चाहे आप मेरठ आ पा रहे कि नहीं आ पा रहे। एनडीए सीरियस एग्जाम की एक खास बात है, ठीक है ना, कि अगर आप रेगुलर पढ़ पाते हो और 5 बार रिवीजन कर पाते हो जो भी आपने पढ़ा है, तो ये बात तय ही एग्जाम निकल जाएगा। इतना सिंपल सी बात है, सिंपल सी बोल रहा हूं। आप कंसिस्टेंसी से, कंसिस्टेंसी से अगर रोज पढ़ पाते हैं और अगर आप 5 बार रिवीजन कर पाते हैं, तो आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। तो जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनके साथ हम ऐसा ही कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो जो भी पढ़ रहे हैं वो यहीं बैठ के रिविजन करेंगे, कॉपी पे साइन कराएंगे, फिर जाएंगे, ठीक है। और इसके साथ हम उन्हें जो पढ़ाई को लगातार कैसे पढ़ते हैं वो भी हम सिखाएंगे। आपने जैसे सुना होगा जो टॉपर के इंटरव्यू होते हैं उसमें क्या सुनते हैं आप, कि आप 15 15 घंटे कैसे पढ़ लेते हो, जवाब देते हैं कि पढ़ने में मन लग जाता है, उसके बाद हम पढ़ पाते हैं, सब्जेक्ट में मजा आने लगता है इसलिए हम पढ़ पाते हैं। तो ये चीज भी हम सिखाएंगे, और इसकी वजह से हमारे जो ऑफलाइन क्लासेस में आप जो रिजल्ट देखोगे ना वो ज्यादा बेहतर होंगे, समझ रहे हो, ऑफलाइन क्लास के रिजल्ट बहुत ज्यादा बेहतर होंगे। आपने ऐसे रिजल्ट नहीं देखे होंगे अभी जब आपके शुरू होंगे, अब जब एक टर्म पूरा खत्म होगा अप्रैल में, जब बच्चे देखोगे आप तो वो बेहतरीन आपको देखेंगे। आप नोटिस करना अराउंड 50% के आसपास आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, जहां तक मेरा टचवर्ड है कि ऐसा हो सकता है, ये मेरा मानना है, क्योंकि मैंने एवरेज बच्चों को, जो 60-70% वाले बच्चे हैं उनको ये वाला फॉर्मूला सिखा चुका हूँ, 50-60% वाले बच्चों को सिखा चुका हूँ, तो मेरा मानना है कि ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप लोग भी अगर नहीं आ पा रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस में, तो मेक श्योर कि आप खुद भी ये कंसिस्टेंसी खुद से डेवलप करें। अब मैं वहां तो नहीं बैठा हूं आपके साथ, पर खुद से डेवलप करें। अगर ये हो गई, रिवीजन 5 बार हो गया, तो ये नहीं तो अगला एग्जाम निकलना तय है बेटा, यूनिफॉर्म तुम्हारी है, तुम्हारे लिए ही बनी है, क्लियर है? चलो आगे चलते हैं राम। हाँ जी, यहाँ पर हमने वाला क्वेश्चन कर लिया था, आपके सामने ये रहा एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है, जरा देखें फटाफट से कि आप इसे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, क्लियर है? हाँ बेटा, ऑफलाइन के ना ये दोनों नंबर है, और ये 10 AM to 6 PM ही काम करते हैं, क्लियर है? व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं आप। ओके हाँ जी, आंसर क्या था इसका? बिल्कुल सर, ये रिवॉल्व नहीं आएगा, ये रिवॉल्व आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर बिल्कुल, मेरी बात आपको समझ, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया। आगे देखिए ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, कंसेप्ट है, 26वां कंसेप्ट है, वो कहता है कि अगर एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, सबॉर्डिनेट क्लॉज समझते हो, सेंटेंस का आधा हिस्सा है और उसमें लीस्ट वर्ड आ रहा है, ठीक है ना, उसके साथ शुड भी आ रखा है, ठीक है, मस्ट बी यूज, ठीक है ना, अगर आपने एक सेंटेंस में लीस्ट वर्ड यूज कर लिया है तो उसके तुरंत बाद शुड का इस्तेमाल होना कंपलसरी है, कोई और हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा। ध्यान सुनना, अगर मान लो सेंटेंस के हाफ में आपको लीस्ट दिख रहा है आपको, वी स्टार्ट अर्ली, देखो ये सेंटेंस का फर्स्ट हाफ है, ये सेंटेंस का फर्स्ट हाफ है, देखो जरा, दिख रहा है आपको, वी स्टार्ट अर्ली, उसके बाद सेकेंड हाफ ये रहा, उसमें अगर आपको लीस्ट दिखता है तो उसके तुरंत बाद जो वर्ब आएगी उसमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताएं, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी, गोली की स्पीड से, कंसेप्ट बहुत प्यारा बोला है, क्या बोला है, नजरे एकदम स्क्रीन पे, क्या बोल रहा हूं मैं, आखिरी बार बोल रहा हूं, लीस्ट आया तो उसके बाद क्या आएगा, शुड आएगा, जरा चेक कर, ये दिख रहा है, जल्दी बता, जल्दी बता, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बोल मेरी जान, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, आ जाओ मेरी जान, जल्दी जल्दी आ जाओ, सबको समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा इसको नहीं आया हो? चलो आकाश, आकांक्षा बेटा, इसमें बड़ा सिंपल सी बात है, इसमें कुछ नहीं है, लीस्ट आया तो बाद में क्या आएगा, शुड आएगा, कहानी खत्म, इतना सिंपल सा रूल है। क्वेश्चन ये आपके सामने, वॉक स्लोली लीस्ट यू, क्या आएगा, जल्दी बता दो, 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 जल्दी देखो फटाफट से, बिल्कुल सही जवाब, जी हाँ, लीज के बाद आता है शुड और ये आ गया है शुड, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं जरा, अगला कंसेप्ट है, जरा ध्यान से देखिए बेटा, सारे कंसेप्ट ना मैं अपने जो पेड बैच है ना उसमें कराता हूँ, तुमको मुफ्त में मिल रहे हैं, ठीक है ना, पहले मैं फ्री ही पढ़ाता था, पर पता है फ्री पढ़ाने में क्या दिक्कत होती है, फ्री पढ़ाने में ना बच्चों को सब कुछ नहीं सिखा सकते, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो सारे सीरियस नहीं होते, उनमें से कुछ ही सीरियस होते हैं, इसलिए बस लास्ट में मैंने इंपॉर्टेंट वाली सीरीज शुरू करी, कि जो पेड वाले बच्चे होते हैं मेरे साथ पर्सनल टच में रहते हैं, कि भैया आपसे बात भी हो जाती है
पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है, कोई दिक्कत आई तो आपको कभी भी कॉल कर लो। तो बेटा मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ उस पर जरा ध्यान दो, ये जो चीजें आपको कॉपी पेस्ट मिलेंगी, तो जो तुम में से पढ़ने वाला ना हो तो बोल रहा हूँ अभी भी ध्यान से पढ़ लेना। अगला देखो, एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज शुड नॉट बी प्लेस बिटवीन टू एन वर्बल पार्ट ऑफ द इन्फिनिटिव। अब इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझते मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ। एक एडवर्ब है, ठीक है, एक एडवर्ब है और एक एडवर्बियल फ्रेज है, शुड नॉट बी प्लेस बिटवीन टू, जरा टू देखो जरा, ठीक है, यहां पर टू के बाद क्या आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, ये गलत है। याद रखो टू के साथ वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आई होप टू रिप्लाई इमिजिएटली टू योर लेटर, गेटिंग माय पॉइंट। तो टू के बाद कभी भी कोई एडवर्ब नहीं आएगी, अगर आएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताओ, क्लियर है? देखो तुमसे बात करते करते सुमित सर से भी बात हो रही है, सुमित सर का मैसेज आया, देख रहा तुम्हें। चलो जी आगे बढ़ते जरा फटाफट हमारे अगले सवाल पे। 28वां कांसेप्ट, एन इन्फिनिटिव शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस अनलेस इट रिप्रेजेंट एन एक्शन प्रायर टू दैट ऑफ द गवर्निंग वर्ब। क्या मतलब है इसका, जरा जरा सेंटेंस देखिए, जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ध्यान सुनना। इन्फिनिटिव शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ब, ये प्रेजेंट टेंस में करने ही कह रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में करने की बात कर रहा है, नहीं ये प्रेजेंट टेंस में, रुक जाओ कुछ गड़बड़ है। हाँ जी, हाँ जी, दोबारा बोलता हूँ, सॉरी सॉरी गलत बोल गया, दोबारा ध्यान से सुना, दोबारा बोलता हूँ मैं। 28वां कंसेप्ट है, वो कह रहा है इन्फिनिटिव शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस अनलेस इट रिप्रेजेंट एक्शन प्रायर टू दैट ऑफ द गवर्निंग वर्ब। जैसे जरा सेंटेंस देखते हैं, समझाता हूँ ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आई शुड हैव लाइक्ड हैव गॉन देयर, गलत है, ध्यान सुना मेरी बात। कभी ऐसा नहीं होगा कि टू के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कराया जाए और उसके बाद मेन वर्ब आए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, कभी भी ऐसा नहीं होगा, ध्यान से नजर एकदम स्क्रीन पे, क्या कह रहा हूं, कि टू के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हो और उसके बाद मेन वर्ब आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और यहीं पर ये बात कह रहा है, आई शुड हैव लाइक टू गो देयर, ये है इसका करेक्ट फॉर्मेट। जरा जरा फटाफट देख के बताइए इसमें से क्या आंसर होगा, क्या होगा इसमें, जल्दी बताएं फटाफट, गोली की स्पीड से बताएं, क्लियर है? जल्दी बताएं बेटा, मेरा जो पर्सनल नंबर होता है ना, वो सिर्फ उन्हीं बच्चों के पास होता है जो कि एनरोल्ड होते हैं, ठीक है ना, या तो ऑफलाइन में एनरोल्ड होते हैं या ऑनलाइन में एनरोल्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा जो बच्चे एनरोल्ड होते हैं उनको पर्सनल अटेंशन देने की जरूरत है। मैंने एक बात नोटिस की है कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए अगर एक बच्चे के पास किसी बड़े का जो एक्सपीरियंस है, पर्सनल अटेंशन होता है, तो एग्जाम निकालना ज्यादा आसान होता है। और इसलिए मेरा पर्सनल नंबर सिर्फ एनरोल्ड बच्चों के पास है, क्योंकि सबको अगर मैं दे दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। ये नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो आप इन पे भी डायल कर सकते हो, छोटी मोटी दिक्कत तो ये यहीं पे सॉल्व हो जाएगी आप, या व्हाट्सएप भी कर सकते हो, वहां पर आपको बहुत सारा फ्री मटेरियल भी मिल जाएगा। जैसे जैसे कविता आंटी बोलती जाए वैसे वैसे रिप्लाई करते जाना और आपकी बल्ले बल्ले हो, क्लियर है? बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आएगा स्वयं, जी हाँ यहाँ पर आएगा स्वयं, बिल्कुल सही बताया आपने, एक सेकंड देंगे जरा मैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कंसेप्ट क्या कहता है, जरा ध्यान सुनिएगा, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा एक और कंसेप्ट पढ़ाऊं जरा यहाँ पर, अगर आप तुमने नोटिस करना है तो ध्यान देखना। देखो ध्यान सुनना, मैंने ऐसे कल बताया था जहां तक मुझे याद आ रहा है, बट मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं। अगर मान लो ऐसा हो, यहाँ पर शुड है या कोई भी मॉडल है, मॉडल क्या होता है, कैन, कुड, मे, माइट, इन सबको क्या कहते हैं, मॉडल। दो तीन मॉडल लिख के बताओ फटाफट, बताते इससे पहले तुमको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जल्दी बताओ, 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 दो चार मॉडल के नाम बताओ, मॉडल की जल्दी से बड़ा बोल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल, विल, वुड, ये सब क्या होते हैं, ये मॉडल होते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ सर समझ रहे हैं। इन जब ये यूज होंगे तो इनके तुरंत बाद हैव अगर आ रहा है, अगर हैव आ रहा है, अगर हैव आ रहा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर मान लो खाली मॉडल यूज हुआ है कोई भी, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही बात बताई है तुमने, एकदम एकदम, क्या बात है, क्लियर है? दोबारा बोल दे रहा हूँ ध्यान सुनना, अगर मॉडल लगा है, मॉडल के बाद हैव लगा है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर मॉडल लगा है, ठीक है, और इसमें कोई हैव हैव नहीं लगाया, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई है, बोलो रॉजर, जल्दी बोलो बच्चा, रॉजर बोलो, तेजी से बोलो, गोली की स्पीड से बोलो, रॉजर 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 रॉजर, जल्दी बताओ, बिल्कुल सही जवाब, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आ जाओ जल्दी आ जाओ, हाँ जी बिल्कुल, सबको समझ में आ गया है, जस्ट गिव मी द रॉजर, यस। अगला कंसेप्ट देखते हैं ना, फटाफट देखते हैं क्या है कंसेप्ट, ध्यान से देखिए ना, कंसेप्ट क्या कहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस is used for an action, action के लिए इस्तेमाल करा जाता है, that began in the past tense, जो कि past tense में चलता है, and still going at the same time of speaking, and it is used with the adverb of time introduced since and for. क्या बोला सा समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ, मेरी बात ध्यान, ये इतना सिंपल मैं समझाता हूँ आपको, इतना सिंपल कि आप बिल्कुल, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ,
इसमें ना सिंस, पहले बात ध्यान रखो मैं किन तीन चीजों की बात कर, सिंस की बात भी कर रहा हूँ, फॉर की बात भी कर रहा हूँ, और हाउ लॉन्ग की बात भी कर रहा हूँ। ये तीनों के साथ ऐसा ही होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, बात समझ रही? अगर मैं बोल रहा हूँ हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग इन दिस ऑफिस, और ये जो हाउ लॉन्ग है ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। तो जब भी कोई हाउ लॉन्ग, सिंस या फॉर टाइम के बारे में बात करेंगे तो वहां पर आपको इस्तेमाल करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। द्वारा बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं जब भी आपका हाउ लॉन्ग, सिंस और फॉर, नजरे एकदम स्क्रीन पे, सिंस और फॉर इस्तेमाल हो रहा है और वो टाइम के बारे में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टाइम के बारे में बोल रहा है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। जरा देखें, जरा हाउ लॉन्ग इज शी वर्किंग विद यू, जल्दी बताएं इसमें क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। हाँ जी सर, बिल्कुल। यहां लगेगा, यहां क्या लगेगा, यहां लगेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हैज हो जाएगा। हैज के बाद क्या कुछ और भी लगता है, बीन, बीन भी लगता है क्या, देख लो भाई यहां पर है क्या, हाँ जी बीन है, तो बीन भी लगा दो, है ना। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वॉकिंग, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब जरा ये वाला बताओ इसमें क्या होगा, जल्दी बताएंगे बड़ा, गोली की स्पीड से, गोली भैया तुम्हारी तुमसे धीरे होगी, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी 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 जल्दी, भैया गोली तुमसे धीरे होनी चाहिए, नहीं है तो सपना टूटेगा, मैं बता रहा हूँ। देखो बेटा, मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया, उसने बड़ी अच्छी बात पूछी, सर मुझे बहुत डर लगता है कभी मुझे यूनिफॉर्म मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बेटा मैं तुम्हें आज लिख के दे रहा हूं, अगर तुम यूनिफॉर्म के पीछे पड़े हुए हो तो यूनिफॉर्म तुम्हें मिलेगी मिलेगी, जिस दिन तुमने यूनिफॉर्म पे गिव अप कर दिया ना, यूनिफॉर्म नहीं मिले, इस बात को आप गांठ बांध लो, ये 110% ट्रुथ है, ये होना ही होना है। मैंने आज तक कोई बंदा नहीं देखा जिसने यूनिफॉर्म का ठाना हो, यूनिफॉर्म ना मिली, मैं आपको गारंटीज दे रहा हूँ। तो प्लीज मेक श्योर कि आप बिना डरे, बिना कुछ करे, आप चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और एक बात और, जब आपका सिलेबस कम होता है ना तो आपको डर ये लगता है ये होगा कि नहीं होगा, इतना सारा बचा है, कम टाइम बचा है, कैसे होगा, मेरी बात समझ रहे हो, तभी आपको डरना नहीं है। बात ध्यान सुनो मैं क्या बता रहा हूं, आप समझो अगर काम करूंगा तो हो जाएगा, और करते चलो काम खत्म होता चला जाएगा, बस काम करोगे तो काम खत्म होगा, काम करोगे तो काम खत्म होता चला जाएगा, बस तुमको यही नारा बोलते रहना, काम करूंगा तो काम खत्म होता चला जाएगा, बस तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए रिजल्ट क्या आएगा, तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। अगर तुम्हारे दिमाग में एक बार ये आ गया कि भैया इतना काम पड़ा है कैसे होगा, तो भैया डर के साथ आंखें खुलेंगी, समझो मेरी बात, हाँ, डर के साथ आंखें खुलेंगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक बात और करी है, जब आप ऑफलाइन क्लासेस देखेंगे या किसी बच्चे से बात करेंगे तो हमने पूरा सिलेबस जो 6 महीने का होता है उसको 3 महीने 3 महीने डिवाइड कर दिया, हम 3 महीने में वो इंपॉर्टेंट सिलेबस कंप्लीट करेंगे जो एग्जाम में आना तय है, और यहाँ पर एग्जाम पैटर्न जो चेंज होगा ना वो करेंगे, और यहाँ पर ही हम मॉक टेस्ट लेके बच्चे को 3 महीने में ही मॉक टेस्ट लेके 360 एनडीए में और सीडीएस में जो कट ऑफ आती है उसके दम पर बच्चे को यहाँ पर 3 महीने में तैयार कर देंगे, जिससे उसका मोराल हाई हो जाए, क्योंकि एग्जाम जैसे ही पास आता है उसका डर बढ़ता है, समझो मेरी बात, एग्जाम जैसे ही पास आता है उसका डर बढ़ता है, उसको पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, वो यूट्यूब पे भागता है, यहाँ भागता है, कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई ऐसी वीडियो मिल जाए, तो इस बात को ध्यान में रखना है। पर बेटा इस बात को ध्यान में रखो, अभी बोल रहा हूँ, ठीक है आपके पास समय नहीं बचा है, फिर भी क्या कहना है अपने आपको, एक ही नारा है, करते चलो काम खत्म हो जाए, सिलेबस को मत देखो, टाइम को मत देखो, बहुत सारा है खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात, डर सीने में बैठा तो काम नहीं होगा, क्लियर है। हाँ, पर अगली बार जब करो तो ऐसे ही करो जैसे मैं ऑफलाइन में करा रहा हूँ, कि 3 महीने 3 महीने में डिवाइड कर दो, 3 महीने में सिलेबस खत्म करने की कोशिश करो, बाकी 3 महीने में सिलेबस को रिवाइज करो, और उसमें जो अगर कोई टॉपिक छूट गया है जो तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है उसे खत्म करो, बात समझ लो, यही सही तरीका है, बिल्कुल सही तरीका यही है, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला और आंसर बताओ फटाफट, सेकंड वाला बताओ, सेकंड वाला, सेकंड वाला, सेकंड वाला, जल्दी बताओ। गोली की स्पीड से बताएंगे, चौधरी जी, चौधरी जी एक चीज को बार बार नहीं डालते, हम जादूगर आदमी थोड़ा है कि तुम्हारे ऊपर ऐसे जादू चलाए, जादू की छड़ी चलाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, हैं जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जादूगर थोड़ी ना, जादूगर थोड़ी ना है, चलो जी आगे बढ़े फटाफट, बढ़ते चलो। ओके जरा ध्यान से देखेंगे क्या कह रहे हैं हम, बहुत ध्यान सुनेंगे क्या बोल रहे हैं। अगला आपके सामने सवाल यह है कि अ वर्ब व्हेन प्रीसीडेड बाय अ प्रीपोजिशन मस्ट बी ऑफ जीरंड, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लो कोई वर्ब है और उसके पहले आप कोई प्रीपोजिशन देख पा रहे हैं, जरा देखें यहाँ पर, जरा यहाँ पर ना एक छोटी सी गलती में उस गलती को सुधार देता हूँ, यहाँ पर कॉमा नहीं आया, गलती से कॉमा, हाँ ध्यान सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, दे वर पनिश फॉर कम लेट, दे वर पनिश फॉर कम लेट, हो सकता है पढ़ने में भी आपको अटपटा लग रहा है पर मैं आपको रूल समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनना, फॉर क्या है प्रीपोजिशन है, फॉर क्या है प्रीपोजिशन है, ऑफ क्या है प्रीपोजिशन है, इन क्या है प्रीपोजिशन है, ऑन क्या है प्रीपोजिशन है, अगर इसके तुरंत बाद क्या आती है, ध्यान सुनो मैं स्क्रीन पे बोल रहा हूँ, ध्यान सुनो नजरे एकदम स्क्रीन पे, अगर ये प्रीपोजिशन के तुरंत बाद वर्ब आती है तो उस वर्ब में आईएनजी लगना कंपलसरी है, नजरे एकदम स्क्रीन पे, दोबारा बोल दे रहा हूं, प्रीपोजिशन क्या थी, ऑफ एंड ऑन,
अगर ऐसी कोई भी प्रीपोजिशन आती है उसके तुरंत बाद वर्ब आती है तो क्या आती है? आईएनजी आती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आती है, समझ में आती है, जल्दी बताएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है, जल्दी बोलेंगे फटाफट। ठीक है, चलो बाय। बोलो 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 बोलो। अभी यार तुम हाथ हिला रहे थे, मैंने बाय बोल दिया। अभी रॉजर बोलो, रॉजर रॉजर। और बेटा एक ही बार में एक ही बार कमेंट करा करो, इतनी बार कमेंट कर देते हो कि हमको लगता है कि भैया पता नहीं क्या ही हो गया, ये बच्चा क्या कहना चाह रहा है, समझ में आ जाए। एक रॉजर बस, या एक हार्ट पे क्लिक दबा दो बस, इससे ज्यादा जिंदगी में हमने कुछ मांगा नहीं है तुमसे। हाँ मिठाई मांगी थी, याद आ गया, मिठाई जरूर खिलाना तुमको। एग्जाम में क्वेश्चन देखे तो भी मिठाई खिलाना, रिजल्ट बाद की बात है बेटा। चौधरी ज्यादा मत सोचो, जो मैं करा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, एग्जाम में आपको मिलेगा, ज्यादा मत सोचो। मैं बोल रहा था डर से काम नहीं चलेगा, तुम डर रहे हो। है चलिए आगे चलते हैं बेटा, रॉजर लिख दो। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, रॉजर आ गया, बहुत लोगों का मजा आ गया। चलिए आगे देखते हैं जरा। अ वर्ब व्हेन प्रीसीडेड, अच्छा ये तो हो गया, क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ। अजीरेंट इफ प्रीसीडेड बाय अ प्रोनाउन, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ। इफ अजीरेंट इज प्रीसीडेड बाय प्रोनाउन देन प्रोनाउन मस्ट बी अ पजेसिव केस। कई बार आपके केस में, सीरियस में खास बार आता है, बताइए क्या ये पजेसिव प्रोनाउन है, क्या ये एक पजेसिव प्रोनाउन है? तो हाँ जी आप समझ लो ये पजेसिव प्रोनाउन है। आप समझ लीजिए अगर प्रोनाउन के तुरंत बाद, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोनाउन के तुरंत बाद अगर वर्ब आ रही है, प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब आ रही है तो आप उसको आईएनजी से लगाएंगे। सर क्या ये प्रोनाउन नहीं है, क्या ही प्रोनाउन नहीं है? सर है, बिल्कुल है, पर मैं क्या कहना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हिज, हर, ठीक है, यू, ठीक है, ये जो है माई, ये जब भी आपको सेंटेंस में देखें, जब भी आपको सेंटेंस में देखें तो इनके बाद वर्ब प्लस आईएनजी लगा दो। मैंने कहीं यहां पर मी लिखा है? नहीं, मी के साथ नहीं आएगा। अगर मान लो यहां पर वर्ब प्लस आईएनजी लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर यहाँ पर वर्ब प्लस आईएनजी लिखा हुआ है और मी लिखा हुआ है तो मी गलत है, इसका माई करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर जरा ध्यान से उसके बताओ, अब मैं आपको दोबारा पूछता हूँ, अगर मान लो यहाँ पर मी की जगह ही लिखा होता तो क्या ये करेक्ट होता? जल्दी बताएंगे फटाफट तेज से, गोली की स्पीड से बताएंगे। यस नो, यस नो, यस नो में सब लोग फटाफट से जवाब देंगे। क्या मैं बात जो कह रहा हूँ सही? बेटा मत बात करो कुछ और, मैं तुम्हें टाइम आउट पे डाल दूंगा, समझ लो मेरी बात। मुझे पता ही लगता बच्चा क्या समझ में आया कि नहीं आया, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके डाउट लेने के लिए ही बैठा हूँ। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? सो प्लीज 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 मेरे साथ ऐसा मत करो कि तुम मुझे टाइम आउट पे डालो, एक ही मैसेज डालो, बार बार मत डालो। दोबारा बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले पानी पियेंगे हम। ओके बेटा, मैं क्या कहा, हिज, हर, माई, यू, जब भी ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, जब भी ये सेंटेंस के बीच में आते हैं, इनके बाद जो भी वर्ब आती है उसके बाद आईएनजी लगता है। क्या मेरी इतनी बात समझ में आई? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर आ गई। अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनिए, अगर मान लीजिए यहां पर योर होता तो क्या मैं वर्ब प्लस आईएनजी लगा सकता था सेंटेंस के बीच में? सेंटेंस के बीच में नहीं लग सकता था सर। अगर मैं मी बोलता, मी 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 मी, और मैं बोलता मी गोइंग, तो ये ठीक होता? नहीं, क्योंकि सर आपने सिर्फ ये चार ही प्रोनाउन बताए जिनके साथ ऐसा होता है। चौधरी भाई बुरा मत मानना, तुमको टाइम आउट पे करना लगा है, तुमको लग रहा है हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि तुम बातें ही करे जा रहे हो हैं। चलो जी अब कोई फालतू की बातें नहीं करेगा। चलो अब तुमको बात समझ में आ गई, अब मुझे फटाफट से बताओ क्या तुमको ये बात समझ में आता है? ये क्वेश्चन, आर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव राउंड द सन, आर टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन, बताओ इसका क्वेश्चन नहीं था क्या? 31, अरे अरे क्वेश्चन नहीं डाला। चलो मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूँ। ही, क्या ये सेंटेंस सही है? जल्दी बताओ। ही लाइक हर प्लेइंग इन अ कार, उसको पसंद है उसका खेलना गाड़ी में, क्या ये बात सही है? क्या मुझे यहाँ पर हर की जगह शी करना चाहिए था और यहाँ पर प्लेइंग की जगह प्लेड करना चाहिए था? जल्दी बताओ, कुछ ऐसा मुझे करना चाहिए था क्या? और यहाँ पर लाइक नहीं, लाइक साइज, जल्दी बोल मेरी जान। क्लियर है, सबको समझ में आ गया? गिव मी द रॉजर इन द कमेंट सेक्शन फटाफट से, गिव मी द रॉजर, यस गिव मी द रॉजर, जल्दी देंगे रॉजर, 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 बोल मैं जान। बिल्कुल सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई, बिल्कुल बिल्कुल। पेन का कलर चेंज कर दूं बेटा? बिल्कुल चेंज कर देंगे, रेड आपको, अच्छा हुआ बता दिया, मेरे दिमाग से ही फिसल गया था। एक्चुअली जिन्होंने पीपीटी बनाई है ना उनको ब्लैक, मुझे ब्लैक बिल्कुल, तो उन्होंने करते, वरना मैं नॉर्मली व्हाइट ही। चलिए जी यहाँ तक की बात हो गई है, रूल्स को याद कैसे करूँ? एक बच्चे ने कहा कि सर ये सारे जो रूल्स आप करा रहे हैं उन्हें याद कैसे करो? इस वीडियो को देखो 2 बार और एक बंदे के साथ शेयर करो, ठीक है ना, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ आप इस रूल को सुना दो बैठ के, गूगल मीट पे या कैसे भी, और ये रूल आपके जहन में बैठ जाएंगे और आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको कॉपी पेस्ट ही मिलेगा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। तो पहले ये वीडियो को खुद देखो, फिर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, उसको समझा दो या उससे सुन लो या खुद सुना दो और हो गया काम। क्लियर है, यही एकमात्र तरीका है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तुमको कब बताया था, तुमको कब सुनाई दे रहा है? चलो अगला देखते रहा, अगला आपका कंसेप्ट है 32, अ पास्ट टेंस इन द मेन क्लॉज, जो पास्ट टेंस होता है मेन क्लॉज, ठीक है, मे बी फॉलोड बाय अ प्रेजेंट टेंस इन द सबॉर्डिनेट क्लॉज व्हेन द सबॉर्डिनेट क्लॉज एक्सप्रेस ट्रुथ। ये तो हो चुका है, हो चुका, बार बार दोबारा आ गया, दोबारा आ गया बेटा, रूल रिपीट हो गया, रूल कैसे रिपीट हो गया, मैं करा चुका हूँ राइट। एक बार जरा रॉजर लिख दो, अगर आपको याद आ गया ये रूल मैंने रिपीट कर दिया है, ये पास्ट टेंस में, इसके आगे प्रेजेंट टेंस कभी लगेगा? जब यूनिवर्सल ट्रुथ, क्वेश्चन रिपीट हो। चलिए आगे देखें जरा। ओके, फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस मतलब सिंपल फ्यूचर, वो क्या कह रहा है,
अगर सिंपल फ्यूचर हो, फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब सिंपल फ्यूचर हो, इज नॉट यूज इन द क्लॉज ऑफ टाइम। जब भी आप समय की बात करेंगे, टाइम की बात करेंगे, तब आप फ्यूचर टेंस का कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप ऐसे केस में प्रेजेंट इंडेफिनेट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? जरा देखिए, जरा यहाँ पर कॉमा लगाना रह गया, कॉमा लगा देते हैं आपके लिए। देखें जरा क्या कह रहे हैं हम, आई शेल वेट फॉर यू, ये ठीक है, ये फ्यूचर में ठीक है, पर जो कॉमा के बाद जब आप किसी के लिए इंतजार कर रहे हैं और टिल यू विल फिनिश योर वर्क, ये गलत हो जाएगा। हाँ ये बात सच है कि अगर जब तक वो काम खत्म करेगा तब तक मैं इंतजार करूंगा, ये फ्यूचर का सेंस दे रहा है। बट बेटा समझो, जब ये टाइम के रेफरेंस में बात कर रहा होता है कि तुम्हारे समय तक, ठीक है ना, जैसे टिल आपका हो गया, या आपका सिंस हो गया, या आपका फॉर हो गया, तो ऐसे केसेस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको किसी भी हाल में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करना है। दोबारा बोलता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, देखो जो फर्स्ट हाफ है उसमें कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं, पर अगर आप सेकंड हाफ देखोगे तो वहां पर टिल आ रहा है, ज्यादातर ही टिल के साथ ही होता है, 99.99%। तो उसके तुरंत बाद ना आपको फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं करना है, आप क्या करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे पेन की इंक क्या फिर से रेड हो गई, नहीं येलो की। देखो जरा मैंने क्या कहा, आई शेल वेट फॉर यू कॉमा टिल यू विल फिनिश योर वर्क। क्लियर है? आई शेल वेट फॉर यू कॉमा टिल यू फिनिश योर वर्क। तो यहाँ पर क्या आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया, ये करेक्ट। क्लियर है? जल्दी बताएंगे फटाफट तेजी से, ये वाला क्वेश्चन करके देखा फटाफट। क्वेश्चन नंबर वन, जल्दी बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी बोलो भाई। यार तुम बहुत धीरे धीरे टाइप करते हो यार, तुम लोग आलसी आदमी हो कसम से, मैं बता रहा हूँ, ऐसे आलसी लोगों को क्या ही होता होगा। है तुम तो हगने भी जाते हो, 2 घंटे बताते हो, क्योंकि अभी तो इंतजार करेंगे कि कब मूड बनेगा कि हम हगेंगे। है तुमसे साला एक आर टाइप नहीं हो रहा रॉजर, गोली की स्पीड से करा करो, गोली धीरे चलनी चाहिए तुमसे, समझ में आ रही है? बोल मे जान। जी हाँ, तो यहाँ पर आपके पास इस वाले हिस्से में गलती है, आपके पास विल नहीं आएगा। बिल्कुल सही जवाब, बोलो 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 बोलो। आगे चले, अगला केस क्या है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो नहीं होता यूज विद एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम्स लाइक यस्टरडे, 1990, या वगैरह वगैरह वगैरह। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपको यस्टरडे 30 साल पहले, 30 years बिफोर या एगो ऐसा लिखना हो, या आपको लिखना हो इन 1990, तो बेटा ये चीजें प्रेजेंट टेंस में कैसे आएंगी, ये तो प्रेजेंट टेंस में आ ही सकती, ये तो चीजें ही पास की है। बात समझ में आ रही है? कई लोग गलती करते थे, उनको लगता है आई हैव बॉट अ साइकिल यस्टरडे, तो हाल ही में हुआ है ना, हाल ही में हुआ है, इसलिए मैं सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा रहा हूँ। गलत जवाब बेटा, यस्टरडे मतलब कल हो चुका है, 30 साल पहले हो चुका है, समझ लो मेरी बात, इन 1990 हो चुका है, इन 2000 हो चुका है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई जल्दी बोलो, बोलो यार, बोलो यार, तुम लोग इतना धीरे कैसे रॉजर टाइप करते हो रे बाबा, हैं ऐसे धीरे धीरे कौन करता है रे बाबा, तेजी से टाइप करो फटाफट। भाई बाल झड़ने लगे मेरे, लगता शादी करनी, गंजा हो गया मेरी, चलो भैया सोचेंगे शादी। ओके आगे चले जरा, वेरी गुड, क्वेश्चन देखें जरा, जल्दी बताएं क्वेश्चन। बेटा 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटा बचा है मेरे पास, जल्दी बताओ। अरे 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 आराम। ओहो, मैंने अपने बड़े भैया से पूछा कि भैया आपने शादी क्यों कर ली, बेटा गंजे हो रहे हैं, ठीक है ना, गंजे होने से पहले अगर हमने शादी कर ली तो ठीक, वरना गंजे से कौन शादी करे। मैंने कहा अच्छा ये कारण था। चलो जी आगे देखें जरा, ये कहता है कि मॉडल ऑक्सिलरीज आर नॉट यूज टुगेदर। क्या मतलब, जो दो मॉडल होते हैं, जो दो मॉडल होते हैं वो दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकते। आप ऐसे तो कर सकते हो कि शुड के साथ हैव का इस्तेमाल कर दो, बट ऐसा नहीं कर सकते शुड के साथ आप कुड का भी इस्तेमाल कर दो, ये नहीं हो सकता। अगर आपको इस्तेमाल करना है तो कोई कंजक्शन बीच में डालना पड़ेगा। जरा देख के बताइए क्या सही है कि गलत है, जल्दी बताइए, जल्दी देख के बताएं सही है कि गलत है। देखो राइस वाटर की बात नहीं है, बट मैं आपको ना, मैं एक्चुअली भी रिसेंटली स्कूल गया था अपने, पता नहीं आपको दिख रहा है, दिख रहा, ये मेरे स्कूल का मग है, तो उन्होंने मोमेंटो दिया था, तो ये मेरा फेवरेट मग है, मेरी टेबल पे ही रखा रहता है, मैं इसी में पानी पी सकता हूँ। बहुत बेहतरीन स्कूल है मेरा, बहुत बड़ा स्कूल है, पता है तुमको दिख रहा है कि दिख रहा, बहुत बड़ा स्कूल है, DMA मेरठ में आओगे ना, उसे लोग आजकल 5-स्टार होटल कहने लगे हैं, आजकल मेरे स्कूल स्कूल नहीं 5-स्टार होटल, बट हाँ मतलब काफी बड़ा हो गया, पहले था छोटा सा स्कूल होता था, बट अब भी बहुत बहुत बड़ा हो गया, बहुत इतना बड़ा स्कूल नहीं देखा मैंने, मैं अपना स्कूल देख के डर गया भाई साहब, ये क्या बन गया स्कूल। चलिए आगे देखते हैं जरा, अगला है व्हेन नीड और डेयर इज फॉलोड बाय नॉट। ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, जब नीड या डेयर फॉलो होता है नॉट के साथ, तो नॉट इसके जस्ट पीछे आ रहा है, क्या बोल रहा हूँ, नजर एकदम स्क्रीन पे, इन दैट सिचुएशन इट टेक्स बेयर इन्फिनिटिव, वी कैन नॉट यूज नीड नॉट और डे नॉट। मतलब ध्यान सुन, वही कह रहा है कि अगर आप नीड या डेयर जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद अगर आप नॉट लगा रहे हैं, नॉट लगा रहे हैं, तो ये बात आपको याद रखना है कि वो एस या ई एस नहीं लेगा। देखो जरा यहां पर एस लगा है, यहां पर नहीं लिखा है, जरा देखो कि डेयर्स नॉट टू स्पीक गलत है, क्यों मैं आपको बताता हूँ, आपको नहीं पता होगा, तो जो डेयर वर्ड होता है ना बेटा, और जो नीड होता है, ये मॉडल का काम भी करता है, और मॉडल के पीछे एस या ई एस नहीं लगता है, वो तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ना ये ना हो, ही नीड्स मी,
फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता तो ये ठीक है। जब मैंने इसके आगे नॉट लगा दिया, ही नीड नॉट लगा दिया नॉट, तो ये मॉडल बन, क्या मेरी बात समझ में आ गए? तो यहाँ पर एस नहीं आए, क्लियर है? जल्दी देख के बताओ, क्वेश्चन आपके सामने फटाफट से 23 से समझ में आएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताएंगे फटाफट 23 से, बोलो बालक, बोलो बोलो जल्दी बोलो। यार एक बात मुझे फीडबैक दोगे जरा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मैं पढ़ाता सही हूँ, ठीक है, बढ़िया ही पढ़ाता हूँ। इनफैक्ट कल मेरे पास 150 के आसपास की स्ट्रेंथ थी लाइट, ये ऑटोमेटिकली ड्रॉप होकर 50 हो, क्या सबको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही या क्या हुआ? क्योंकि मैंने कल 6 PM बताया था, या मेरे से कोई गलती हो गई है? जरा थोड़ा समझाओगे मेरे को जरा, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने गलती करी क्या है। क्योंकि टेलीग्राम पे मैंने डाल दी, हाँ कम्युनिटी पोस्ट नहीं डाली, बाकी जिन लोग मेरे पास एनरोल बचे थे उनको मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया, क्या कर सकते? चलो हाँ जी बताओ, यहाँ पर एस नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात, ये ठीक है। अगला आपके सामने 37 क्वेश्चन जरा देखिए, वो कहते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सम, जैसे मच, लिटिल, एनफ, ऑल, नो, एनी, ये वगैरह वगैरह, ठीक है। आई एट आर अ फ्यू राइस, ध्यान सुन, ध्यान सुने मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बात ध्यान सुन, एक सेकंड, मैं अभी समझा रहा हूँ, एक मिनट में समझा रहा हूँ, एक मिनट, जो तुम्हारे कमेंट्स देख रहा था इसलिए। अच्छा 9 बजे का नहीं, अच्छा एक बच्चे ने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्या इन क्वेश्चन के आंसर होंगे PDF में? नहीं होंगे, तो प्रैक्टिस कैसे होगी? अगर मैं तुम्हें आंसर दे दिया तुम आंसर रटने लग जाओगे, मैं ये नहीं चाहता, दिमाग लगाना है, मैं आपको क्लियरली समझा रहा हूँ और आपको क्लियरली आपको खुद ही टिक करना, ठीक है ना, आंसर नहीं दूंगा, क्लियर है? चलो आगे बढ़े, हाँ मैं ये कंसेप्ट समझाता, समझाते समझाते चला गया, कमेंट्स देखने लगा था कि आपका फीडबैक क्या है। ओके सो ये है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन, मतलब मैं लिखो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जैसे सम, मच, लिटिल, एनफ, ऑल, नो, एनी, ग्रेटर वगैरह वगैरह, आई यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन ऑनली, ध्यान समझिए, क्या आप चावल को काउंट कर सकते हैं? सर मुझे थोड़ा सा ही चावल दीजिएगा, मतलब मैं सिर्फ 100 चावल के दाने ही लूं, जरा ध्यान समझिएगा, आपके एग्जाम में कभी भी आ फ्यू, फ्यू और द फ्यू का कंफ्यूजन नहीं आता, नोटिस करा है किसी ने कभी? CDS NDA में कभी भी आपको ये चीजें नहीं मिलेगी, आ फ्यू द फ्यू ये नहीं मिलता, ये आता ही नहीं है, ना ही लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल आता, नोटिस किया है क्या? जल्दी बताओ, बोलो मेरी जान। बेटा PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम, PDF मिलेगा टेलीग्राम पे, जैसे ही मैं क्लास खत्म करूंगा आपको वहां मिल जाएगा, ये आप सर्च कर सकते हो सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड टेलीग्राम पे, तो भी ठीक है ना, हाँ जी, तो मेरी बात ध्यान सुने, हाँ जी, तो आपने नोटिस किया होगा, नहीं किया चलो कोई बात, मैं बता रहा हूँ, आप देखना कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको सिंपल इतना आता है कि आप बस ये क्लियर कर दो, क्या आप फ्यू और सम में या लिटिल में डिफरेंस समझते हो? तो जो लिटिल आता है वो अनकाउंटेबल के लिए आता है, और वहीं फ्यू जो आता है काउंटेबल के लिए, क्या मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गया हो, ठीक है, समझ में आ रही है? तो यही इसने बताया है, ठीक है ना, यही बता रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या आता है, या तो सम आता है, या मच आता है, लिटिल आता है, एनफ आता है, ऑल आता है, नो एनी आता है, ठीक है ना, इनमें से कोई वर्ड आता है, तो जिसमें क्वांटिटी डिफाइन नहीं होती है, या मैं कहूँ अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके लिए हम ये सारे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई चीज काउंटिंग कर सकते हैं तो उसमें फ्यू का इस्तेमाल करते हैं, इतनी ही बात समझेंगे, बाकी हम बाद में करेंगे, जरा देखें। आई हैव गिवन यू मेनी एडवाइस सो नाउ डोंट आस्क, जल्दी बताओ बेटा, मेरे को ना प्रेशर आ रहा है सर। ओके तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे को एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देना चाहिए जिसमें मैं आप सबको देता रहूँ जो लाइव क्लास में आ रहे हैं, आप यही कहना चाहते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दी, ठीक है जल्दी बताओ आंसर क्या है इसका? जी हाँ, आई हैव गिवन यू मेनी एडवाइसेस सो नाउ डोंट आस्क, मेनी जो आता है काउंटेबल के साथ आता है, तो मेनी नहीं, या तो आप सम एडवाइस कहो, मच एडवाइस कहो, एनफ एडवाइस, एनफ will be very good. I have give you enough advices, so now don't cut the point. Very good. अगला सवाल देखिए जरा, फटाफट तेजी से देखिए। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर की, देखो जरा। Numerical adjective are used for countable noun. Numerical adjective जरा देखिए जरा। I have taught you little thing. देखो हम few की बात कर रहे हैं, ध्यान, few, many की बात, ठीक है? Numerical adjective are used for countable noun. तो यहाँ पर जो थिंग्स हैं वो चीजों को काउंट करा जा सकता है, थिंग्स काउंट करा जा सकता है, सामान को काउंट करा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर हम फ्यू का, ठीक है ना, तो जहां भी चीजों को आप काउंट कर सकते हैं वहां फ्यू और मैनी का इस्तेमाल करें, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फ्यू और मैनी का इस्तेमाल, क्लियर है? क्लियर है जी हाँ, क्वेश्चन देखें जरा, आंसर बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताओ जल्दी, हाँ जी आंसर आ गया, ये आंसर अटक गया, आ गया, ओके ठीक है। अच्छा एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उनमें ना एक बात मैंने ऐड करी और मुझे लगता है आपको भी ऐड करनी चाहिए, ध्यान सुनना मेरी बात, जब आप CDS ND की तैयारी कर रहे हो ना, पर बेटा एक बात ध्यान रखा करो, उसके साथ ना SSB की तैयारी करना शुरू कर दी, रीजन क्या होता है, उसमें ना तीन चीजों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक तो इंग्लिश कम्युनिकेशन, अगर आप बोल नहीं पाते हैं अंग्रेजी तो बड़ी दिक्कत है, दूसरी बात सेल्फ कॉन्फिडेंस, जरा याद करो वो पल जब प्रिंसिपल के सामने तुम्हारी हवा टाइट हो जाती, तो यहाँ पर जो रैंक का आदमी होगा कर्नल ब्रिगेडियर रैंक का आदमी, उसके बाद अगर ये दोनों चीजें हो गई है तो फिर तीसरी चीज होती है वो होता है स्टेज फियर, SSB में रिटन एग्जाम जैसी कोई चीज नहीं होती, पर अगर आपको स्टेज पे डर लगता है
तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। क्यों? ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं गलती कि आपने करी रिटन एग्जाम की तैयारी, उसमें लगाए 6 महीने, उसके बाद आपकी SSB आई, तो उसमें से आपको 2.5 मंथ ही मिलता है कि बहुत कम समय एक पर्सनैलिटी को ट्रांस का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी 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 क्लियर है? ओके, आगे चल देना। अब जरा मेरी बात ध्यान से, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश कम्युनिकेशन, स्टेज फियर और सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत काम करें। ये हम अपने ऑफलाइन बैच में तो कराते ही कराते हैं रिटन के साथ, बट आपको खुद से कर लेना चाहिए अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो। अगर आ पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो हम ध्यान रखें। अगला कंसेप्ट देखिए जरा, व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल आर यूज टुगेदर, द ऑर्डिनल प्रिसीड द कार्डिनल एग्जाम्पल। जरा मेरी बात ध्यान से, द फोर फर्स्ट बॉयज विल बी गिवन द चांस। गलत जवाब। कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर को जरा समझते हैं। द फर्स्ट फोर बॉयज विल बी गिवन द चांस, जरा इसको जरा ऐसे समझो, एक क्वेश्चन दिखाओ। पहले आप ऐसे समझो कि जो पहली बात बताई जा रही है, जैसे ग्रुप सेक्शन की बात हो रही है, द फर्स्ट फर्स्ट सिक्स स्टूडेंट, ये काउंटिंग है और ये एक ग्रुप को डिफाइन कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर सही है, ये सही, ठीक है, जल्दी बताएं। तो कार्डिनल ऑर्डिनल आपके लिए थोड़ा दिक्कत हो सकता है समझने में, बट कार्डिनल नंबर मतलब जो आपका ग्रुप डिफाइन कर रहा हो कि कौन लोग, और ऑर्डिनल नंबर मतलब वो जिसमें काउंटिंग डिफाइन हो रहा है कि ये लोग। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन देखे फटाफट, जल्दी बताओ। क्लियर है बेटा? हिस्ट्री कराएंगे अभी। अरे यार, गदर मूवी देखने का मन कर रहा है, तुम यहाँ पर बिठाए हो, 40 रूल पे आए हैं। तो देखे जरा, एक है लेटर, एक है लेटेस्ट और एक है टाइम, रेफर टू टाइम वाली। तो लेटर और लास्ट रेफर टू द पोजिशन। जरा मेरी बात ध्यान से, आई रीच एट 10 AM, देखो एक पेन बदल, आई रीच एट 10 AM बट ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्ट, बट वो उससे भी लेट आया था मैंने एक्सपेक्ट, ठीक है ना? क्या ये सही है गलत है? ध्यान सुनना, में जो लेटर है वो टाइम को रेफर करता है, जो लेटेस्ट है वो भी टाइम को डिफाइन करता है, पर जो लेटर वर्ड है कायदे में इसी की फॉर्म है, बट जो लेटर वर्ड है या लास्ट है वो पोजीशन को डिफाइन करता है। मेरी बात ध्यान से, आप समय में लेट हुए हैं तो आप लेटर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, मैं इतना लेट हो गया हूँ। ही वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ बच्चे, मेरी बात ध्यान सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये दो वर्ड का इस्तेमाल होता है तो ये टाइम डिफाइन कर रहे हैं, और अगर आपका इन दो वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है तो वो पोजीशन डिफाइन कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएं। बोल बालक बोल, जल्दी बोल। देश की शान ऐसे कैसे हो सकता है कि आप नहीं? हाँ बेटा, एफकेट के लिए भी बेटा, देश की शान समझ में आएगी नहीं आया? जल्दी बताओ। मैंने ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं बोला है, जल्दी बता। क्या बात है, किसी विस्सी मिल रही है आप तो? क्या नाम है आपका? अंतरिक्ष नाम तो नहीं है आपका कहीं? चलो जी आगे चलते। हाँ, कहाँ थे हम? अगला कंसेप्ट। यस, अगला कंसेप्ट क्या कहता है? द फादर मींस मोर डिस्टेंस एंड एडवांस। ध्यान सुनो मेरी बात, फादर का मतलब क्या होता है? फादर का मतलब क्या होता है? फादर का मतलब क्या होता है? दूर या आगे बढ़ जाना, क्लियर है? और फादर का मतलब होता है कि कोई चीज एडिशनल है। बात समझ में आ रही है? जरा देखें जरा, ही इंस्टेड ऑन द फर्दर इंप्रूवमेंट। फर्दर और फादर क्या पर आएगा? फर्दर। अगर आपको उसमें एडिशनली कोई काम करवाना है तो आप फर्दर इस्तेमाल करेंगे, और अगर आप कह रहे हैं बहुत दूर निकल आए हैं तो इसके लिए फादर फादर, और अगर आप एडवांस कर रहे हैं, जैसे फॉर्म कहें कि मिलिट्री के लिए करें कि मिलिट्री एडवांस कर रही है, तो मिलिट्री एडवांस की जगह आप फादर वर्ड भी यूज कर सकते हैं। द मिलिट्री मूव फादर, द मिलिट्री एडवांस फादर, ठीक है ना? मैं कहूँ मिलिट्री एडवांस या मैं कहूँ मिलिट्री मूव फादर, तो एक ही बात है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएं। आपके पास ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला है, जल्दी बताएं इसका आंसर क्या होगा, सही बात क्या होगी, जल्दी बताएं। बोलो मेरी जान, जल्दी बोलो। अच्छा, देश की शान में ऑलरेडी है। बोलो बच्चे, सबको समझ में आया कि? ओके, आंसर क्या है इसका? बोलो भाई। सर फर्दर आया, बिल्कुल। ये वाला बताना, सेकंड वाला, ये मुश्किल है, ये नहीं बता पाओगे, ये नहीं बता पाओगे, वो आएगा। आगे चलते, 42 कंसेप्ट पे आ चुके हम। हाँ, राधिका ने कहा कि क्या लगा सर आपको कि जो देश की जान है वो आपको इमोजी कर रही है? हाँ बच्चे, मुझे यही लगा कि देश की जान मुझे ही इमोजी कर रही है। बात समझ में आ रही है मेरी बात? मुझे यही लगा कि एक लड़की ऐसा क्यों कर रही है, फिर हमने देखा कि उसके तो नाम में ही कुछ लोग कर भी देते हैं इमोजी। ओके, अगला देखिए जरा। अगला है कि 42 रूल ये कहता है, ध्यान सुनना, ईच इज यूज इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग्स। ईच का इस्तेमाल तब होता है जब हम दो या दो से अधिक चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? एवरी का इस्तेमाल तब होता है जब मोर देन टू का इस्तेमाल करा जा रहा है। एक मिनट, इसमें छोटी सी गलती है, मैं इस गलती को सुधार दूं जरा, ये एग्जाम में आया है, छोटी सी गलती कर रखी, टू लिखना था, टू और मोर कर दिया था। हाँ जी, ध्यान सुनिए जरा, ईच का इस्तेमाल तब करते हैं, एग्जाम में आया है, ध्यान सुनिएगा, ईच का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? अगर आप दो से चीजों से ज्यादा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम एवरी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जरा, एवरी ऑफ द टू बॉयज विल गेट अ प्राइज, नहीं, ईच ऑफ द टू बॉयज, दोनों ही बच्चों को इनाम मिलेगा। अब जरा एवरी का देखिए जरा, एवरी का एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या सही है कि गलत है? आई हैव चॉकलेट इन माई ईच हैंड आएगा कि एवरी हैंड आएगा? जल्दी बता। ये बेटा एग्जाम में आया है, अगर आप CDS सेकेंड 2021 का पेपर देखोगे ना तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, दो क्वेश्चन मिलेंगे लगातार स्पॉटिंग एरर के अंदर, जल्दी देखना।
अगर आपको देखना भी हो तेरी हो सर कोई ना हम दे देंगे। देखो ठग एनीमे बॉय ने हमको एमओजी दिए, रेंजर बॉय भाई ने भी हम क्या बात है बहुत ज्यादा। सर कल पुलिस आई क्या हुआ बेटा कुछ नहीं, कहा कि आप अपना शटर बंद करें और घर जाएं, रात बहुत हो चुकी है आपकी बिल्डिंग ही खाली, चोरी वोरी हो गई तो बैंक नीचे आपकी है डाका लग जाएगा और आप पे नाम। तो हमने कहा हम चले, एवरी अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल मत डालो अभी जो मैं बता रहा हूँ उसे उतना ही ध्यान दो भाभी। ओके अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। 43 टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री सम इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस इन एनी इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। क्या बोलने यहाँ, अगर आपको कोई क्वांटिटी या कोई डिग्री को अगर आपको डिफाइन करना हो ठीक है ना जो अफर्मेटिव सेंटेंस में हो तो आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर, मतलब जरा सेंटेंस को देखिए, हैव यू बॉट बॉट सम और एनी मैन। जब आप क्या कह रहा था ध्यान सुनेगा मेरी बात, अगर आप किसी क्वांटिटी और डिग्री को यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी इन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, देखो अगर मान लो सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है, अगर सेंटेंस पॉजिटिव सेंस दे रहा है तो आप सम का यूज करेंगे। जैसे मैं कहूँ आई हैव सम टॉफी, या सम टॉफी नहीं आएगा, टॉफी तो काउंटेबल, सम 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 मिल्क, तो ये पॉजिटिव सेंस में आ गया। वहीं एनी का सेंस होता है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव। अगर मान लो कहीं में नेगेटिव सेंस दे रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, या इंट्रोगेटिव सेंस में दे रखा है तो एनी का इस्तेमाल होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जरा देखें रहे आपको क्वेश्चन दिखाता। डू यू हैव सम आइडिया और एनी आइडिया, ये नेगेटिव सेंस। आगे देखें, विल यू प्लीज गिव मी सम शुगर और एनी शुगर, जल्दी बताओ सम शुगर या एनी शुगर। डल कहां बग गया, हाँ जी क्या आंसर है, हाँ जी बिल्कुल 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 सही जवाब सही जवाब सही जवाब सही जवाब। ओके तो आपका हो गया सम और एनी आगे, ठीक है ना आगे देखते हैं जरा। ओके 44 देखे जरा, इन कंपेयरिंग टू थिंग्स द कंपेरेटिव शुड बी यूज एंड सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज। देखो जरा अगर हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, दो चीजों को कंपेरेटिव शुड बी यूज, मान लो दो चीजों को कंपेयर करा जा रहा है, मतलब विच इज बेटर ऑफ द टू, इनमें से कौन सा बेहतर है। अगर मान लो दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर कर रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री आता है। जरा देखे जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, शी इज द टॉलेस्ट ऑफ हर टू सिस्टर, दो लोगों में कंपेयर करा जा रहा है, बताओ क्या यहाँ पर टॉल आएगा या टॉलेस्ट आएगा, जल्दी बताओ टॉल आएगा क्या आएगा, टॉलेस्ट आएगा टॉलर आएगा क्या आएगा, जल्दी बताएं। आई एम द बेटर ऑफ द टू क्या आएगा जल्दी बताओ, यस यहाँ पर भी यही आएगा यहाँ पर भी यही आएगा, नहीं सर टॉलर में नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर तीन हो गई हैं, दो सिस्टर हैं, शी इज टॉल ऑफ हर टू सिस्टर, दो बहनें पहले से हैं उसमें तीसरी है तो ये तीन हो गई हैं, अभी तीन होने की वजह से यहाँ पर टॉलेस्ट आ जाएगा, शी इज द टॉलेस्ट ऑफ टू सिस्टर, ऑफ हर दो बहनों के कंपेरिजन में सबसे लंबी है ये दोनों बहनों के कंपेरिजन। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, जल्दी बताओ टॉलेस्ट क्यों आया, समझ में आ गया वेरी गुड, ठीक है टॉलेस्ट क्यों आया जल्दी बताएंगे। अच्छा बेटा एक सेकंड दोगे जरा, मैं वॉशरूम हुआ और हाथ पे ढीला कर लूँ, बैठे बैठे मेरी कमर अकड़ गई है, 1.5 घंटा हो गया, जरा आप भी जरा हल्का बोलो जरा, 1 मिनट 2 मिनट। ओके जी आई एम बैक, हम वापस आ चुके हैं, आई होप आपको एक छोटा सा ब्रेक हो ठीक लगा होगा, जरा हमें जरा चाहिए होता है, जरा पढ़ाते पढ़ाते मुंह थक जाता। ओके जी कहाँ पर थे हम, हाँ जी अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। वो कहता है कि अगर दो क्वालिटीज हो सेम पर्सन में और थिंग्स आर कंपेयर्ड, कंपेरेटिव ई आर इज नॉट यूज, जरा देखिए, ही इज वाइजर देन ब्रेव, ठीक है ना, और ही इज मोर वाइज देन ब्रेव। ध्यान से, अगर एक ही इंसान की एक ही क्वालिटी को दूसरी क्वालिटी से कंपेयर करा जा रहा है तो आप ई आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए जरा, ही इज मोर वाइज, क्यों यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं लिखा, ध्यान सुनिए जरा, ध्यान सुनो मेरे बेटा, ये बात समझने वाली चीज है। यहाँ पर इस वाले को ठीक क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि बेटा कंपेयर तो मुझे करना है, तो मुझे सेम क्वालिटी को कंपेयर करना है तो मैं इसका ई आर वाला फॉर्म इस्तेमाल नहीं करूंगा। अगर आप सेम इंसान की सेम क्वालिटी का कंपैरिजन करते हैं तो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं जरा, आगे चलते हैं। शी इज स्मार्टर देन ऑनेस्ट, जल्दी बताएं क्या इसमें सही क्या है गलत क्या, जल्दी जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं क्या सही है क्या गलत, हाँ जी यस यहाँ पर शी इज मोर स्मार्ट आएगा, मोर स्मार्ट आएगा, यार ये बार बार रेड येलो का, शी इज मोर स्मार्ट देन, क्लियर है बिल्कुल सही जवाब। बेटा देश की जान आप आंसर कम दे रहे हो बातें ज्यादा, चलो आगे देखो जरा। व्हेन अ कंपैरिजन इज मेड बाय मीन ऑफ अ कंपैरेटिव, जरा देखो जरा यहाँ पर, ही इज क्लेवर, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, कंपैरिजन करा जा रहा है। द थिंग्स कंपेयर शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग विद विच इट इज कंपेयर्ड बाय यूजिंग अदर और सम सच वर्ड्स, जरा ध्यान दें, ही इज क्लेवर देन एनी बॉय इन द क्लास, गलत, जब आप पूरी क्लास से आप कर रहे हैं तो आप एनी के साथ आप अदर का इस्तेमाल जरूर करेंगे, क्लियर है समझो मेरी बात, यस ये बात सच है कि ये करेक्ट इंग्लिश है, बट एनी के साथ अदर का इस्तेमाल जरूर करेंगे जब आप पूरे
क्लास से कंपेयर करा जा रहा है, क्लियर है? ही इज क्लेवर देन एनी अदर बॉय, क्लियर है? इंग्लिश ये भी ठीक है बट कंपैरिजन करा जा रहा है, तो सबको मिलाने के लिए आप अदर का, ठीक है ना? सिंपल सी बात है, ओके। अच्छा एक बात और पूछना चाहूंगा, ध्यान से क्या, देखो जब हम कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो दो लोगों का कंपेरिजन करते हैं, दो लोगों का, पर अगर ध्यान से देखें तो ये पूरी क्लास का कंपेरिजन हो रहा है, पूरी क्लास का। तो जब पूरी क्लास का कंपेरिजन करना हो तो आप अदर का जरूर इस्तेमाल करेंगे, एनी अदर वर्ड जरूर आता है। ये जब मेरी पेड एग्जेक्टिव क्लास है ना, जो बच्चे मेरे एनरोल्ड हो रखे हैं ऑनलाइन में, उनको मैंने पढ़ाया है कि अगर आप पूरी क्लास का कंपैरिजन करना चाह रहे हो, पूरे ग्रुप का कंपैरिजन करना चाह रहे हो, तो आप एनी अदर वर्ड का जरूर इस्तेमाल करोगे, तभी आप कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हो। वरना कभी भी पूरी क्लास का कंपैरिजन करने के लिए आपको कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करना होता, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे अगर मैं कहता तो ऐसा करता, ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, बट क्योंकि मुझे इसे कंपेरेटिव डिग्री बनाना था, क्या कह रहा हूं मैं, मुझे इसे कंपेरेटिव डिग्री बनाना था, ध्यान सुनना मेरी बात, कंपेरेटिव डिग्री बनाना था, तो मैंने एनी अदर का इस्तेमाल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत, कोई समझ गया, सबको आ गई बात समझ में? बेटा सब लोग फटाफट से रॉजर देंगे, एकदम गोली की स्पीड से, गोली की स्पीड से रॉजर आ जाना चाहिए। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? चलो जल्दी बताओ। ओके आगे देखिए जरा, द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर देन एनी अदर और एनी, जल्दी बताओ, द गंगा इज सेक्रेड, जल्दी बोल मेरी जान। हाँ जी बिल्कुल, एनी अदर आएगा, बिल्कुल सही बात, यहाँ पर देखें एनी अदर आएगा, बिल्कुल सही बात, हो गया काम का। आगे देखिए, अगर मान लो किसी का कंपैरिजन करा जा रहा है, ठीक है ना, सुपरलेटिव डिग्री के साथ करा जा रहा है, तो क्या अदर आएगा यहाँ पर? नहीं आएगा, अभी पढ़ाया था ना, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो हम अदर जैसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते, यही बात बोल, जल्दी बताओ, सिंपल सा जल्दी बताओ, बोलो मेरी जान, समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो 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 जल्दी, बिल्कुल बात, सही बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अगला देखिए, अगर दो पर्सन है और थिंग्स हैं कंपेयर करी गई है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट सेम पार्ट ऑफ थिंग्स शुड बी कंपेयर, मतलब द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली, सुनो मेरी बात ध्यान, क्या, द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, ये क्या हुआ, यहाँ पर देन के बाद दैट लगा दिया, ऐसे कैसे? ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर दो इंसान और थिंग्स कंपेयर करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है कि सेम पार्ट ऑफ थिंग्स शुड बी कंपेयर, कि सेम चीज ही कंपेयर करी जाए, ठीक है ना? तो जब ऐसा कुछ होता है, ठीक है ना, जब आप पॉपुलेशन की बात बात कर रहे हैं, आप सेम चीज को कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप खाली देन दिल्ली नहीं करेंगे, आपको एम्फसाइज करना पड़ेगा ये जो दैट आ रखा है ये पॉपुलेशन के लिए आ रखा है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएं जरा, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, माई शर्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ योर, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, दोबारा दिखाता हूँ मेरी बात ध्यान, अगर दो पर्सन और थिंग्स को कंपेयर करा जा रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट सेम पार्ट ऑफ थिंग्स शुड बी कंपेयर्ड, सेम चीज को कंपेयर करा जाए, इसलिए हम जब भी ऐसा होता है जब सेम चीज को कंपेयर करते हैं तो उस चीज को एम्फसाइज करने के लिए हम दैट का इस्तेमाल कर दे, क्लियर है? और यहाँ पर योर्स का केस एक एक्सेप्शन केस समझ लो, कि भैया अगर मान लो आप यू ना लगाओ, खाली योर्स लगाओ, तो भी वो ओके माना जाएगा, क्लियर है? बिल्कुल सर, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल, वेरी गुड। आगे देखें जरा, डबल कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव शुड नॉट बी, क्या मतलब है? एग्जाम्पल देखिए, ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय, ठीक है, और यहाँ पर लिखा ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, ये क्या चीज़? बोलो बोलो समझ में आई क्या? नहीं आई, नहीं आई, देखो ई एस टी लगा हुआ है, ये सुपरलेटिव डिग्री, ये सुपरलेटिव डिग्री है, और मोस्ट लगाना भी सुपरलेटिव डिग्री, या तो मोस्ट का इस्तेमाल करो या क्लेवरेस्ट का, दोनों इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके सामने आपको करेक्ट फॉर्म क्या था, ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द, ठीक है ना? अगर किसी की सुपरलेटिव डिग्री होती है, जैसे मैं कहूँ गुड बेटर बेस्ट, ठीक है ना, तो उसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो मैं क्या कहूंगा, द बेस्ट, ना कि द मोर बेस्ट या मोस्ट बेस्ट, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बताएं, क्लियर हो रही है बात? क्वेश्चन करके दिखाएं, जल्दी से क्वेश्चन करके दिखाएं, बोलो फटाफट तेजी से बोलो, नहीं, ओके ग्रेट, सभी को बात समझ में आ गई, कोई ऐसा तो नहीं इसको डाउट रहेगा, बेटा जल्दी बता दो, ये सही है क्या, क्या ये सेंटेंस सही है? जल्दी बताओ ये वाला, और अच्छा क्वेश्चन है रे बाबा, एग्जाम में आया है, जल्दी बोलेंगे, जी हाँ द बेस्ट हो, द बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, देखिए जब जैसे वर्ड हो सीनियर, सीनियर वर्ड अपने आप में कंपैरिजन के लिए होता है, ही इज सीनियर टू मी, समझ लो सीनियर में अपने आप में ही कंपैरिजन फॉर्मेट होता है, ये भी मैं अपनी पेड क्लास में बता चुका हूँ और ये एग्जाम में भी आ चुका है, सीनियर देन मी नहीं होता, सीनियर टू आता है, क्लियर है? ऐसे बातों को याद रखें, जैसे इन्फीरियर, सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, ये सारे वर्ड्स अपने आप में कंपेरेटिव डिग्री रखते हैं, देन इनके अंदर रगों में बसा होता है, तो आपको देन का इस्तेमाल नहीं करना होता, आप टू का इस्तेमाल करते हैं। जरा देखिए जरा, आई प्रिफर टी टू कॉफी, आई प्रिफर टी देन कॉफी, प्रिफर में क्या छुपा है, देन छुपा है, तो वो देन नहीं लेगा, वो टू लेगा, शी इज एल्डर, ई आर आ रहा है देखो ऑलरेडी, देन नहीं आएगा टू आएगा,
क्लियर है, जरा वर्ड ध्यान से देख लीजिए, जूनियर, प्रायर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर, ये सारे वर्ड, इन्फीरियर, सुपीरियर, क्लियर है, समझ मेरी बात, अभी बताओ। हाँ, आई प्रेफर टी टू कॉफी, क्लियर है, वेरी गुड। ये ना मुझसे ना किसी लड़की ने ना सवाल पूछा था रिसेंट, है यहाँ पर इस क्लास में, वो आई थी, उसने मुझे व्हाट्सएप पर सवाल पूछा था, सर इस सेंटेंस में गलती क्या है, इट इज द मोस्ट यूनिक थिंग। बेटा जो यूनिक जैसे वर्ड होते हैं, यूनिक, परफेक्ट, एंटायर, एक्सट्रीम, जो अपने आप में सुपरेस्ट फॉर्म, मतलब सुपरलेटिव फॉर्मेट में बता रहे हैं कि इससे ज्यादा अलग तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो उसमें ना मोस्ट वर्ड नहीं आता है, क्लियर है, इट इज द यूनिक थिंग, इसमें दा भी नहीं आएगा, इट इज द यूनिक थिंग आएगा, क्योंकि यूनिक अपने आप में ही सुपरलेटिव फॉर्मेट है ऑलरेडी, उसको किसी को सुपरलेटिव बताने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जरा देखो क्वेश्चन, मुझे किसी ने पूछा भी था और ये सीरियस में आया भी है, कोई है लड़की जो उसने पूछा था, बेटा गदर जाएंगे, 10:55 की है टिकट, करा ली मैंने तुमसे बात, पढ़ाते पढ़ाते, गदर जाएंगे, जाएंगे आज, गदर, गदर आज होकर आएगा, गदर तो आज जाएंगे, कोई दिख कर आएगा गदर कहाँ यार, तुम सीरियस देखो, सीरियस फोकस करो, सीरियस पे, मूवी नहीं देखनी, कोई मूवी नहीं देखेगा, बता दिया मैंने, मैं देखूंगा, मैंने निकाल लिया एग्जाम, मेरा मेरा हक बनता है खाली, तुम्हारा कोई हक, जल्दी बताओ, देर वो द गर्ल, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अगर व्हाट्सएप पे मेरे पास पड़ा होगा ना, लड़की का मैसेज आया था एक आध दिन पहले ही आया था, चलो अगले कंसेप्ट पे चलते हैं, मीन बाय मिल जाएगा अभी। हाँ देखो, नंदनी का आया था, मेरे नंदनी का मैंने उसको यही जवाब, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है ये ना, तो प्लीज बात को ध्यान जरूर, ठीक है, समझ में आ गई बात, हाँ क्या बात, चलिए ओके, जरा देखिए जरा, ये एक ही है जो कि एक लड़के की बारे में बात हो, उसके बारे में कोई बात करी जा रही है, उसके बारे में कोई बात करी जा रही है, आपको ये बात बताना है कि यहाँ पर ये वाला सेंटेंस सही है कि, जरा देखिए, ऑल द एडजेक्टिव व्हिच रेफर टू द सेम नाउन शुड बी इन द सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन, समझ, ही इज द वाइजेस्ट एंड द ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस, क्या ये बात सही है, नहीं, इसमें क्या आएगा, ही इज द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस, गेटिंग अ पॉइंट, ऑनेस्ट की भी आपको सुपरलेटिव डिग्री बनानी पड़ेगी तभी ओके है, खाली दा लगाने से काम नहीं चलेगा, वाइज का वाइजर होता है फिर वाइजर्स होता, तो हमने क्या यूज किया, हमने वाइजर्स, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताएं, बताओ इसमें क्या गलती है, क्या यहाँ पर कुछ आना चाहिए था, जल्दी बताओ, कुछ ऐसा आना चाहिए था, बोलो जल्दी, बोलो जल्दी, जल्दी बोलो, बोलो, क्लियर है, सबको समझ में आया, आगे चलते, क्लियर है, आगे देखते हैं, रूल नंबर 53, वो कहता है कि जो एल्डर और एल्डेस्ट होता है वो उस पर्सन के लिए यूज होता है, शुड बी यूज फॉर द पर्सन, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग दे आर यूज फॉर द मेंबर ऑफ द फैमिली, अगर आपके घर के मेंबर हैं तो आप एल्डर का इस्तेमाल करोगे, अगर मान लो आप कहते हो आप शुभम वाचने से बड़े हो तो आप ओल्डर का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि मैं आपका फैमिली मेंबर नहीं हूँ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अगर मैं आपका फैमिली का मेंबर हूं तो आप एल्डर वर्ड का इस्तेमाल करोगे, और अगर मैं फैमिली का मेंबर नहीं हूं, मेरी उम्र आप बताना चाहते हो छोटी बड़ी है, तो आप ओल्डर का इस्तेमाल करेंगे, जरा देख, जल्दी बताओ, बोलो मेरी जान, जल्दी बोलो, समझ गया, ओके क्वेश्चन देखो, जी हाँ सर, यहाँ पर आप एल्डर कर दो, बिल्कुल सर, समझ में आ जाए, बहुत बढ़िया बात है, यही हम चाहते थे कि आपको जल्दी समझ में आ जाए, आगे चलें, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है, बहुत, अब आते हैं 54th रूल पे हमारे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझेंगे, टू मॉडिफाई अ वर्ब, अगर आप एक वर्ब को मॉडिफाई करना चाहते हैं, एन एडजेक्टिव और एन अदर वर्ब, टू मॉडिफाई अ वर्ब, अगर आप वर्ब को मॉडिफाई करना चाहते हैं, एन एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब वी यूज एन एड, मतलब क्या है इसका, ध्यान बात बच्चे, इसका मतलब क्या, जैसे ऐसे लिखे, शी राइट वेरी केयरफुल, गलत, शी राइट वेरी केयरफुली, अगर आप एक टू मॉडिफाई वर्ब करना चाहते हैं, वर्ब को अगर मॉडिफाई करना, एक एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब को वी यूज एन एड, जरा ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान, सिंपल भाषा में दो तीन बातें, मैं देखो पहली बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आराम तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, जब भी तुम वेरी वर्ड का इस्तेमाल, तो तुम एलवाई जरूर लगा लेना, एडवर्ब लगेगी, वेरी के तुरंत बाद एडवर्ब लगेगी, ये बात तो सिंपल, क्या मेरी बात समझ आ रही है, ठीक है ना, अब जरा मेरी बात ध्यान सुनो, अगर मैं वर्ड कहता हूँ केयरफुल, तो मुझे बताओ केयरफुल क्या है, वो एक एडजेक्टिव है, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो, कभी भी वेरी जो कि अपने आप में एक एडवर्ब है, वो दोबारा एडजेक्टिव नहीं ले सकता, ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूँ मेरी जान बच्चे, आपको ये राज मैंने अपने आज तक ऑफलाइन क्लास में या पेड क्लास में ही राज रखा है, ध्यान सुनना मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोई एक सेंटेंस होता है, कोई एक सेंटेंस होता है, तो उसमें जो एडजेक्टिव आता है ना, वो हमेशा वर्ब और एडवर्ब के बीच में आता है, ठीक है, अगर तुम एडवर्ब के बाद कुछ लगाना चाहते, ना तो वर्ब लगा सकते हो और ना ही एडजेक्टिव लगा सकते, आप लगा सकते हो सिर्फ एडवर्ब, ये नहीं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताएं, कोई दिक्कत, बोलो बालक बोलो, जल्दी बोलो, क्वेश्चन देखो जरा, क्वेश्चन जल्दी बताओ, टफ क्वेश्चन, ओके, अरे तुमने आंसर नहीं दिया है, तुमको समझ में आया कि नहीं आया, तुमने बताया नहीं, वन के बी में गलती है, वन का बी क्या होगा, ये वाले में गलती, और सेकंड वाले में थर्ड में गलती, थर्ड में, दे टोल्ड अस दैट मैंगो टेस्ट वेरी नहीं है, वेरी एडवर्ब आना चाहिए, वेरी स्वीट, दे टोल्ड अस दैट मैंगो टेस्ट ओके एलवाइन, ठीक है, बात समझ में आ रही है, बिल्कुल, रूल क्या था कि अगर एडवर्ब का इस्तेमाल पहले हुआ है तो एडवर्ब द्वारा आएगा, एग्जेक्टिव नहीं आ सकता, और यहाँ पर ऐसा दोनों में कुछ भी नहीं, यहाँ पर इससे पहले कहीं भी एडवर्ब का यूज नहीं, एडवर्ब यहाँ पर ऐसा कुछ, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया, आगे देखें जरा, टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड एंड इज यूज विद अनप्लीजेंट एग्जेक्टिव, जरा देखिए, आई एम
टू ग्लैड टू मीट, आई एम वेरी ग्लैड टू, एक सेकंड एक गड़बड़ है, प्लीजेंट क्यों लिखाया, प्लीजेंट करना पड़ेगा आना, एक छोटी सी गलती। हाँ जी, टू मींस मोर देन रिक्वायर्ड, इट इज यूज विद द प्रेजेंट एडजेक्टिव, जैसे आई लव यू टू, ठीक है, आई एम ग्लैड टू मीट यू, ठीक है, बात समझ में आ रही है। यार इसमें कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, मैं गलत पढ़ा रहा हूँ क्या? एक सेकंड बेटा, एक ओके ओके, नहीं नहीं मैं गलत पढ़ा था, मैं गलत पढ़ा था, सॉरी सॉरी। ओके, ध्यान सुनिएगा, आप जो पता नहीं आपने शायद YouTube पे भी ऐसी रील वील देखी होगी, मैं आपको याद दिला देता हूँ, कभी भी टू का इस्तेमाल पॉजिटिव चीजों के साथ नहीं होता है, टू का इस्तेमाल पॉजिटिव चीजों के साथ नहीं होता है। आप बोल देते हैं आई लव यू टू, बट ये गलत है एक तरह से सेंटेंस, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ये गलत है, इस बात को भूल जाए। जैसे मैं कहूँ माई बैट मेरे साथ भी बहुत बुरा हो, तो ये ठीक है, ठीक है ना, बट कभी भी पॉजिटिव सेंटेंस के साथ टू का फ्रेमिंग नहीं आता। जब भी आप किसी पॉजिटिव चीज के साथ टू का सेंस देना चाह रहे हैं, स्पेशली स्पेशली आपकी आपके आने वाले अगले चीज के साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टू ग्लैड, तो मैं जानना चाहूंगा ग्लैड है क्या? ग्लैड एक एडजेक्टिव है, ध्यान सुनो मेरी बात, ग्लैड एक एडजेक्टिव है, और इसको अगर डिफाइन करना है तो वेरी के साथ डिफाइन करना, क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए शी इज टू ब्यूटीफुल और शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो वेरी आएगा यहाँ पर, टू नहीं आएगा, टू आता है नेगेटिव चीजों के साथ, माई बैड टू, क्लियर है? इस बात को याद रखें, ये आपके एग्जाम में आने वाली चीज, टू बैड टू हैंड, टू बैड टू हैंड, क्लियर है? कहीं भी नेगेटिव आएगा वहां टू का इस्तेमाल करते हैं, और जहां पॉजिटिव सेंस आएगा तो वहां वेरी का इस्तेमाल करते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएं क्लियर है नहीं क्लियर है, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएं क्लियर है? हाँ सर, बात तो समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। एक मिनट बेटा, एक सेकंड, मैंने एक चीज में 54 रूल में एक चीज क्रॉस चेक करना, एक सेकंड। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मुझे नहीं याद आपको ये बात याद है कि नहीं याद है, पर मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए। देखिए आई एम गुड, आई एम गुड, बताओ गुड क्या है? एडजेक्टिव है कि एडवर्ब, जल्दी बताओ एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? जल्दी, एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है? सर एग्जेक्ट, आई एम ब्यूटीफुल, ये बताओ ये क्या है? सर ये भी एग्री। अब मैं कहूँ आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी, अब मेरे को ये क्या है? सर ये एक एग्री क्या है? ये एक, समझ लो मेरी बात, ये एक एडवर्ब है, मेरी बात ध्यान सुन, एडवर्ब के बाद एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब के बाद एडवर्ब आ सकता है, बट वेरी के बाद जो कि एक एडवर्ब है उसके बाद अगर कोई एडवर्ब आना है तो, सॉरी अगर कोई एडजेक्टिव आना है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जैसे टू ग्लैड नहीं आएगा, वेरी ग्लैड, टू हैप्पी नहीं आएगा, वेरी हैप्पी, टू प्लीजेंट नहीं आएगा, वेरी हैप्पी, वेरी प्लीजेंट, टू हेल्थी नहीं आएगा, वेरी हेल्थ, ऐसे आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएं, आखिरी बात तो जल्दी बताएं, क्लियर है? हाँ, अगर आप वेरी लगा रहे हैं तो उसके बाद एक पॉजिटिव एडजेक्टिव ही लग सकता है, नेगेटिव एडजेक्टिव नहीं लगेगा, क्लियर है? अगर आप कुछ और बताना चाहते हैं, जैसे मैं कहूँ वेरी केयरफुली, तो केयरफुली क्या पॉजिटिव है? नहीं, केयरफुली नेगेटिव है, तो नेगेटिव के केस में आप एडवर्ब लगा देंगे। दोबारा बोलता हूँ, ध्यान सुन लो मेरे बच्चे, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना। अगर आप वेरी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद आप पॉजिटिव एडजेक्टिव ही लगा सकते हैं, अगर आपको नेगेटिव लगाना है तो आप एडवर्ब लगाएंगे। जैसे मैंने कहा केयरफुली, यहाँ पर ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ बच्चे? जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे। हाँ, डू का मतलब कुछ तो गड़बड़ है, वेरी डू का मतलब गड़बड़ है। आगे चले, 55 हो गया, 56। अच्छा क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन जरूर, प्यार से बोलो जय माता दी, हंस के बोलो जय माता। अभी मेरे को बताओ तुम में इतनी ताकत है कि तुम 1 घंटा और बैठ, जल्दी मुझे क्लियर करो, खामा खामा समझाने में मैं आ नहीं रहा हूँ, मैं एक क्लास अर्ली मॉर्निंग भी ले सकता हूँ, बट मेक श्योर की ताकत हो। देखो जरा, अ सेंटेंस विच इज बेस्ड ऑन टू और टू फॉर्मेट, वी कैन नॉट रिप्लेस टू विद सो दैट, इफ यू रिप्लेस टू विद सो दैट टू ऑल्सो मस्ट बी, अगर मान लो एक सेंटेंस दो जगह टू टू आ रहा है, इधर भी टू आ रहा है और इधर भी टू, तो हम उसे रिप्लेस नहीं कर सकते, बट मान लो एक जगह टू आ रहा है और एक जगह सो दैट आ रहा है, तो हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा कि टू और सो दैट एक साथ नहीं हो, ही इज टू वीक सो दैट ही कैन नॉट, गलत है। कायदा क्या है, अगर टू आ रहा है, अगर मैं कह रहा हूँ टू आ रहा है, टू भी आएगा, मुझे बताओ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ सकता है क्या? क्या यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आ सकता है? जल्दी बताओ, तो वीक था तो टू लगा दिया, स्ट्रॉन्ग आ सकता है क्या? जल्दी बताएंगे, पर जो मैं क्लास लूंगा कल मॉर्निंग में नहीं लूंगा, मैं मंडे को लूंगा सीधे, फिर मंडे को लूंगा क्लास, फिर जल्दी बताओ 60 तक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम, राधिका कह रही है नो सर अभी कर कर आगे, कह रही है कि डन मंडे, फिर 1 घंटा बैठना पड़ेगा तुम। भावना रावत कह रही है मंडे मॉर्निंग डन सर, फिर जितना पढ़ाया उतना रिवीजन कर लेंगे। ओके, नोट्स, यार मैं सोच ये रहा था कि सारे एक साथ खत्म कर दूं फिर नोट्स। देखो ऐसा है, मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे पास क्या क्या पेंडिंग, मेरे पास ज्योग्राफी पूरी पेंडिंग पड़ी, मेरे पास ना एफकैट की वीडियो, पता है तुमने नोटिस की कि नहीं, मैंने बनाई थी पर मैं डिलीट कर दी, उसमें ना दो तीन शुरुआत के वर्ड गलत हो, ये पेंडिंग पड़ा है, फिर मेरे पास इकोनॉमिक्स पेंडिंग पड़ा है, और फिर मेरे पास वो पड़ा पेंडिंग, क्या पड़ा गया ये ग्रामर, और मेरे पास एक करंट अफेयर की क्लास पेंडिंग पड़ी है, एक नहीं दो, और मेरे पास क्या पेंडिंग पड़ा है, और एक ग्रामर हो जाए, एक दो चार चार पांच क्लास हो नहीं पाएगा यार, आज ही खत्म। हिस्ट्री नहीं कराऊंगा यार, साइंस देखो, हाँ साइंस पेंडिंग, साइंस
हिस्ट्री नहीं कर, आज ही खत्म, आज ही खत्म, तुरंत 2 मिनट ब्रेक ले लें, 2 मिनट ब्रेक ले लो, बट खत्म आज ही, रहे कमर सीधी काम। मच टू इज फॉलोड बाय अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, वेयर इज टू मच इज फॉलोड बाय नाउन। जरा समझते हैं, अगर मैं कह रहा हूं मच टू, तो मैं दर्द की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव सेंस की बात करूंगा तब। अगर मैं कोई पॉजिटिव बात कर रहा हूं तो मैं टू मच लगाऊं। क्या मेरी बात समझाए, दोबारा बोल रहा हूँ ध्यान सुने। अगर मैं मच टू की बात कर रहा हूं तो मैं नेगेटिव सेंस में बात कर रहा हूँ, और मैं अगर टू मच की बात कर रहा हूं तो मैं पॉजिटिव सेंस में बात करना चाहूंगा। जरा ध्यान से देखिए, जरा अगर मैं यहाँ पर टू मच इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या ये नेगेटिव है, और मच टू होता है पॉजिटिव के साथ, तो मुझे बताओ राइट आंसर। बोलो जल्दी 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 बोलो। बेटा यूपीएससी मोटिवेशन अभी आने वाली हो, आएगी बेटा। चले आगे। क्वाइट एंड ऑल आर नॉट यूज टूगेदर, क्वाइट और ऑल का इस्तेमाल एक साथ हम बोल देते हैं बट गलत। ही इज क्वाइट ऑल राइट, गलत जवाब। ही इज क्वाइट राइट, ऑल राइट, इट्स ओके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी बोलो बेटा। वॉल्यूम इससे ज्यादा वॉल्यूम तेज हो नहीं सकती, जहां तक मुझे पता है। सबको वॉल्यूम ठीक आ रही है बेटा? मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड, डोंट वरी, इस क्लास के खत्म होते ही आपको लिंक ना कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अभी आप टेंशन मत ली, हो सकता है आपको देखने में दिक्कत हो, मिलने में दिक्कत हो, टली ठीक है ना। जरा क्वेश्चन बताएं, जरा यहाँ पर कौन सा सही है, वन या टू, जल्दी बताएंगे। वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू, जल्दी बताएंगे। बोलो मेरी जान, जल्दी बताएंगे। सर जी यहाँ पर ऑल नहीं आएगा, ऑल नहीं आएगा, यहाँ पर भी ऑल नहीं, बिल्कुल सही। आगे देखें जरा। ए एन फेयरली एडजेक्टिव प्लस नाउन, या ऐसा हो रेदर प्लस ए प्लस एडजेक्टिव। सर क्या कहना है, समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना है, समझ। ओके, अ फेयरली गुड बुक, रेदर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, वी कैन नॉट यूज अ प्लीजेंट एडजेक्टिव विद रेदर। अगर अच्छी बात कर रहे हैं आप, तो आप कोई रेदर का इस्तेमाल नहीं करें। वही, ओ सॉरी गलत बोल गया, उल्टा बोल गया, सॉरी सॉरी। अगर आप किसी प्लीजेंट चीज की, अच्छी चीज की बात कर रहे हैं, अच्छी चीज की बात कर रहे हैं, तो आप रेदर का इस्तेमाल करें। यार मैं पागल हो गया हूँ, मैं सच, पहले मैं सही बोल रहा था, अब मैंने कुछ और बोला, एक ठीक है सही बोल रहा था पहले। हाँ तो किसी भी प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ, अच्छी चीज के, गुड चीज के साथ, जैसे गुड आ गया ठीक है ना, उसके साथ रेदर का इस्तेमाल नहीं, ठीक है। और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ फेयरली का इस्तेमाल नहीं। बात समझे मेरी बात, जरा ध्यान से देखिए। जरा यहाँ पर देखिए, जो किताब है, क्या इसकी तारीफ हो रही है? हाँ हो रही है। तो रेदर का इस्तेमाल नहीं, मतलब फेयरली का इस्तेमाल हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? रेदर वर्ड यूज होता है नेगेटिव के लिए, नेगेटिव सिचुएशन के लिए, और वहीं फेयरली इस्तेमाल होता है पॉजिटिव के लिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर क्या बात, समझ में तो आ रही, क्लियर है। हाँ। अगला देखिए जरा। शी इज द रेदर अ हैप्पी गर्ल नो एरर, ही इज अ फेयरली बैड पर्सन नो एरर। जल्दी बताओ, बहुत ही आसान है दोनों। यहाँ रेदर नहीं आएगा, यहाँ फेयरली आ जाएगा, और यहाँ फेयरली की जगह रेदर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ क्या जाएगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी आंसर बताएं बाबा, आप भी इस बात से यकीन रखते हैं, जल्दी आंसर बोलो, जल्दी बोलो। अच्छा एक बात तो बताता हूँ, अगर मान लो आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप या मेरे से मिलना हो, तो आप इस नंबर पे लिखना हाय। हाय लिखते ही आपके पास ऑप्शन आएंगे, उसके बाद लिखना टेलीग्राम, तो भी आपको टेलीग्राम का लिंक, ठीक है ना। और कोई बात, आगे चलते हैं। आगे देख, एनफ 68 वर्ड, एनफ व्हेन यूज एज एडवर्ब इज प्रिसीडेड बाय अ पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव और एडवर्ब। जरा देखिए जरा, एग्जांपल इनकरेक्ट, ही इज ग्रेटर एनफ टू पार्डन, ही इज ग्रेट एनफ टू पार्डन यू। बात समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप एनफ जैसा वर्ड यूज कर रहे हैं, जब आप एनफ जैसा वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उससे पहले पॉजिटिव डिग्री वाला एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा, ना ही सुपरलेटिव का ही, ना ही कंपेरेटिव डिग्री का। तो ग्रेटर यूज नहीं होगा, ग्रेट शब्द का इस्तेमाल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ग्रेटर शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा, ग्रेट शब्द का यूज होगा, क्योंकि एनफ आ गया। क्लियर है? जल्दी बताएं, आपके सामने दो क्वेश्चन है, फटाफट से बताएं इस केस में क्या गलती, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आगे आंसर बेटा, मोर हैंडसम नहीं आएगा, हैंडसम आएगा खाली, बेटर नहीं आएगा, गुड आएगा। नो एरर कैसे कह रहे हो बदतमीज आदमी, बताया था ना, एनफ से पहले, एनफ से पहले आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं, कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप सिर्फ पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल ही करते हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, अगर मैं कहूँ गुड बेटर और बेस्ट, तो पॉजिटिव डिग्री क्या हुई, गुड हुई, यहाँ पर आएगा गुड। क्लियर है? जल्दी बताएं, कैसे गलती कर रहे हो बदतमीज हो, बोलो। आ गया समझ में, सबको आ गया? हाँ सबको समझ। अगला देखिए 61, अगर दो नेगेटिव कैंसिल कर रहे हैं ईच अदर को, एक दूसरे को, हेंस टू नेगेटिव शुड नॉट बी यूज इन द सेम सेंटेंस। समझो मेरी बात, आई हैव नॉट गॉन नन, ये गलत है, ये समझ ही नहीं आ रहा है। अगर आपको दो नेगेटिव यूज करने पड़ रहे हैं, तो सेंटेंस में गड़बड़ है, आप सिर्फ एक का ही इस्तेमाल करें। आई हैव नॉट गॉट एनी, मुझे कुछ नहीं मिला है, कहना ये भी यही चाह रहा है कि मुझे कुछ नहीं मिला है, बट भैया नन की वजह से नहीं हो पा रहा। क्या मेरी बात क्लियर है? आई हैव नॉट गॉन नन की जगह होगा आई हैव नॉट गॉट, या आपको लिखना चाहिए था आई हैव गॉट नन, आई हैव गॉट नन, तो भी सही था। बट दो नेगेटिव एक साथ एक ही सेंटेंस में नहीं आ सकते, दो नेगेटिव एक साथ। जल्दी बताएं कौन सा सही है इसमें, क्या सही है क्या गलत है, जल्दी बताओ। कंसेप्ट समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलो सेंटेंस बताओ। ही हैज नॉट डन नथिंग, ही डिड नॉट टॉक अबाउट नोबडी। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बड़े। 62 क्या कहता है, ध्यान से नजरें एकदम स्क्रीन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 200 300 400 500 बार आ रखा है, ध्यान सुन। एट प्रेजेंट, ध्यान सुनना मेरी बात, एट प्रेजेंट मींस एट द प्रेजेंट टाइम,
एट प्रेजेंट का मतलब होता है कि इस समय अभी हुआ है, प्रेजेंटली का मतलब होता है शॉर्टली, जल्दी ही होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जरा समझे। नथिंग मोर कैन बी डन प्रेजेंट, क्या ये सही है गलत है? नथिंग मोर कैन बी डन एट प्रेजेंट, अभी कुछ नहीं होता है, क्लियर है? जरा सेंटेंस देखिए, पढ़ के बताइए, क्या यहाँ प्रेजेंटली आएगा, क्या प्रेजेंट आएगा, क्या आएगा? जल्दी देखिए, बोलो मेरी जान, जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी 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 जल्दी। 61 में तो दो बेटा कैसे पॉसिबल? अच्छा, ऐसे एक बच्चे ने पूछा है कि सर मुझे कैसे पता लगे कि मुझे नॉट को हटाना है कि एनीथिंग। देख, शी हैज नॉट डन एनीथिंग अबाउट इट। यहाँ तक तो सेंटेंस प्रॉपर ठीक है ना? ठीक है, तो इसलिए हम एनीथिंग, तो आप थर्ड, ठीक है ना, आगे आ गए, ये हो गया। जल्दी बताओ, सभी को समझ में आया कि नहीं आया प्रेजेंट और प्रेजेंटली का कंसेप्ट? जल्दी बताओ, सबको समझ में आया? वेरी गुड सर, क्यों? आगे देखो जरा, हार्ड का मतलब होता है डेलीगेट, सॉरी डिलीजेंट, ठीक है ना, आराम से करना भैया काम, ठीक है ना। हार्डली का मतलब होता है बहुत कम चांस, ठीक है ना। इन सब में ना एक बात समझो, एक बात कि इसकी जो मेन बेसिक फॉर्म है ना वो हार्डी है, प्रायर फॉर्म है, उससे कंफ्यूज नहीं होना, समझे। ही ट्राई हार्डली टू विन द रेस, उसने ना शायद ही कुछ मेहनत करी हो, क्या सही है? नहीं। हार्डली का मतलब होता है स्कार्स, चीज की कमी होना। तो क्या कमी है? क्या उसके पास किसी चीज की कमी है? नहीं। अगर उसको कमी दिखानी है तो हार्ड टाइप, अगर उसको कमी दिखा उसको दिखाना है कि कुछ कम है, शी हैज ईटन हार्डली, उसने कुछ ही खाया है, थोड़ा सा ही खाया है, स्कार्स की मतलब थोड़ा सा, क्या होगा? हार्डली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलो, 63 हो गया, 64 पे है। जरा देखो जरा इसमें सही गलत क्या है, जरा फटाफट चेक करो, क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी चेक करो। शी ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत मेहनत करता है। शी हार्डली कम्स टू मी, केयर रेयर, बहुत ही कम में देता है, क्लियर है? ओके, अगला देखिए जरा सवाल, बहुत बढ़िया। ओके, अब जरा हम बहुत डीप में आ गए हैं, 64 देखिए जरा। जो मच होता है ना वो यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल के साथ, एंड एडजेक्टिव एडवर्ब ऑफ कंपेरेटिवली, मतलब जरा समझते ना, मैं एक क्वेश्चन के साथ दिखाता हूँ। देन यूज इज मच सरप्राइजिंग, गलत। मच किसके साथ होता है? पास्ट में यूज होता है, ठीक है ना, पास्ट में। क्या ये पास्ट में? नहीं, ये तो प्रेजेंट में। हटाओ यहाँ से, क्या आएगा? वेरी, क्लियर है? अब जरा यहाँ पर देखिए, आई वॉज वेरी सरप्राइज एट हियरिंग द न्यूज, ये क्या है? पास्ट में। तो क्या वेरी आ सकता है? नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? मच आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मान लो सेंटेंस पॉजिटिव है और वो प्रेजेंट में है तो आपको वेरी का इस्तेमाल करना, और अगर सेंटेंस पास्ट में है और पॉजिटिव में है तो आपको मच का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पॉजिटिव प्रेजेंट मतलब वेरी का इस्तेमाल, पॉजिटिव पास्ट मतलब पॉजिटिव पास्ट मतलब मच का। समझ में आ रही है बात बेटा? टेलीग्राम का लिंक ना इस क्लास के खत्म होते ही मैं आपको पिन कमेंट में डाल दूँ, ठीक है ना। अदरवाइज आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे हाय भेजो, हाय लिखने के बाद वहां पर लिखो टेलीग्राम और आपको मिल, ठीक है ना। समझ में आ गया? जरा बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। वेरी गुड, चलो आगे चलते हैं, सबका रोजर आ गया। आगे देखिए, हार्डली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आया, हार्डली एग्जाम में आए वाला सिचुएशन आया, ध्यान से। हार्डली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है रेयरली, बहुत ही रेयर है। वेयर एज हार्ड इज एन एडजेक्टिव व्हिच मींस टफ या रिजिड। जरा देखिए, इट इज अ हार्डली जॉब आएगा, इज अ हार्ड जॉब आएगा, बहुत ही सिंपल है सर, हार्ड आएगा। जरा यहाँ पर देखिए, ही इज वेरी हार्डली वर्किंग पर्सन, या यहाँ पर पता लगे, यस। तो हार्डली मतलब होता है रेयर, बहुत ही ज्यादा कम होना या रेयर होने को हम कहते हैं, क्लियर है? रेयरली, बात सर, सब बात तो समझ में आ गई। यहाँ पर देखिए हार्डली आए, बिल्कुल रेयर मटेरियल। आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, एगो इज ऑलवेज यूज एज पास इंडेफिनिट टेंस, ध्यान सुनो। एगो जब भी यूज होगा इसमें ये पास्ट में होना चाहिए, क्या ये पास्ट में? नहीं है, इसको पास्ट में कर दिया, हो गया जादू, खत्म कहानी। ये देखो जरा, ये एगो है, ये पास्ट में है क्या? नहीं सर, ये तो प्रेजेंट में है, गड़बड़ है, सही करो इसे, हैव की जगह हेड करो, कहानी खत्म, एग्जाम एग्जाम में निकल गया तुम्हारा, हो गया खत्म, जल्दी बताएं, जल्दी बताएंगे। जी सर, बात तो समझ में आ रही है सर, बात तो आपकी समझ में आ रही है, अभी बात करेंगे। वेरी गुड, आगे देख, जो बेटा पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ध्यान सुनो। यहाँ पर देखो, प्रेजेंटली ही इज इन द रूम, वो प्रेजेंटली अभी रूम में है। अगला देखिए, एट प्रेजेंट ही इज इन द रूम, वो इस वक्त कमरे में है। अब जरा समझते हैं प्रेजेंटली और प्रेजेंट में क्या अंतर है, ये बहुत गड़बड़। एट प्रेजेंट का मतलब होता है इस मोमेंट में, इस वक्त, इस क्षण, समझ रहे हो? और वहीं अगर मैं कहूँ, यहाँ पर मैं कहूँ कांग्या कांग्या, एट प्रेजेंट का मतलब होता है इस मोमेंट में, और इट इज यूज विद द प्रेजेंट टेंस। वेयर एज जो प्रेजेंटली है वो शॉर्टली यूज इन द फ्यूचर एक्शन, जनरली यूज इन द फ्यूचर इंडेफिनेट। जरा ध्यान सुनिए, अगर मैं कह रहा हूँ प्रेजेंटली, तो प्रेजेंटली के बाद की जो भी चीज होगी वो फ्यूचर में होगी। क्या ये फ्यूचर में दिख रही है आपको? नहीं दिख रही है, तो ये नहीं पॉसिबल। वहीं एट प्रेजेंट के साथ ये चीज प्रेजेंट टेंस में होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जरा देख, प्रेजेंटली शी इज कुकिंग इन द किचन, प्रेजेंटली शी विल बी कुकिंग इन द किचन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। एट प्रेजेंट ही इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एट प्रेजेंट की जब भी बात होगी तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे,
वही अगर 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 आपका प्रेजेंटली वर्ड यूज होगा तो हम फ्यूचर की बात करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएं। सिंपल है, प्रेजेंटली मतलब फ्यूचर की बात, एट प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस। क्लियर है? जल्दी बताएंगे सब लोग। बहुत ही बढ़िया। यहां तक अगर सब कुछ सब समझ में आ रहा है तो मुझे फटाफट से रोजा दो। 67 पे आ गए हैं, 3 और कर देंगे 70 हो जाएंगे। थोड़ी देर में 30 क्वेश्चन 30 कंसेप्ट भी हो जाएंगे, कहानी खत्म, हमारे मजे आ जाएंगे। जल्दी बताएं, दो ऑप्शन में कहां एरर है? एक ही में तो एरर है, दो में कहां है? तमीज ध्यान से पढ़ो। हाँ भाई, राधिका देखो कितनी अच्छी फीलिंग समझी है। सर को मूवी देखने जाना है, तुम लोग जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हो, गोली की स्पीड से जवाब दिया करो। गदर में सनी देओल का मेरा इंतजार करेगा कि मैं पंप अब उखाड़ूंगा, शुभम वाचने आ रहा है। हैं? चलिए फटाफट से चलते जरा। अर्ली मीन्स होता है जस्ट आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ एनीथिंग। अर्ली का मतलब क्या होता है? जैसे ही कोई चीज स्टार्ट हुई है उसके बाद की बात। वहीं यहाँ पर जो सून का मतलब होता है कि वो जल्दी ही होगी। सून का मतलब ये है कि ये काम अब जल्द होगा, ठीक है ना? जैसे मैं कहूँ आप मेरे ऑफिस आए और मैं आपको नहीं मिला, तो मुझसे कहा, आपसे क्या कहा जाएगा? सून सर विल कम, जल्दी ही सर आ जाए। क्लियर है? और अर्ली का मतलब है कि सर वहां से निकल चुके हैं, पहुंचने वाले, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, सर लेफ्ट होम अर्ली, ही विल अराइव, अर्ली ही विल अराइव, वो जल्दी पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर रोज ब्लॉसम, जो रोज है वो खिल चुके हैं इस स्प्रिंग के अर्ली में, इस स्प्रिंग की शुरुआत। शी टोल्ड मी दिस सून अर्ली मॉर्निंग। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, फाइंड द एरर। क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चे, जल्दी बताओ। शी टोल्ड मी दिस, उसने मुझे बताया, दिस अर्ली मॉर्निंग या सून, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही जवाब, अर्ली मॉर्निंग इज द राइट आंसर। गदर टम, अच्छा पंप नहीं उखाड़ेगा बेटा, तूने मेरी जिंदगी बहुत दुख कर दी, क्या उखाड़ेगा वो। ओके, अगला देखिए। द सेंटेंस विल स्टार्ट विद द सेल्डम। जो कुछ सेंटेंस है जो सेल्डम से, नेवर से, हार्डली से, रेयरली से, स्कार्डली से यूज होते हैं, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, ये आपको हर एग्जाम में दिखेगा। सीडीएस एनडीए एफ कैट के, क्या बोल रहा हूँ, सीडीएस एनडीए एफ कैट के हर एग्जाम में ये दिखेगा, 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 दिखेगा। सुन लो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं, दिखेगा ये, क्या कह रहा हूं मैं। आपको क्या करना होता है, जब भी ये शुरुआत में दिखे तो आपके पास जो ये वर्ब है इसको यहां से उठाना है और यहां पटक देना है। दोबारा बोल रहा हूँ, यहां पर पटक देना है, इसके बाद ये नियम है सर, कंफर्म है, नियम है, ऐसा ही होता है। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में हार्डली, रेयरली, स्कार्सली आता है, मैक्सिमम टाइम जो आपके एक वर्ड आता है वो हार्डली आता है, चेक कर लेना, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। 2017 में मैंने पेपर दिया था, उसमें चेक करना, उसमें भी आया, 2017 के सेकंड पेपर में भी आया था, शायद 18 में भी आया, चेक करना। ये पहली बार ना मेरे जो बड़े भैया है उन्होंने बताया था, बेटा ये कर ले ध्यान से, ये आएगा। आगे देखें बेटा, बच्चे आप 10th में हो, 9th में हो, 8th में हो, आपको इस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो आप। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके। अरे देखिए, नेवर आई विल टॉक टू हिम, क्या यहाँ पर नेवर आएगा खाली? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, मैं सो जाऊंगा अगर तुमने अगर गोली की स्पीड से जवाब नहीं दिया, मैं तुरंत सो जाऊंगा, तुरंत बोल। यस, नेवर विल आएगा, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर बताया, बताया आपको, हार्डली के आगे हेड आ जाए, बॉस। ओके, ध्यान सुनिए मेरी बात, जब आपके सामने सेंटेंस में हेयर, देयर, अवे, आउट या कुछ भी हो, सुन लो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ भी हो तो उसका मतलब क्या है कि जो उसकी मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, जो मेन वर्ब है वो उठ के यहाँ आ जाता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल सही बात। जरा देखें जरा, अरे ये दो दो क्यों दे रखे, एक सेकंड गड़बड़। ओके ध्यान से देखिए, ये दो दो गंदे हेयर द बस कम्स। ओके अच्छा, ये दो ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर वन है, अब मैं सुन, और ये ऑप्शन नंबर आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही? ये ऑप्शन ऐसे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर वन और ये ऑप्शन नंबर, बताओ ये क्या कह रहा है? या तो आप मुझे ये बताओ, ये वाला फॉर्मेट सही है, ये वाला फॉर्मेट सही है, या ये कह रहा है ये लो और ये वाला फॉर्मेट, जल्दी बताओ, इसमें ये वाला फॉर्मेट ठीक है या ये वाला फॉर्म, जल्दी बताओ। यस, इन क्वेश्चन नंबर वन ए इज द राइट आंसर, वन का वन इज द राइट आंसर, वन का वन इज द राइट आंसर, एंड यहाँ पर इनडोर के साथ। क्लियर है? अब जरा मेरी एक बात सुनो, मैंने पहले नहीं बताया था, आप सुनो कैसे होगा। मान लो इनमें से कोई एक वर्ड आ रखा है, फॉर एग्जाम्पल आउट गोल, तो ऐसा भी हो सकता है आउट के बाद मेन वर्ब लगा दूं मैं, या ऐसा भी हो सकता है आउट के बाद मैं ऑक्सिलरी वर्ब लगाऊं, या ये भी हो सकता है कि मैं आउट के बाद ऑक्सिलरी प्लस मेन वर्ब लगाऊं, ये भी हो सकता है, समझ लो, इनमें से किसी के साथ कह रहा हूं मैं, इनमें से किसी के, समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? बोलो मेरी जानेमन, जल्दी बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 70 पे आ गए हम, बात यहाँ पर क्या होता, हेयर कम्स द बस राइट आंसर होता, क्यों? हेयर के बाद क्या आएगी? मेन वर्ब, मेन वर्ब आ गई, उसके बाद क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट आ गया बस। क्लियर है? यहाँ पर क्या होता, इंडोर आता, इंडोर के बाद क्या आता, डिड शी प्ले यस्टरडे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ फटाफट। नेशनलिज्म बेटा समझ में आया, अभय सिंह समझ में आया, जल्दी बताओ। क्लियर है सबको समझ में आया? सो वी हैव डेड अप टू 70, नाउ 71 टू बचा है,
और मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। अब मैं ना मोटर चला रहा हूँ अपनी, क्योंकि मेरे को देखने जा रहा है गदर। अब मैं रेडी हो गई, गर्दन मैंने कर दी, कॉलर कर लिया मैंने, देखो तुम मेरी जाओ कॉलर ऊपर फॉर्म में आ गया मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 71। 71 क्वेश्चन ये कहता है कि दो कंजक्शन, क्या कह रहे हैं, दो कंजक्शन शुड नॉट बी यूज इन द सेम सेंटेंस। क्या मतलब, जरा देखिए यहाँ पर है, ऑल दो शी वॉज टायर्ड बट शी स्टिल वेंट वर्किंग। ऑल दो क्या है, कंजक्शन है, ध्यान सुनना मेरी बात में क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनना बेटा, नजर का स्क्रीन से हटी तो गड़बड़ हो जाएगी। ऑल दो अपने आप में क्या है, एक कंजक्शन है, ये एक कंजक्शन है ठीक है, और ये वाला भी एक कंजक्शन है। तो मेरी बात ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक ही कंजक्शन का इस्तेमाल करो, दो दो मत। तो हमने ऑल दो का इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद दूसरी कंजक्शन बट नहीं आएगी। जरा आपके सामने क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे, यहाँ पर दो आ रखा है, यहाँ पर कुछ और भी आएगा क्या, जल्दी बताओ क्या यहाँ पर आएगा क्या, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। 30 मिनट्स 30 रूल्स, यस राधा ने बिल्कुल सही कहा, 30 वर्ड में 30 रूल, 23 है, जी हाँ जी नहीं बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पर ऑल द्वारा रखा है, बिल्कुल भी इसका बट नहीं आएगा, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपके सामने जल्दी बताएंगे फटाफट से, यहाँ कह रहा है ध्यान सुनना, अगर बोथ का इस्तेमाल करा है, बोथ का इस्तेमाल अगर आपने करा है, शुड बी फॉलोड बाय एंड, बोथ के साथ जो आता है वो एंड आता है, ध्यान सुनना मेरी बात। अगर ऐसी ही बात करें, नेगेटिव सेंस में बात करें, तो नाइदर के साथ नॉर आता, नाइदर के साथ नॉर आता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर है बात समझ में आ रही है, हाँ सर हाँ सर। जरा देखें जरा, अगर पॉजिटिव की सेंस की बात कर रहे हैं तो बोथ और एंड आता है, और अगर नेगेटिव की बात करें तो नाइदर और नॉर एक साथ आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर। बोथ रवि एज वेल एज राज, राजा वर प्रेजेंट देयर, गलत जवाब, बोथ के साथ एंड आता है और दोनों पूरा सेंटेंस पॉजिटिव है, तो ये ऐसे ही होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, दोबारा बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्या बोला ध्यान सुनना बेटा बच्चे, 1 मिनट में एक कंसेप्ट करा रहा हूं मैं, ध्यान सुनो, बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है, क्या आ रहा है, बोथ के साथ एज वेल एज आ रहा है, गलत जवाब। तो बोथ के साथ एंड लगा दो, लगा दिया, आ गया जवाब, खत्म कहानी, जल्दी बताएं। यू कैन हैंडल बोथ रीडिंग एज वेल एज राइटिंग, जल्दी बताएं क्या सही है बेटा, एज वेल एज नहीं आएगा, एंड आएगा, कहानी खत्म, जल्दी बताएं, चलो आगे चलो। आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, शुड बी फॉलोड बाय द सेम पार्ट ऑफ स्पीच। मतलब ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, नजरें नहीं हटनी चाहिए स्क्रीन से, मैंने क्या बोल रहा हूँ, ही नॉट ओनली दिख रहा है लॉस हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। क्या गड़बड़ है इसमें बेटा, इसमें जो है ना टेंस सेम नहीं, टेंस सेम नहीं है, और इसमें ना वर्ब की फॉर्म भी सही नहीं है। देखो जरा, ही लॉस्ट नॉट ओनली, वो खाली हारा है, सॉरी वो खाली उसने हारा कह रहा हूँ, उसका खो गया है क्या, ही लॉस्ट नॉट ओनली हिज टिकट बट ऑल्सो हिज लगेज। फॉर्मेट जरा सेम देखो, जरा ध्यान से देखो, क्या नेगेटिव नेगेटिव सेंस में बात करो, यहाँ पर आपको हिज टिकट फॉर्मेट दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको हिज लगेज वाला फॉर्मेट दिख रहा है आपको, जल्दी बोलो, हाँ सर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सामने लॉस दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है ठीक है ना, यहाँ पर उसके बाद नॉट आ रहा है, फिर ओनली आ रहा है। नॉर्मली आप यहाँ पर देखें ही नॉट ओनली, ये गलत, समझो मेरी बात, मैंने क्या कहा, मेरी बात ध्यान सुनेंगे मेरे बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर नॉट पहले नहीं आएगा, पहले लॉस्ट आएगा उसके बाद नॉट लगाना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, पहले वर्ब आती है, क्या आती है, पहले वर्ब आती है, पहले वर्ब आती है उसके बाद कुछ और आएगा, बात समझ रहे हैं, हाँ सर बात समझ रहे हैं। जरा एक और देखें, जरा क्वेश्चन देखें बराबर, नॉट ओनली शी स्कोल्डेड बट ऑल्सो स्लैप देम, जल्दी बताएं क्या गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, या कोई गड़बड़ नहीं है, जल्दी बताएं, ये कोई गड़बड़ वाला सेंटेंस नहीं है, नो एरर इज द राइट आंसर। नॉट ओनली एकदम सही है, उसके बाद इसने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, देखो सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया है, बिल्कुल सही है, बट ऑल्सो स्लैप्ड, ये एकदम सही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अदर ये वाला देखो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बोल भी जान, सेकंड वाला बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ही इज नाइदर, हाँ यस, यहाँ पर जो नाइदर आएगा ना, यहाँ पर आएगा, ही इज नाइदर पुअर नॉर माइज, क्लियर है। जरा मुझे बता सकता है कोई कि नाइदर क्या है और पुअर क्या है, एक तरह से पुअर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और एडजेक्टिव के आगे उसकी ना वो आ जाती है, कहते हैं एडवर्ब आ जाती है, तो एक तरह से वैसे उस फॉर्म में है। तो याद रखिएगा जब भी नाइदर नॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके आगे ना ये एडजेक्टिव के आगे लगेगा, ऐसे याद रखो, ये एडजेक्टिव क्या गया था भाई, पुअर क्या है उसकी खास बात है, खास बात के आगे लगेगा ना, देखो गरीब क्या है उसकी खास बात है, माइजर मतलब कंजूस, सॉरी कंजूस के आगे लगा है नॉर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही बात सर, बात समझ में आ रही है आप, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रही है। अगला देखिए, नाइदर शुड बी फॉलोड बाय नॉर एंड आइदर शुड बी फॉलोड बाय ऑर, बचपन से लेकर आज तक पढ़ता, बोथ ही शुड नॉट बी कंफ्यूज, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना, ही वॉज नाइदर हिज हैंड और हिज फेस, यहाँ पर बताओ और आएगा क्या, जल्दी बताओ, या नॉर आएगा, सर बचपन से पढ़ता है ना, नाइदर है तो नॉर आएगा यार, सर बात सही, मैं बात सही, बिल्कुल सर, आगे देखिए बताओ इसको आंसर, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी, हाँ जी जल्दी बताओ आंसर, यस सर बिल्कुल सर, आइदर के साथ नॉर कहां से आ गया भाई, और आएगा सर, बचपन से लेके आज तक पढ़ता है। अगला रूल आपके सामने, जब भी आपके सामने नो सुनर आए, ध्यान सुनना बेटा, नो सुनर आए तो उसके बाद क्या आएगा, देन आएगा, देन आएगा, टी एच एन देन आएगा, क्या यहाँ पर देन है, नहीं है, यहाँ पर टी एच ई एन है, गलत जवाब, राइट आंसर क्या होगा, ये होगा, जल्दी बताएं क्वेश्चन फटाफट देख के, फर्स्ट का आंसर क्या होगा फटाफट, बहुत ही सिंपल है, कंजक्शन पे हम आ चुके हैं और आपको कॉपी पेस्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जल्दी बताएंगे फटाफट, टाइम पासिंग करना मेरे साथ, जल्दी बोलो, अरे मेरी टिकट कहाँ गई, जल्दी बताओ भाई, हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है आप स्मार्ट,
स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर THAN आता है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, ये मैं आपको बता चुका हूं, आपको पहले से पता होगा, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ, नई चीज बता रहा हूं। देखिए, अगर आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में हार्डली का इस्तेमाल करते हैं या स्कार्सली का इस्तेमाल करते हैं, तो एक बात का ध्यान रखें, एक बात का ध्यान रखें, सेंटेंस के दूसरे हाफ में, सेंटेंस के दूसरे हाफ में आपका या तो वेन का इस्तेमाल होगा या बिफोर का इस्तेमाल होगा। ध्यान सुने मेरी बात, या तो वेन का इस्तेमाल होगा या बिफोर का इस्तेमाल होगा। जल्दी बताएं, समझ में आ रही है बात, मैं क्या कह रहा हूँ? वेन का इस्तेमाल होता है या बिफोर का इस्तेमाल होता है? जल्दी बताएं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बोलो 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 बोलो, जल्दी बताओ, समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? चलो अगला सवाल देख रहा, क्वेश्चन देखो फटाफट, फर्स्ट सेकंड, जल्दी बताओ, फर्स्ट सेकंड जल्दी बताओ, राइट आंसर क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। ओके, अगला सवाल आपके सामने, बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, आप बिल्कुल समझ चुके हैं बात कि यहाँ पर आपके सामने वेन या बिफोर का इस्तेमाल होता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। चलो अगला सवाल देखिए फटाफट, दैट शुड नॉट बी यूज बिफोर अ सेंटेंस इन अ डायरेक्ट स्पीच एंड बिफोर इंट्रोगेटिव एडवर्ब प्रोनाउन इन द इनडायरेक्ट स्पीच। क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान सुन रहा हूं मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, ये डायरेक्ट स्पीच है, जब आपके पास ये दो कॉमा टाइप के लगे होते हैं ना, ये तो गलती से भी दैट का इस्तेमाल नहीं देखना है। यहाँ पर देखो, दैट का इस्तेमाल कर रखा है, गलत बात है, छी छी छी, गंदी बात। तो यहाँ पर आपको दैट हटाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमा ऐसे लगाने पड़ेंगे। इसे हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, गलती से भी दैट नहीं लगाना। अगर आप इन चीज को हटाना चाहें, मेरी बात ध्यान सुने, मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुने, ध्यान सुने, ध्यान सुने मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप इन चीजों को हटा दोगे फिर दैट लगाओगे फिर चल जाएगा, समझ रहे मेरी बात? अगर यहाँ से आप ये हटा दोगे फिर दैट लगाओगे तो चल जाएगा। यहाँ पहले से ही दैट लगा था, गलत हो गया था ये, क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी बताएं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखिए जरा, ही आस्क मी दैट हाउ मच यू वुड हैंडल दिस, हाउ 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 यू वुड हैंडल द सिचुएशन। अब ये गलत है, क्यों गलत है, क्या गलत है इसमें, जल्दी बताइए। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्या होता है, दो टाइप के डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, मतलब चार पांच टाइप के होते हैं, पर आपके केस में एग्जाम में से दो टाइप के ही आते हैं एरर स्पॉटिंग के अंदर। पहला आता है सिंपल वाला जो मैंने आपको अभी कराया, दूसरा आता है इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव की खास बात क्या होती है, जैसे मैं आपको बताऊं, ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर ना दैट का इस्तेमाल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ही आस्क्ड इन्वर्टेड कॉमा हु वाज आई या हु इज या हु एम आई, रबर से मिटा दो, एम आई, ध्यान सुनो मेरी बात, क्या कह रहा हूं मैं, हु एम, समझ लो मेरी बात। हाँ, अब इसको ना जब आप इंट्रोगेटिव से सिंपलर फॉर्म में बनाओगे तो आप कहोगे ही आस्क्ड, फिर यहाँ पर कोई दैट नहीं आएगा, यहाँ पर कोई दैट नहीं आएगा, फिर आप ना जो ये हु है ये क्वेश्चन फॉर्म में है, ये क्वेश्चन फॉर्म में, इसको क्वेश्चन फॉर्म से बदलोगे तो बन जाएगा हु आई वॉज, ठीक है ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताएं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। अबे तुम्हारे कमेंट चैट बेटा सारे रूल होंगे, क्यों नहीं होंगे, कैसे कम तैसे। अबे मेरी 9 बजे मूवी थोड़ी ना यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो, खत्म हो जाएंगे। पहले बताओ ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ, जो मैं बोल रहा हूँ ये बात बताओ, जो मैं बता रहा हूँ समझ में आया कि नहीं आया, इतना बता दो मेरी जान। दोबारा बोलता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा क्वेश्चन देखो, जरा क्वेश्चन देखो, जरा क्वेश्चन देखो, ही कह रहा ही आस्क्ड दैट, अबे क्वेश्चन वाला वर्ड है, कैसे इसने दैट लगा दिया, क्वेश्चन वाला वर्ड दैट कैसे लगा दिया, जब भी आस आएगा तो दैट नहीं आएगा। दोबारा बोल रहा हूं ध्यान सुन लो, जब भी आस वर्ड आएगा उसके बाद दैट कभी नहीं आएगा, याद रखना। सैड के बाद तो फिर भी दैट आ सकता है, सैड के बाद तो दैट आ सकता है, पर आस के बाद नहीं आ सकता। तो मुझे बता दो इस सेंटेंस में गलती क्या, फटाफट से जल्दी से, दोनों दोनों सेंटेंस में गलती बता दो फटाफट से, फटाफट से बताओ, फटाफट 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 बोलो, जल्दी बताओ। जी हाँ सर, यही गलती है, सेकंड वाले में गलती है, सेकंड वाले में गलती है, सेकंड वाले में, बिल्कुल बात सही। अलग देखिए, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन पे आ चुके हैं, हमने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कर लिया है, अब हम प्रीपोजिशन पे आ चुके हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रीपोजिशन जो आपके एग्जाम में आने वाली है, आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन प्रोनाउन और नाउन का क्या होता है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। अगर आई डू नॉट डिपेंड ऑन ऑन ही आएगा हिम आएगा, ध्यान सुनिए, सेंटेंस के एंड में या सेंटेंस के बीच में कभी ही शी आई नहीं आता है, हमेशा Him, her, yours आता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताएं। बिल्कुल सर बात समझ में आ रही है। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर टू के बाद आई आएगा या मी आएगा, टू के बाद शी आएगा या हर आएगा, जल्दी बताएं, बोलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो 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 मेरी जान, जल्दी बोलो। मिले कोई सत्यम सिनेमा के आसपास आता है क्या? जी हाँ बिल्कुल, हर आएगा, बिल्कुल याद रखें, जब भी आपके पास प्रीपोजिशन हो उस प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आपको हिम, हर, मी या योर जैसी चीजों का इस्तेमाल करना है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, जल्दी बोले। अच्छा, मेरे पापा का नाम ना मेरे घर में सुप्रीम कोर्ट है, आप अपने पापा को प्यार से क्या बुलाते हैं, कमेंट सेक्शन। क्लियर है, वेरी गुड। अगला देखिए, अगर प्रीपोजिशन यूज होता है आफ्टर टू वर्ड मस्ट बी मेड क्लियर इफ दीज टू वर्ड आर कनेक्टेड बाय एंड और, ध्यान सुनिए, शी इज कॉन्शियस एंड एंगेज इन हर, क्या ये बात सही है, नहीं सही नहीं है। ओके एक सेकंड बेटा, ऐसे कुछ करो, एक कंसेप्ट है यहाँ पर, दोबारा बोलता हूँ, दोबारा बोलता हूँ, जो प्रीपोजिशन होती है वो यूज होती है आफ्टर टू वर्ड्स, ठीक है, मस्ट बी मेड क्लियर दैट दीज वर्ड्स आर कनेक्टेड बाय एंड या और। ओके देखिए, अगर मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर ऐसे वर्ड लिखा है, शी इज कॉन्शियस एंड एंगेज इन हर वर्क, ये गलत, ध्यान समझिए मेरी बात। अगर आपके सामने दो वर्ड ऐसे आ रखे हैं
तो उनमें कोई कनेक्शन या तो हो तो आप सिंगल वाली यूज कर पा सकते हैं, बट अगर कनेक्शन नहीं है, दो अलग अलग एक्शन है, जैसे इसमें दो अलग अलग एक्शन, शी इज कॉन्शियस ऑफ एंड एंगेज इन हर वर्क, वो कॉन्शियस है ठीक है और अपना काम कर रही है, इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो आपका क्या करते हैं आप इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप दो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, या मैं आपको सिंपल सिंपल शब्द में बताऊं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, एंगेज अपने आप में वर्ब है और शी इज एन एडजेक्टिव, ये उसका एडजेक्टिव है, तो एक एडजेक्टिव है एक वर्ब है, दोनों को आप एंड से कनेक्ट नहीं कर सकते, दोबारा बोल रहा हूँ ध्यान सुनना मेरी बात, एक यहाँ पर एडजेक्टिव है एक यहाँ पर वर्ब है, दोनों को आप कंजक्शन से एंड से कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको इसमें प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, जब आप प्रीपोजिशन लगाओगे तभी आप कनेक्ट कर सकते हो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, जब आप ऐसा होता है, देखो आपने ऐसे सेंटेंस आपने बहुत बार पढ़े और आपको समझ नहीं आता, शी इज कॉन्शियस ऑफ, यहां तक एक सेंटेंस हो गया, उसके बाद अगर मैं इसको हटा दूं शी इज एंगेज इन हर वर्क भी हो जाएगा, एक सेंटेंस प्रॉपर वे में बनेगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं, बिल्कुल सर सर बात बिल्कुल समझ में आ रही है, अब जरा यहाँ पर देख, माई शर्ट इज डिफरेंट, खास बात क्या है उसकी, एडजेक्टिव डिफरेंट ठीक है ना, और यहाँ पर चीपर भी है, दो एडजेक्टिव को अगर ऐड करना है तो भी हमें एक कंजक्शन से पहले प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही, जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं, ये वाला टफ है यार, ये वाला काफी थोड़ा और किसी तरह से बता सुधा, ये वाला टफ, एक बेटा इसको 2 मिनट के लिए रहने देते हैं, मैं इसको भी समझाता हूँ, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, 2 मिनट में समझाता हूँ, 2 मिनट में दोबारा समझाता हूँ, इस पे आऊंगा, कौन सा क्वेश्चन है 79, 79 पे भी थोड़ी देर में आऊंगा ठीक है ना, 2 मिनट आगे देखो, इफ अ प्रिंसिपल वर्ब इज यूज, ध्यान सुनना, एक प्रिंसिपल वर्ब अगर यूज हो रही है आफ्टर अबाउट, ध्यान सुनना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, एंड आफ्टर एट होम बिफोर फॉर होम इन ऑन एट, ये सब ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनना, अगर मान लो कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो रहा है, कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो रहा है, पहले भी पढ़ाया मैंने, कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद वर्ब का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा, क्या मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बोलेंगे फटाफट, हाँ सर आ रही है आपकी बात समझ में, दोबारा ध्यान सुनिए, कोई भी अगर प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो रही है, कोई भी प्रीपोजिशन इस्तेमाल हो रही है तो उसके तुरंत बाद वर्ब लगेगी और वर्ब के बाद प्लस आईएनजी लगेगा, जरा क्वेश्चन देखें फटाफट, ही इज अफ्रेड ऑफ डूइंग मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ हर, वो बहुत अफ्रेड है ऑफ डूइंग मिस्टेक इन फ्रंट ऑफ हर, मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा, क्या गड़बड़ है, सब सही है यहाँ पर, हाँ सर यहाँ सब सही है, देखो ऑफ डूइंग आ रहा है वर्ब के साथ आ रहा है, तो यहाँ पर जो चीज होगी वो नो एरर होगी, क्लियर है, अगर यहाँ पर ऑफ डू होता है या डन आता है यहाँ पर तो गड़बड़ होती है, अगर सेंटेंस में यहाँ पर ध्यान सुनना मेरी बात, ध्यान सुनना ध्यान सुनना, ऑफ डूइंग की जगह डन आता तो गड़बड़ हो जाती, जरा मैं यहाँ पर नो एरर डाल दू, वरना आप जब पीडीएफ करोगे ना तो आप गड़बड़ कर, नो एरर डाल ना आपको लगेगा कि ये मतलब, ओके शी रिफ्रेन मी फ्रॉम, जल्दी बताओ इसमें क्या गलती है, शी रिफ्रेन मी फ्रॉम, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, यस हैविंग 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 हैविंग, चलो आगे देखें, ओके यहाँ पर देखें 81 रूल पे आते हैं, जरा ध्यान से रहेंगे मेरी बात, ऑन इन एट आर नॉट यूज बिफोर टूडे, देखिए अगर आप ऑन इन एट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलती से भी आप टुमोरो के साथ यूज मत करो, टुडे के साथ यूज मत करो, यस्टरडे के साथ यूज, ही विल गो देयर टुमोरो, ऑन टुमोरो नहीं होता, एट टुमोरो नहीं होता, इन टुमोरो नहीं होता, ऑफ टुमोरो नहीं, एट यस्टरडे नहीं होता, इन यस्टरडे नहीं होता, ऑफ यस्टरडे नहीं होता, बात समझ में आ रही है ठीक है ना, फॉलोइंग डे नेक्स्ट डे इन सबके साथ इस्तेमाल नहीं होता, जरा देखे जरा, ही विल कम ऑन द नेक्स्ट डे, नो एरर, जल्दी बताएं, ही विल कम ऑन द नेक्स्ट डे, नो एरर, जल्दी बोलो, समझो मैंने क्या कहा, ओके जरा देखिए, नो प्रीपोजिशन इज यूज बिफोर द वर्ड होम, एट होम इज अ फ्रेज विच बियर ऑफ डिफरेंट मीनिंग, जरा ध्यान से देखिए, ब्रिंग अ टीवी सेट एट होम, क्या सही कौन सा है, गलत, एट को नॉर्मली लोग सही मानते हैं कि होम के आगे एट लगता है, बट गलत है बेटा, ऐसा नहीं होता है ठीक है ना, जरा ध्यान सुनिए यहाँ पर क्या है, आफ्टर टेकिंग क्लासेस शी वेंट टू होम, क्या सही है ये, जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं, क्या इसमें नो एरर है, बिल्कुल सही बात, नॉर्मली यहाँ पर एट लिखा आता है, यहाँ पर नॉर्मली एट लिखा आता है, गलत है ये ठीक है ना, ही वेंट टू अब्रॉड आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडी, ठीक है जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं, हटाना पड़ेगा ये फॉल, क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अच्छा एक सेंटेंस जरा बताइए यहाँ पर, क्या ये सेंटेंस गलत है सही है, आई एम एट होम, क्या ये सही है गलत है, जल्दी बताएं, आई एम एट होम, योर मॉम आस्क्ड यू कॉल, आपकी माँ ने आपको कॉल किया, पूछा क्या बेटा आप घर पे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम एट होम, आई एम टू होम, आई एम इन होम, क्या बोले जल्दी बताएं, आपके पास ऑप्शन है, आप इसको इन होम भी कर सकते हो, ध्यान सुनना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, 11 से आई एम एट होम सही है, इन होम सही है, या खाली होम सही है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अच्छा इसकी जगह एक और ऑप्शन है मेरे पास, एट माई होम, जल्दी बताओ कौन सा सही, जल्दी बताओ चारों में से कौन सा ऑप्शन, एक और ऑप्शन है मेरे पास, इन माई होम, ये बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, देखिए जरा दोबारा से हम पहले समझते हैं जरा मेरी बात ध्यान से, नो प्रीपोजिशन इज यूज बिफोर द वर्ड होम, होम से पहले कोई भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करता, एट होम एक फ्रेज है विच बियर्स अ डिफरेंट मीनिंग, जरा मेरी बात ध्यान से, ये सिर्फ फ्रेज आई एम एट होम ही ठीक है, इसके अलावा अगर आप कहीं भी होम के साथ एट लगाते हैं तो वो गलत सेंस देगा,
ब्रिंग टीवी सेट एट होम गलत है, ब्रिंग टीवी सेट होम सही है, ठीक है। इसके अलावा अगर एक और सेंस है जिसमें ये एट के अलावा सही आता है, आई एम इन माई होम, ये भी सही है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? आई थिंक आपको वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट डिफिकल्ट वर्ड मैंने आपको क्लियर कर दिया है, अब आपको समझ में आ गया, क्लियर है? अब जरा देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? नॉर्मल जो एक्शन वाली वर्ब होती है ना, अटैक, हेल्प, ये सारी। वी डायरेक्टली यूज ऑब्जेक्ट, नो प्रीपोजिशन यूज आफ्टर द वर्ब। वो सिंपल सी बात कह रहा है, सेंटेंस को जब बनाते हैं तो सब्जेक्ट यूज होता है, वर्ब यूज होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ना कि कोई प्रीपोजिशन आती है। कभी भी वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन नहीं आती, वो ये कह रहा है। द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल इन हिज होम, ठीक है ना। तो यहाँ पर पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी, अबाउट नहीं आ सकता है, यहाँ अबाउट आ रखा है। जल्दी देखें जरा, फटाफट क्वेश्चन देखें। दे अटैक ऑन देयर एनिमीज, तो यहाँ पर अटैक के बाद क्या प्रीपोजिशन आ सकता है? गलत, जल्दी बताओ, गलत, ठीक है ना। तो ऑन नहीं आएगा, शी अटैक देयर एनिमीज, ठीक है ना। शी रिजेंबल हर मदर, नॉट विद आर, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएं, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत, क्लियर है? जल्दी बताएंगे, बोलो 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 जल्दी, ठीक है, ओके। आई थिंक सभी को समझ में आ गया। अब हम आते हैं 84 पे। कुछ वर्ड होते हैं जैसे से, सजेस्ट, प्रपोज, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, टॉक, लिसन, राइट इन फॉलोड बाय द टू प्रीपोजिशन। ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ये कुछ मात्र वर्ड हैं दुनिया में, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। रिप्लाई, जैसे आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पहले मुझे तक कंफर्म करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो उसमें आपने नोटिस किया होगा, सेड के बाद टू भी लग जाता है, रिप्लाई के बाद भी टू लिख जाता है, और आस्क के बाद भी टू लग जाता है, और इसके बाद प्रपोज के बाद भी होता है। मतलब जो भी बोलने वाली चीजें है ना, पूछने वाली चीजें हैं, उसमें आप टू लगा सकते हैं। ये आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा, जल्दी बताओ, याद करो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पढ़ा होगा। ऐसे नहीं लिखते, He said to me, inverted comma start, I am smart. ऐसे पढ़ा होगा, तो देखो टू आ जाता है, याद आ रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बोलो, ठीक है। अगला देखो, when a pronoun is used as a complement, अगर कोई प्रोनाउन कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में यूज होता है, देन ऑफ द वर्ब टू बी, इट शुड बी इन अ नॉमिनेटिव केस। मेरी बात ध्यान सुने, इफ आई वर हिम, अगर मैं होता, अगर मैं वो होता, आई वुड नॉट डू इट, मैं वो नहीं करता। मेरी बात ध्यान सुनिए, मेरी बात, इफ आई वर ही, आई वुड नॉट डू इट। जरा ध्यान समझिए मेरी बात, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान। कायदे में वैसे तो सेंटेंस के बीच में कभी ही का इस्तेमाल नहीं होता, शी का इस्तेमाल नहीं होता, इट का इस्तेमाल नहीं, बट ध्यान सुनना मेरी बात, मेरी बात ध्यान सुन। व्हेन अ प्रोनाउन इज यूज एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब टू बी, इफ आई, ध्यान सुन, इफ आई का अगर जब भी इस्तेमाल हो, इफ आई का जब भी इस्तेमाल हो और उसके बाद कोई वर्ब आ रही, तो आप वापस ही, शी, इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ये जो लिखा है मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, इफ आई का इस्तेमाल हो रहा है, फिर कोई वर्ब इस्तेमाल हो रही है, तो आप उसके बाद आप ही, शी, इट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हिम, हर का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जाम में आया हुआ सवाल है, और ये आपको पता होना चाहिए, याद कर लो उसे, बहुत बार आया है, आप पास्ट पेपर में देखोगे। तो देखिए, इट वॉज मी और इट वॉज आई, इफ शी वर हिम और इफ शी वर ही, यहाँ पर कॉमा आएगा, कॉमा। अरे जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई, टाइम पास करने के लिए समय नहीं मेरे पास, क्लियर है? अगला देखिए, 86 पे आ गए हैं, बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, सिर्फ 14 रूल्स बचे हैं। व्हेन द प्रोनाउन इज यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और ऑफ अ प्रीपोजिशन, इट शुड बी ऑन द ऑब्जेक्टिव केस। ध्यान से सुनना मेरी बात, में क्या कह, व्हेन द प्रोनाउन इज यूज, जब एक प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, इज यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और वो वर्ब की तरह काम कर रहा है, और ऑफ अ प्रीपोजिशन, इट शुड बी इन द ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा हूँ ध्यान, लेट यू एंड आई डू इट, गलत। ये आई मैं मानता हूँ प्रोनाउन है, बट याद रखो, इफ आई वाले केस को छोड़ दो, एक मिनट पेन की इंक में, इफ आई वाला केस छोड़ दो, इफ आई या इफ शी वाला केस जो मैंने पढ़ाया है, उसके अलावा अगर सेंटेंस के बीच में आई, ही, शी आ रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली मी हिम और हर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी बताएं, लेट यू एंड मी, दीज प्रेजेंट्स आर ऑफ यू एंड मी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन बता दे रहा, सेंटेंस क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन क्लियर है? आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, जल्दी बताएं, समझ में आ गई? जैसे मैं कहूँ, लेट यू, ऐसे बोलते, दीज प्रेजेंट्स आर ऑफ यू एंड ही, क्या सही है? नहीं, ही की जगह क्या हो जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। गोली की स्पीड से जवाब आना चाहिए बच्चे, गोली भी तुमसे धीरे होनी चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, सही बात, ओके। नाउ आता है 87 पे, एम्फेथेटिक प्रोनाउन कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? हिमसेल्फ डिड इट, गलत, ही हिमसेल्फ डिड इट। ये इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, एम्फेथेटिक प्रोनाउन भी कह सकते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कह सकते हो। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेले नहीं आ सकते, इनका कोई साथी चाहिए हो। ही हिमसेल्फ डिड इट, गेटिंग अ पॉइंट, सिंपल सवाल। देखिए जरा, माई सेल्फ आई, ये कुछ गड़बड़ है,
एसबीआर रखा है, आरबी रखा। ओके ये तो ठीक है, यहाँ पर गलत। सेकंड वाला क्वेश्चन करो तुम, सेकंड वाला करो, सेकंड वाला करो, सेकंड वाला कुछ करो। हाँ जी अभी ठीक हो, अभी बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ, जल्दी बोलो। द इंडेफिनेट प्रोनाउन वन शुड बी यूज थ्रू आउट इट यू इफ यूज एट एट ऑल। मेरी बात ध्यान से, एक इंडेफिनेट प्रोनाउन होता है वन। अगर वन आपने एक जगह इस्तेमाल किया है तो सेंटेंस के दूसरी बार भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये आपके स्पॉटिंग एरर में वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन में से है। वन मस्ट नॉट बूस्ट वंस ओन सक्सेस, समझो मेरी बात। वन मस्ट नो हिज वंस एबिलिटी, हिज एबिलिटी नहीं, वंस एबिलिटी। वन शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट देयर हिज या वन वन पेरेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताएं। हाँ सर, क्या बात है, वेरी गुड सर। 89 पे आ गए हैं। मूवी यार लगता है देख के दम लोगे, है गदर 2 देख के दम लोगे सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम फटाफट से। द आइदर नाइदर इज यूज ओनली इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन थिंग, एनी नो वन नन इज यूज इन स्पीकिंग मोर देन टू। सर क्या बोलूं, क्या बोलूं, साधारण भाषा में बताओ सर, मैं समझाता हूँ, सुनो मेरी बात। वो कह रहा है आइदर नाइदर का इस्तेमाल यूज होता है स्पीकिंग में टू पर्सन और थिंग के लिए, दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। एनी नो वन नन का जो इस्तेमाल होता है वो दो से ज्यादा के लिए होता है। ध्यान समझिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अगर मैं कहूँ एनी वन ऑफ दीज टू रोड लीड टू रेलवे स्टेशन, गलत है, आइदर आएगा क्योंकि दो रोड है। समझ में आ रही है मेरी बात। मैं बोलता हूँ नाइदर ऑफ दीज थ्री बॉय डिड हिज होमवर्क, गलत, दो से ज्यादा है तो नन ऑफ आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या कह रहा हूँ, जल्दी बोलो। एक तो पता नहीं इंक अपने आप में रेड कैसे बन गया, क्लियर है, आ रही है समझ में बात में क्या कह रहा हूँ। एक तो यार तुम्हारी चैटे अटक कैसे जाती है बीच में, तुम जो आए जिंदगी बात बन। तरुण क्या वेट कर रहा है सर, फिर से बोलो एक बार। क्या अबे बेटा क्या तरुण, क्या क्लियर नहीं हुआ, कौन सा रूल क्लियर नहीं हुआ, कौन सा रूल क्लियर नहीं हुआ। ये बच्चे आपका आई थिंक इंटरनेट रुक गया था, वरना यहाँ तो सही चल रहा है सब कुछ। बच्चों को समझा बेटा, फटाफट से रोजा लिख के दो, यहाँ तक अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट रोजा लिख दो। 89 पे आ गए, सिर्फ 10 रूल बाकी है, फिर 10 रूल के बाद खत्म खत्म। आई थिंक तरुण आप कहीं और हैं। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, फटाफट से बताइए क्या नाइदर ऑफ द थ्री ऑफिसर आएगा। ये आपके ना सीडीएस में क्वेश्चन आया है, सीडीएस 2021 का पेपर देख लो, ये क्वेश्चन दो दो आया, दो दो चेक कर लेना, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे आज भी याद है ये। हाँ जी नाइदर ऑफ द थ्री ऑफिसर्स एक्सेप्टेड द चैलेंज ऑफ द वॉर, बताओ थ्री है तो क्या नाइदर आएगा, नन ऑफ आएगा सर, नन ऑफ आएगा। एनी ऑफ द टू कैन हैव द पासेस, गलत, आइदर ऑफ द, बिल्कुल सर, क्या बात है। आगे चलते हैं जरा। ईच अदर इज यूज इन द स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन, जो ईच अदर है वो दो लोगों के लिए आता है, ठीक है ना, और जो वन अनदर आता है मोर देन टू के लिए आता है। जरा देखिए, द टू ब्रदर लव वन अनदर, गलत, ईच अदर अपने आप से बहुत मोहब्बत करते, अगर दो से ज्यादा होते तो बात होती। जरा देखिए जरा, एवरी गया क्वेश्चन बच गया। हाँ देखो, एवरी स्टूडेंट इन क्लास लव ईच अदर, मोहब्बत है भाई मोहब्बत, तो लव ईच अदर आता है या वन अनदर आता, सर ईच अदर नहीं वन अनदर, ऐसी कैसी बात। चलो आगे बढ़ते हैं, जरा आगे चलते हैं। अ नाउन और प्रोनाउन गवर्निंग अ जीरंड शुड बी पुट इन द पजेसिव केस, क्या कह रहा हूँ सुनते नहीं, कह रहा हूँ कि एक नाउन और एक प्रोनाउन अगर गवर्न कर रहा है जीरंड को, जीरंड समझते हो, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म को हम जीरंड कहते हैं, ध्यान सुन, शुड बी पुट इन द पजेसिव केस, वो पजेसिव केस में होना चाहिए। मतलब प्लीज एक्सक्यूज मी बींग लेट, मी नहीं आएगा माई आएगा। सेंटेंस को याद रखो, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब वर्ब प्लस आईएनजी आ जाती है, वर्ब प्लस आईएनजी आ जाती है तो आपका हिज हर और माई का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, वर्ब प्लस आईएनजी के साथ। बताया था कि नहीं बताया था, वही बात बता रहा, घुमा के बता रहा, ठीक है ना। 91, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहाँ पर ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, मी का माई हो जाता है और यू का योर्स हो जाता है, तुम बताओ। तरुण बच्चे आप थोड़ा वीडियो पीछे कर लो, आपको समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं, आपका इंटरनेट का एक प्रॉब्लम, अदरवाइज कोई दिक्कत, मैंने बहुत प्यार में से, हाँ समझ गए, इसमें ना योर लेट है, इसमें लेट लिखना रह गया है अभी, ठीक सेंटेंस वो इजी लड़ खड़ा, क्लियर है। अगला 92, फाइनली वी आर गोइंग फॉर अ मूवी, ठीक है, नहीं मैं जा रहा हूँ, तुम थोड़ा जा रहे हो, वी क्यों कह रहा हूँ, आई है नसीब में तो मेरे है, तुम तो भैया एग्जाम के बाद देख, तुम्हारे नसीब में अभी मूवी देखना है ही नहीं, पढ़ो अभी। अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद दिस एंटीसीडेंट इन पर्सनल नंबर और जेंड, ध्यान से देखिए, ईच ऑफ दीज बॉयज हैज डन देयर होमवर्क, ईच ऑफ दीज, क्या बात सही है, क्या मुझे ईच लगाना चाहिए, नहीं, बात ध्यान सुनना बेटा, मेरी बात ध्यान सुनो, ये सही है, देखो सुनो मेरी बात, ये बात सही है, ईच ऑफ दीज बॉयज, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर जब बॉयज का इस्तेमाल हो रहा हो और ईच ऑफ दीज लगा हुआ हो तो यहाँ पर देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। ये एक रूल है जो आपके सीडीएस सेकंड 2022 में भी आया है और ये एनडीए में भी आया है, 2021 में आया है, एनडीए 2022 में भी आया, तो प्लीज बात को ध्यान रखिए, जब ईच ऑफ दीज आ रहा हो और उसके बाद जो भी प्रोनाउन आ रहा हो, प्रोनाउन या नाउन जो भी आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोल मेरी जान, बोल बोल बोल, जल्दी समझ में आएगा, नहीं आया, बोलिए, गलत, हाँ जी बताओ क्या आंसर होगा इसका, बोल मेरी जान, बोल 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 बोल, क्या है यहाँ पर, क्या नो एरर है यहाँ पर, नो एरर तो लिखा ही नहीं। हाँ
हाँ जी बोलो जी सर। नो एरर इज द राइट आंसर सर। स्टूडेंट है सर, स्टूडेंट ना तो हिज आते हैं ना हर होते, ठीक है ना, स्टूडेंट ना तो हिज होते हैं ना हर होते। यहाँ पर अगर ईच ऑफ द बॉयज होता या गर्ल्स होता तो बॉयज के लिए क्या हो जाता, हिम हो जाता, और गर्ल्स के लिए क्या हो जाता, हर हो जाता। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है बेटा? पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर नो एरर है ही नहीं। थैंक यू। यहाँ पर आपको ना एक काम करना पड़ेगा, ईच ऑफ देयर स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट्स एडमिट कार्ड। जी हाँ, मैं मानता हूँ इट आपको बताया गया होगा कि वो नॉन लिविंग के साथ आता, समझो मेरी बात, बट जब इट्स कर देते ना तो वो लिविंग के लिए बन जाते, तो यहाँ पर इट्स आएगा, इट्स, या आप हिज भी लगा सकते, क्योंकि हमारी जो पहली वाली मान्यता ये थी कि स्टूडेंट लड़के ही होते हैं, तो हिज भी लग जाता है, आपने बुक्स में हिज देखा होगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए बताओ, दिस वाज द एपिक क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए। अभी क्लियर हुआ? बोल मेरी जाने मानो, समझ में आया मैंने क्या कहा? सर आपने ऐसा पोपट काटा ना, ऐसा पोपट काटा है ना, मैं क्या बताऊं, क्या बताऊं। अच्छा तुम में से कितने ऐसे जिनका सिलेबस अभी भी पेंडिंग पड़ा है, कितने ऐसे बच्चे जिनका सिलेबस अभी पेंडिंग पड़ा है? सर मेरे को नहीं पता कि मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, या मेरे को थोड़ा ना फास्ट फॉरवर्ड करना है, कैसे करना, किसी को पता है बात? देखो मैं तुमको दिखाता हूँ, ऐसे मैंने वीडियो बनाई थी इस पे, पर पता नहीं तुम लोगों ने देखी नहीं देखी, क्या हुआ, तो मैं एक बार दिखा देता। ये वाली वीडियो देख रहे हो, ये वाली, ये एनडीए वाली, एनडीए एग्जाम 100% सिलेबस कंप्लीट, ये चैट जीपीटी के थ्रू है। ये देखो ऐसे गूगल पे डालोगे ना एनडीए चैट जीपीटी तो आएगा, ये देखो ये वाली, ये एनडीए के लिए। वहीं यहाँ पर अगर आप सीडीएस डालेंगे तो सीडीएस वाले के लिए भी आए, ठीक है ना। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये दोनों वीडियो देखना, आपका ना सिलेबस बहुत जल्दा ज्यादा तेजी से होगा। इनफैक्ट आपने सोचा है कि ये मैंने 100 जो आपको ग्रामर रूल पढ़ा रहा हूँ ये मैंने बनाए कैसे, ये चैट जीपीटी ने बना के दिए मेरे को, मैंने सिर्फ उसको बताया कि मेरे को ये चाहिए, मैंने उसको सारे के सारे स्पॉटिंग एरर ना एक्चुअली उठा के दे दिए एक साथ, मैंने कहा इसके रूल्स बना दो, तो उसने रूल्स बना दिए और उसके एग्जाम्पल भी बनाए। सो प्लीज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप दोनों ये वीडियो जरूर देखें, अगर आपका एनडीए सीडीएस का थोड़ा ये सिलेबस बाकी है, आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा, ठीक है, समझ लो मेरी बात। चलो आगे बढ़ता हूँ मैं, ओए होए बढ़ू आगे, चलो आगे देख। हाँ कहा था मैं, ये था, वेन टू और मोर सिंगल नाउन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जब दो और ज्यादा सिंगल नाउन आर जॉइंड बाय एंड, एंड द प्रोनाउन यूज फॉर देम मस्ट बी प्लूरल। ध्यान से देखिए, एंड है ठीक है, उसके आगे बोथ लगा हुआ है, क्या ये बात सही है? हाँ आप लगा सकते, बोथ और एंड कंजक्शन एक साथ आ सकती है, दोनों मैंने आपको पहले भी बताई थी, तो इट्स एब्सोल्युटली राइट। बट आप यहाँ आपको ध्यान रखना है कि राजा और रवि दो लोग हैं, तो यहाँ पर देयर आएगा ना कि हिज, ये चीज गड़बड़ होती है एग्जाम में, इस बात को आपको याद रख, क्लियर है? देखो जरा, बताओ जरा यहाँ पर क्या आएगा, क्या लिखा है बेटा? सेकंड वाला करो, फर्स्ट वाले में कुछ टाइपिंग गड़बड़ सेंटेंस, आप ये वाला बताओ इसमें से क्या यूज, जल्दी बताओ। बिल्कुल जी, आर आएगा आपके साथ, आर आएगा, आर आएगा, आर आएगा, आर आएगा, ठीक है। इसमें एक चीज और है यार, लगा ही बना दिया वो, अभी ठीक क्वेश्चन पूरा ठीक, ओके अब देखो ठीक है, आगे चले, समझ में आ गई बात? देखिए सर आगे देखिए जरा, वेन टू, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, वेन टू और मोर सिंगुलर नाउन ज्वाइन बाय एंड, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन ज्वाइन कर जाते हैं एंड से, रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, एक या एक पर्सन या थिंग से ज्यादा होता है ना, पर्सन यूज फॉर देम मस्ट बी इन द सिंगुलर। जरा ध्यान से समझिए, ये मैं पढ़ा चुका हूँ सेंटेंस के स्टार्टिंग में, पढ़ा चुका हूँ 94th है। देखो, कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ही आदमी होता, उसको दास से ज्वाइन करा गया, बताया गया है कि ये दोनों एक ही आदमी, हिंट है ये, ध्यान सुनो मेरी बात, कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ही आदमी, इसलिए दा एक ही जगह यूज करा गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर इज आएगा, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बट अगर यहाँ पर इज आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर देयर नहीं आएगा, यहाँ पर हिज आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ मेरी बात, ध्यान सुनना मेरी बात, बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में आता है। नॉर्मली मैंने एक एग्जाम में गलती कर दी, मैंने यहाँ पर दा देखा, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर देखा, मैंने कहा दोनों सेम है, यहाँ पर इज लगा रखा है, मैंने नो एरर पे टिक कर दिया, पर मैंने देखा ही नहीं यहाँ पर देयर ड्यूटी लिखा था, देयर तो मतलब दो लोग होते हैं, दो से ज्यादा, दो लोग तो है नहीं, तो एक लोग है, तो हिज आएगा। गेटिंग माय पॉइंट? जल्दी बताएंगे फटाफट, तेजी से बताएंगे, बोलेंगे फटाफट तेजी से, बोलो, वेरी गुड। आगे देखें जरा, ये बताओ यहाँ पर मैनेजर और फाउंडर दो अलग अलग आदमी हैज कम है, क्या यहाँ पर हिज आएगा? जल्दी बताओ, नहीं, देयर आए, वेरी गुड, समझ गए तुम। अब आते हैं हम 95 पे, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय और नॉर और आइदर और नाइदर और नॉर, द प्रोनाउन यूज फॉर देम शुड बी इन सिंगुलर। समझो मेरी बात, रवि और राजा ये सिंगुलर सिंगुलर आदमी है, तो यहाँ हैज आया, तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा, हिज आएगा या देयर आएगा? सर हिज आएगा, यही तो समझाना चाह रहा हूँ, समझो मेरी बात। अगर मैं यहां लिखता हूं आइदर योर और आइदर यू और योर्स, चैट जीपीटी भी कभी कभार गड़बड़ कर देता है ना, तो तभी आइदर यू और योर्स हैव, हाँ जी अभी बताओ, तो एक और ऑप्शन, हाँ जी अभी बताओ, आइदर यू और योर सन हैव स्टोलन माई पेन, नो एरर। जरा मुझे बताइए, माई से कोई रिलेशन है यू और योर का? नहीं है,
ये बात तो ठीक है, बट क्या यहाँ पर हैव आएगा या हिज आएगा, जल्दी बताओ। सही, यहाँ पर हैव आएगा। यू योर के लिए तो प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब भी आती है, तो हैव आएगा। आपकी बात सब ठीक है, जल्दी बताओ हैव आएगा कि हैज आएगा, जल्दी बताओ। कुछ लोग कह रहे हैं हैज आएगा। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि यू के बाद ना, यू के बाद हैव आता है या आर आता है या वर आता है। बट मान लो आपके पास योर है और उसके बाद आपने ना इसके बाद कोई नाउन लगा दिया, जैसे सन, गर्ल, बॉय, तो ये तो सिंगुलर है ना, इनके लिए इस केस में हैज हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात? अब बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अभी क्लियर है? बहुत ही डीप में बात बताई है मैंने, बोल दो जल्दी, कोई समस्या आ रही हो तो जल्दी बोल दो। चले आगे, चलिए। 97, व्हेन टू और मोर प्लूरल प्रोनाउन, स्पेलिंग गलत लिखी क्या? अल्टीमेट अंग्रेजी लिख के लाया। हाँ जी, व्हेन टू और मोर प्लूरल प्रोनाउन्स, व्हेन टू और मोर प्लूरल प्रोनाउन्स ऑफ अ डिफरेंट पर्सन कम टुगेदर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी कम्स फर्स्ट, देन सेकंड पर्सन, देन प्लूरल यू, वगैरह वगैरह। सुनो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान सुनो। ऐसा सीन है, आपने धोनी रूल सुना है? धोनी रूल सुनो, धोनी कैप्टन है और कैप्टन होने के बावजूद भी वो जो कप होता है खुद नहीं उठाता। पहले वो कहता है टीम, फिर तुम, और फिर आखिर में मैं। बस यही रूल है। जब भी कभी ऐसा हो कि आपके पास है वी, यू, दे, तो आपको वी सबसे पहले लगाना है, फिर यू लगाना है, फिर दे लगाना, ठीक है ना? मान लो फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे समझो, मान लो कोई ना मीडिया गाली दे रहा है टीम को, ठीक है ना? तो या मान लो, रुको रुको, ऐसा बताता हूँ। एम एस धोनी है, एम एस धोनी को कहा जा रहा है कि तुम्हारी टीम में ना लोग ऐसे हैं या वैसे हैं, तो ये तीसरे की बात सुनेगा कि टीम की सुनेगा? तो पहले टीम की सुनेगा, फिर अपने पास में जो सबसे वाइस कैप्टन है उसकी सुनेगा, फिर दुनिया की सुनेगा। तो यही सीन। या मान लो टीम जीत गई है, तो पहले टीम की वैल्यू देगा, फिर जो इस बंदे ने अच्छा खेला उसको वैल्यू देगा, और फिर आखिर में अपनी लीडरशिप को वैल्यू। समझो मेरी बात? ये से कहते हैं धोनी रूल। अब मुझे बताओ, यहाँ पर धोनी रूल के अकॉर्डिंग क्या ये सही लगा हुआ है? जल्दी बताओ। ही, यू एंड आई वर गोइंग फॉर अ मूवी, जल्दी बताओ। ये वाला भी बताओ, यू, ही एंड वी, क्या सही लगा हुआ है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। जी सर, तो यहाँ पर क्या होता, पहले यहाँ आता था वी, फिर यहाँ आता यू, और फिर यहाँ पर आता, क्लियर है? यहाँ पर ही, फिर यू, फिर, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? शुक शुक। तो ये तो नो एरर है और इसमें फर्स्ट वाले में एरर, क्लियर है? जल्दी से देखो, जल्दी से पता लगाओ। आगे देखिए जरा, द रिलेटिव प्रोनाउन हु इज इन द सब्जेक्टिव केस, ध्यान सुनना मेरी बात। रिलेटिव प्रोनाउन जो कि सब्जेक्टिव केस में है, वेयर एज हुम इन द ऑब्जेक्टिव केस, एंड देयर फोर हु देयर मस्ट बी अ फाइनाइट वर्ब। क्या कह रहा है? इतना सारा क्यों पढ़ देते? रुको रुको, मैं तुम्हें सिंपल भाषा सुनो। देखो, डॉक्टर आदमी है, आदमी के लिए हुम नहीं आ सकता, इंसानों के लिए हु आता है, बस इतनी सी बात है। जरा बताओ, दिस इज द सेम मैन हुम या हु, द्वारा बोल रहा हूं। आदमियों के लिए हु का इस्तेमाल करा जाता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए हुम का इस्तेमाल। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर बिल्कुल सही बात है, मैं समझ गया हु आएगा। चलो अब एक और बात बताता हूँ, सुनो मेरी बात। जब आपने हु का इस्तेमाल कर लिया, तो हु के तुरंत बाद कोई भी प्रोनाउन या नाउन नहीं आएगा। अब जरा ये वाला सेंटेंस देखो, दिस इज द सेम पर्सन हु आई गिव, क्या आई नहीं आएगा, थर्ड में गलती है, क्लियर है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जल्दी बोलो बच्चा लोग, अलग पांडे सर कहते हैं ऐसे, जल्दी बोलो बच्चा लोग। आई थिंक एथलीट शिवम, आपको अब समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहूँ। कुछ नहीं बोला मेरी जान मैंने, कि इंसानों के साथ हुम का इस्तेमाल नहीं होता है, इंसानों के साथ हु का इस्तेमाल होता है, क्लियर है? बात समझ में आ रही है मेरी जान, बोलो। ओके, 99, विद सुपरलेटिव डिग्री, विद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव ओनली नन ऑल एक्सेट्रा रिलेटिव प्रोनाउन वी यूज, नॉट विच और हु। सुनना बहुत बहुत ध्यान, अरे यार सुनो ध्यान से। विद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव, ठीक है ना? विद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव ओनली नन ऑल एक्सेट्रा रिलेटिव प्रोनाउन वी यूज, यूज दैट एंड नॉट विच और ऑल के साथ, ऑल के साथ अगर आप बताना चाह रहे हैं कि कोई चीज बहुत अच्छी है, तो ऑल के साथ या तो आप दैट का इस्तेमाल करें, ठीक है ना? इस बात को आप याद रखें। अगर मान लो ओनली आ जाए तो भी आप दैट का इस्तेमाल करें, या आपके सामने नन आ जाए तो भी आप उसके तुरंत बाद दैट का इस्तेमाल करें, और फिर बताएं कि कोई चीज कितनी अच्छी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? छोटा सा रूल है, जरा देखते हैं जरा। शी ऑलवेज परचेज द प्रोडक्ट विच इज ब्रांडेड। अरे यार क्या ये फालतू का दे रहा है, एक सेकंड, ये नहीं आना चाहिए। हाँ अभी देखो, इसलिए नहीं दिया था मैंने तुम्हें। शी इज द ओनली दैट गर्ल हु इज काइंड टू मी, गॉट द पॉइंट? क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, आपकी बात समझ, ठीक है ना? ओके, अगला देखिए जरा, 100 रूल फाइनल, सुनो मेरी बात। आफ्टर लेट, अगर लेट आ रहा है, अगर लेट आ रहा है, इफ अ प्रोनाउन इज यूज, अगर एक प्रोनाउन यूज हो रहा है, That pronoun must be an objective case. मतलब let के बाद कभी भी ही नहीं आएगा, हेमा। वो सिर्फ if I वाला केस था, if I, याद आ रहा है? उसके केस में हम यूज करते थे कि भैया ही शी यूज हो सकता है। अदरवाइज कहीं भी सेंटेंस के बीच में अगर आपको यूज करना है, तो आप हिम, हिज, या हर का या योर का ही इस्तेमाल करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ। सो फाइनली आपके सामने फाइनल क्वेश्चन, आपके सामने जल्दी बताओ,
क्या लेट शी इस्तेमाल होगा, लेट दे इस्तेमाल होगा, जल्दी बताओ। नहीं नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, हर हो जाएगा, यहां पर क्या होगा, देम हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल यही है सीन। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ, प्लीज भाई से दो बार रिवाइज कर लेना, प्लीज 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 प्लीज। मैं बता रहा हूँ इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। स्पॉटिंग एरर तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, चाहे एफकेट की कर रहे हो, चाहे सीडीएस की करो, चाहे एनडी की कर रहे हो। इस वीडियो को डाउनलोड करो, रिवाइज करो, और फिर जो मैं पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूँ वहां से जाकर आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको, फिर पीवाईक्यू करो। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इससे बाहर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ है भैया, मेरा पता, हो सके तो मिठाई खिलाने जरूर आना यार, तुम्हारा इंतजार मैं करूंगा, मिठाई का बहुत भूखा आदमी हूं मैं, ठीक है। और मैं लेता हूँ आपसे विदा। और याद रखो एक बात और, मैं क्या कह रहा था, कोई भी सब्जेक्ट वीक है, स्पेशली साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, तो भाई से कंप्लीट कर लो। मैं बता रहा हूँ जो पढ़ाया है कॉपी पेस्ट आ रहा है, अभी भी एग्जाम में बहुत टाइम है, आप खत्म कर पाओगे। और आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो याद रखना है मेरा नंबर आपके पास होना चाहिए, टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात एक और बोल रहा हूँ मेरे बच्चे, पैसे के पीछे चिंता मत करो, 500 रुपये कोई ज्यादा नहीं होते, तुम्हें कोई पढ़ा रहा है, अगर तुम ट्यूशन फी भी जाओगे ना तो 2500 रुपये लेता है कोई, मैं तो यह बहुत कम कर रहा हूँ, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखो। दूसरी बात बेटा, जब एग्जाम में छपा छपा आएगा तो मैं मिठाई खा के दम लूंगा, बिना मिठाई के मेरा काम चलता नहीं, मेरी मेरी खुराक की मिठाई है, समझ रहे हो मेरी बात। और बात याद रखो, स्मॉल बैचेस हैं सीडीएस और एनडीए के, अगर आपको लेने हैं तो आपको जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि 30 से 40 ज्यादा बच्चे नहीं होते, बहुत कम होते हैं। प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, वेबसाइट पे जाओ, अपना एग्जाम चूज करो, ऑफलाइन क्लासेस चूज करो, रजिस्ट्रेशन कराओ और हमें कॉल करके बता दो कि सर हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस में बहुत कोई बड़ा हॉल नहीं है, बहुत छोटा सा हॉल है, बस वहां पर आपके एग्जाम के लिए बात हो रही है। और जिनके पैसे की दिक्कत है, स्कॉलरशिप है बेटा, पर स्कॉलरशिप का अपडेट कहाँ आएगा, टेलीग्राम पे, ठीक है। चलो मैं लेता हूँ आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, और मिठाई खिलाना मत भूलना, बाय बाय।